अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व आलिही व सहाबीही अजमईन। अम्मा बाद, मेरे भाइयों और बहनों, डेफिनेटली हम सभी का इस्तकबाल करते हैं आज के ये बेहतरीन स्ट्रीम में। स्ट्रीम का मौजू तो आप लोगों को सभी को पता ही है, एंड उसके पहले हम डेफिनेटली अल्लाह सुबहाना व ताला का हम शुक्रिया करते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हम सभी को इतने बेहतरीन दीन दीनुल हक इस्लाम से नवाजा, एंड हमें अपने सबसे प्यारे नबी इमामुल अंबिया सैयदुल बशर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। डेफिनेटली हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से शुक्र करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ आज आए एक ऐसे मौजू, एक ऐसे सब्जेक्ट को जानने के लिए जिसके लिए डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी को वो जानना कि क्योंकि अभी थोड़ी देर में जैद पटेल साहब आएंगे और हमको बताएंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप प्लीज़ राइट नाउ अभी के अभी ये जो स्ट्रीम की जो आपके पास लिंक है वो प्लीज़ आप जितने आपके चाहने वाले हैं, आपके व्हाट्सएप पे है, आपके घर में है, आपके रिश्तेदारों में है, सभी को इनवाइट करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी क्लास है। इसमें हम सिर्फ ये आंसर्स ही नहीं देखेंगे इस क्वेश्चन का, बट डेफिनेटली बहुत सारे इस्लाम के बेहतरीन पहलू को भी जानेंगे, बहुत सारी अच्छी सबक जो कुरान हमें सिखाता है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं, ऐसे चीज़ें हम इस तरीके की क्लास में, स्ट्रीम में हम सीखेंगे। तो अगर वो आपके चाहने वाले, आपके दोस्त बिरदा, आपके सिस्टर्स जानेंगे तो इंशाल्लाह आप सभी को भी उसका सदकतुल जारिया मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए जाइए, जल्दी जाइए और जितना फास्ट हो सके इस स्ट्रीम के लिंक को जल्दी से शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, एंड देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आपके तरफ से, हर एक इंसान की तरफ से एटलीस्ट 10, 12, 13, 14, 100, 200 लोग आए। लेट्स फुल दिस स्ट्रीम इंशाल्लाह। ठीक है, हम देखेंगे कि ये आज कल लास्ट संडे का भी हमारा बेहतरीन स्ट्रीम रहा, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बेहतरीन स्ट्रीम रहा, एंड उसमें भी हमने बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखे, एंड इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी जितनी भी स्ट्रीम होगे, हमारा तो इरादा ये है इंशाल्लाह, जैद भाई भी इसके लिए अनाउंस करेंगे कि हर संडे या सैटरडे जो भी मुनासिब दिन होगा ये हम इंशाल्लाह ज़रूर स्ट्रीम में आएंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ आप जाइए और जल्दी से जल्दी आप इस स्ट्रीम को शेयर करें, जल्दी से फास्ट, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि हमारे इस्लाम के बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि बहुत सारे यहाँ पे नहीं आए लास्ट टाइम, लेकिन इंशाल्लाह आपकी मदद रही, आपने अगर उनको इनवाइट किया तो वो भी आ जाएंगे, तो डेफिनेटली उनको लेके आइए। एंड अभी हम देख रहे हैं कि जैद भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो बस थोड़ी देर वेट करें इंशाल्लाह, एंड जैद भाई जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह आज का जो सब्जेक्ट है वो शुरू होगा। एंड बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह, जैद भाई इज़ हियर, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो जैद भाई? फर्स्ट कंफर्म करिए मेरी ऑडियो एवरीथिंग इज फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फिक, ऑडियो अच्छी है, लाइटनिंग अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैद भाई कैसे फील हो रहा है लास्ट स्ट्रीम के बाद में? आज हम पहले वापस स्ट्रीम कर रहे हैं, बीच में पूरा हफ्ता कैसा गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। वेल आई लाइक कि एक चीज अच्छी लगती है यहाँ पर कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे डिस्कशंस हो सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं इसके अंदर, और इसकी अच्छाई एक ये है कि सब अलग अलग ख्याल के लोग आ सकते हैं, चाहे अग्री करें ना करें, कम से कम बात तो कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है।
और ऐसे और चीजें होनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। और हम सबको क्या खास ख्याल ये रखना चाहिए कि ये सारी चीजों में हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रखें और एतदाल रखें, बैलेंस रखें। कोई फोर्स नहीं कर रहा है किसी को भी किसी के व्यू मानने, लेकिन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होना चाहिए। और ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है, ये बहुत बेहतरीन चीज है। क्यों बेहतरीन चीज है ना? क्योंकि मेरा मानना है और इस्लाम ने सिखाया है, वकुल जाल हक्कु व जहकल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है, इन्नल बातिला काना जहूका, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। जब हक और बातिल फेस टू फेस आते हैं तो बातिल मिटता है, लेकिन आना चाहिए। और एक इंसान को आंखें अच्छा खोल के देखना चाहिए। अगर वो आंखें खोल के नहीं देखता है तो फिर क्या होगा? तो फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई एक इंसान आंखें खोल के हक को एटलीस्ट एक चांस दे, एक मौका दे, गिव्स हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटी, तो फिर बात बहुत बेहतरीन है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जजाक अल्लाह खैर जैद भाई। जैद भाई, काफी लोगों से हमने ये भी कमेंट सुना है कि अरे भाई, आप क्यों इन लोगों के बीच में पढ़ते हो, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस जैद भाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम कम से कम एक बार हम ट्रुथ को एस्टैब्लिश करें हर मौजू पर, हक को पेश कर दें, जो उनके शुबहात है, डाउट्स है, क्वेश्चंस है, उसको एक बार कम से कम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले आए, सही बात को ले आए, और ये जरूरी है। तो एक बार ये कर दें और उसके बाद में जितना नेसेसरी उतना किया जाए, लेकिन एक बार एटलीस्ट एस्टैब्लिश करना जरूरी है। दूसरी चीज इसमें यह है कि हम देखते हैं कि दूसरा प्रोपेगेंडा चल रहा है और लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हक जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, या उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ओपन माइंड रखते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अंध होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, मतलब उन्होंने सोच रखा है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रियली जो जानना चाहते हैं, हु नो कि उनके पास खुद का भी दिमाग है। मतलब ऐसे लोग हैं जो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस की खुद की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब वो खुद देख सकते हैं, ये उनका बिलीफ है कि मैं खुद भी अकलमंद हूं भाई। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कोई दुनिया के कोई भी इंसान से के बारे में, कि वो ये सोच रहा है कि मैं खुद भी अपनी एक अकल रखता हूं और मैं खुद जानना चाहता हूं। तो वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनने के लिए आते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो आके हमारी साइड ऑफ द स्टोरी में सुने, हम उन्हें अपनी बात बताएं। जी तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि ये हमारा रिस्पॉन्स है ऑन द अटैक एक्चुअली, है ना? तो देखिए वरना कैसा है, तो ये हमारी ड्यूटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ड्यूटी है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करें, हम लोगों को बताएं। फोर्स करना अलाउड नहीं है, लेकिन दावत देना यानी इंफॉर्मेशन शेयर करना, लोगों को बताना, ये जरूरी है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको एक बात बता दूं, ये आप सबके लिए बहुत बहुत ही डीप एंड प्रोफाउंड बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रियलिटी क्या है ना कि इंसान यहाँ पे लाइफ जीता है, समझता है यही सब कुछ है ये दुनिया, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दुनिया की जिंदगी एक एग्जाम है। ये जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है ना, ये सब के सब एग्जाम ही चल रहा है, और कोई चीज ऐसी नहीं हो रही है जो अनप्लान्ड है। मतलब ये अल्लाह के प्लान में से है कि हो, ये सब जो हो रहा है इट्स पार्ट ऑफ अल्लाह's ग्रेट डिवाइन प्लान, और ये प्लान के अंदर आप और मैं भी जी रहे हैं। अब समझने की बात क्या है कि हम अकलमंद इंसान क्या जिएंगे और मर जाएंगे? क्या हम वेजिटेशन है? वेजिटेशन होता है ना, जैसे पौधा होगा, खत्म हो गया। हाँ, या हम जानवर हैं, ये बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मर रहे हैं, यही है। इज दैट ऑल टू लाइफ, या हमारी जिंदगी में कोई मकसद है? तो मैं आप सबके सामने एक बात रख रहा हूँ कि हमारी लाइफ डेथ के साथ खत्म नहीं होने वाली है, हमारे ये जिंदगी का रिजल्ट आने वाला है। और ये रिजल्ट क्योंकि आने वाला है ना, तो समझदार इंसान वो लोग होते हैं जो इस बात को खुले जहन से समझ ले कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, हुए माय, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा मालिक कौन है, मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ। तो ये रियलिटीज के ताल्लुक से अवेकन करना ना, ये मकसद है हमारा। जैद भाई, डेफिनेटली बारकल्लाह फिक, आपने जो मुहिम चलाई है और अब काफ़ी उलमा, काफ़ी लोग आपके पीछे साथ में है इसके ऊपर, इस रिसर्च टीम जो काम करती है आपके साथ में, एंड आप आगे फ्रंट फेस बन के कर रहे हो। आप यकीन करें कि बहुत सारे मुसलमान अभी राइट नाउ आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ही आपको दुआएं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक अक्सर बहुत सारे लोग परेशान थे कई दिनों से, और ये एक ऐसी परेशानी थी कि इसका हल नहीं मिल रहा था, और कहीं से बोलते हैं रोशनी नहीं दिख रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका पहला डिबेट हुआ, उसके बाद में जब हमने सेकंड स्ट्रीम किए, तो
तो अभी लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल है, ऐसे लोगों को भी हम सही हिकमत से, प्यार मोहब्बत से सही राह दिखा सकते हैं, है ना जी? बिल्कुल सही। और मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जो 100% एवरी सिंगल टॉपिक जो एतराज के तौर पे उठाया जाता है, इंशाल्लाह हम लोग ये स्ट्रीम्स में सब टॉपिक्स ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। टू स्टार्ट विद हमने देखा कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव लग रहा था, अभी हमने लिया है अल्हम्दुलिल्लाह जैद एंड ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुमा का टॉपिक, उनकी मैरिज का, मैरिज टू ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह आज के दिन में। इंशाल्लाह अगले हम इसमें इस्लाम क्या गुलामी सिखाता है, क्या इस्लाम गुलामी को प्रमोट करता है, हम ये टॉपिक को हेड लॉन्ग फेस टू फेस लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जिहाद और जिजिया का टॉपिक लेंगे, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को फेस टू फेस देखेंगे और वेलकम करेंगे, आओ कौन आना चाहता है बात करने के लिए आओ। हाँ, मतलब वी आर ओपन टू फॉर डायलॉग, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि हम डिजाइन इस सेशन को ऐसा ही करेंगे कि थोड़ा मैं प्रेजेंट कर दूं मेरी बात और फिर लोगों को आने दो, सवाल और जवाब करने दो, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन मोड में मैं अपना मैटर पेश करूंगा। तो आइए आई थिंक लेट्स स्टार्ट शकील भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं एंड इनवाइट करें लोगों को दीन और हक की बात जानने के लिए। जैसा कि आपने सुना, जैद भाई ने कहा कि जब हक आ जाता है तो बातिल वहां से चला जाता है, तो ये बातिल के वैनिश होने का टाइम है इंशाल्लाह। आप लोग जल्दी से जल्दी लोगों को इनवाइट करें, जब तक के जैद भाई तैयार कर रहे अपना प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह लोगों ने बहुत एतराज उठाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को टारगेट करने के लिए, जो एक टॉपिक है जिसपे लोगों ने बहुत इस मौजू को उठा करके कीचड़ उछालने की कोशिश की है, वो टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से। इस निकाह को टारगेट करके इतने बदतरीन किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब मुझे शर्मिंदगी है उन लोगों के ताल्लुक से कि कितना लोग गिर सकते हैं। जब एक नेक इंसान के पैगाम का जवाब नहीं होता है, जब उनके बेसिक मैसेज का जवाब लोगों के पास नहीं होता है, तो उनकी शख्सियत को टारगेट करके मलाइन करने की कोशिश करते हैं। और इस बात से यह भी पता चलता है कि कितने डेस्परेट हैं वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को बदनाम करना चाहते हैं, कितने डेस्परेट है, कितने गिर सकते हैं वो लोग, ये इससे हमें पता चलता है। तो आइए आज के पूरे सेशन में हम इसके अंदर उनके वो बातों के खोखलेपन को एक्सपोज करेंगे, बल्कि दोगलेपन को, झूठे झूठ को, फ्रॉड को हम एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह, और सच्ची बात आपके सामने रखेंगे क्लियरली। कोलू कॉलन सदीदा, सीधी सीधी बात कह दो, सीधी बात आपके सामने इंशाल्लाह इस टॉपिक पे रखेंगे। मैं इस टॉपिक को प्लान ऐसे कर रहा हूं कि मैं आपके सामने एक डेढ़ घंटे तक मेरा प्रेजेंटेशन करूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन अभी पेश करूंगा, ओनली इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन पेश करने के बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप लोग सवाल पूछो। हाँ, आप लोग सवाल पूछो। जस्ट अ मिनट शकील भाई, कैन यू कंफर्म? जी शकील भाई, जरा मेरा साउंड का प्लीज आप कंफर्म करें। जी आपका नॉट गुड, आपका साउंड गुड है, लेकिन बैकग्राउंड्स पे काफी आवाज आ रही है। साउंड यहाँ पे कोई फैन भी ऑन नहीं है। एक मिनट रुकिए। इट सीम्स समबडी इज टॉकिंग। इज दिस बेटर? नहीं, शायद कोई वीडियो चल रहा है या कोई बैकग्राउंड में आपके लैपटॉप वगैरह में। जी थोड़ी देर के लिए कुछ डिस्टरबेंस शायद आएगा, बट आई फील मेरा साउंड क्लियर है इंशाल्लाह। हाँ जैद भाई, आपका साउंड, जैद भाई आपका साउंड क्लियर है, जज़ाकअल्लाह खैर। मैं इसे इस तरह से भी कर सकता था। इज दिस एनी बेटर? इज दिस साउंड बेटर?
क्योंकि हमें करना है स्ट्रीम जी. जेड भाई कंटिन्यू यू कंटिन्यू. इज दिस बेटर और इज वाज दैट बेटर? नो नो दिस इज बेटर. लेकिन ये मेरे ख्याल से कहीं पूछे पीछे थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगा. हां थोड़ी देर, इंशाल्लाह बात हो सकती है. अभी है, इज इट बेटर? बेटर बेटर बेटर. और इज दिस बेटर? इज दिस बेटर? दिस इज बेटर. ओके दिस इज बेटर. वी यूज दिस साउंड इंशाल्लाह फॉर फ्यू मिनट्स. चलो स्टार्ट करते हैं. अपोलॉजीज फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट. तो मैं बता ये रहा था कि मेरा टारगेट ये है कि मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पेश करूंगा और फिर मैं चाहता हूं कि आप लोग आके सवाल पूछूं. और सवाल पूछने में एक पॉलिसी याद रखिए. देखिए शकील भाई से रिक्वेस्ट है कि लिंक को प्लीज दे दीजिए, अभी दे दो, लोग ज्वाइन करना शुरू करो. सवाल पूछने में पॉलिसी हमारी ये रहेगी, अगर एक सवाल किसी ने पूछ लिया आप आके सेम सवाल मत रिपीट करो. हमें चाहिए अलग अलग सवाल है. अगर आपके पास अलग सवाल है तो आओ, अलग सवाल नहीं है ना तो स्टूडियो छोड़ दीजिए. मतलब आपको आकर अलग सवाल पूछना है उस टॉपिक के ऊपर. इसी टॉपिक पे फोकस हमारा यही टॉपिक होगा, लेकिन सब लोग आकर अलग अलग सवाल पूछें. तो अपना सवाल रेडी करें और स्टूडियो को ज्वाइन करिए. मैं सिर्फ 10 मिनट में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और फिर मैं सवाल जवाब मॉडल से कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कुरान की ये सूरह अहज़ाब की आयत है, इसमें पूरा पिक्चर हमें मिल जाता है. सूरह 33:37 सूरह अहज़ाब. अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि वअनअमता अलैहि. जब आपने कहा उसे, लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि, जिस पर अल्लाह ने नेमत की, जब आपने उसे कहा जिस पर अल्लाह ने नेमत की, वअनअमता अलैहि, और जिस पर आपने नेमत की, अनअमल्लाहु अलैहि वअनअमता अलैहि, यानी अल्लाह की नेमत जिस पे थी और जिस पर आपने नेमत की, कौन थे वो? ज़ैद रदिल्लाहु अन्हु. ज़ैद रदिल्लाहु अन्हु की परवरिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उनके साथ रहे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीये में ज़ैद मिले थे. ज़ैद एक्चुअली गुलाम थे, गुलाम थे. और उनको लोगों ने उस जमाने में जो चलता था कि किसी भी आजाद शख्स को कभी कहीं मौका मिल जाए, कोई गुम हो गया है कोई और चीज, तो उसको पकड़ करके गुलाम बना सकते थे, गुलाम बना के बेच सकते थे. ये चीज को इस्लाम ने आकर बैन किया था इस्लाम के आने के बाद. लेकिन ये पहले की बात है, जमाने जाहिलियत की बात है, कि ज़ैद को गुलाम बनाया गया और बना करके बेच दिया गया. और जब बेच दिया गया तो तब क्या हुआ कि फाइनली होते होते वो आए खदीजा रदिल्लाहा के कंट्रोल में. खदीजा रदिल्लाहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में जाकर वाइफ बने, उनके पास ज़ैद रदिल्लाहा एज गुलाम थे. जब निकाह हुआ तो खदीजा रदिल्लाहा ने ज़ैद को एज गिफ्ट दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ैद रदिल्लाहा को एज गिफ्ट दिया. और ज़ैद की परवरिश कौन कर रहे थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास थे. तो हमें क्या पता चलता है कि इस तरह से ये बात शुरू हुई. और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनअमल्लाहु अलैहि, जिन पर अल्लाह ने नेमत की, यानी ज़ैद पर अल्लाह की खास नेमत थी. क्या खास नेमत थी? कि वो इस्लाम के कबूल करने वाले जो इनिशियल लोग थे उन लोगों में से एक थे. एक और नेमत अल्लाह ताला ने की कि उन्हें घर मिला, वो घर मिला किसी और का नहीं, दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान का घर मिला, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. उनकी परवरिश में वो रहे, उनके उनके गाइडेंस में रहे ज़ैद को. तो अनअमल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने उन पर नेमत की, और वह अनअमता अलैहि, आपने नेमत की, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत की. अब यहां पर एक इंसिडेंट जिक्र है. इज तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक, कि अपनी बीवी को रखो, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहो. मतलब अपनी बीवी को रखो, मतलब उसे डिवोर्स मत दो, उसे रखो तुम, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहो. तो आप देखोगे कुरान के अंदर ये बात है कि जहां डिवोर्स का टॉपिक आता है वहां पर वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, ये बात कही जाती है कुरान में. सूरह तलाक खुल के पढ़िए, सूरह बकरा के ना तलाक के ताल्लुक से आयतें हैं उसको, उनको खुल के पढ़िए. वत्तक़िल्लाह वहां पे दिया होता है खास. क्यों? क्योंकि जब डिवोर्स का टॉपिक आता है तो लोग तकवा छोड़ देते हैं, सही गलत छोड़ देते हैं, बस कीचड़ उछालने, एक दूसरे को बदनाम करने, ये सब चीजों पे उतर आते हैं. और जब अल्लाह का डर एक इंसान में हो तो उसके अंदर एक माफ करना, दरगुजर करने का भी मादा पैदा होता है, जिससे कि सुलह होती है. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलाक को रोकने की कोशिश की. अमसिक अलैका ज़ौजक, ये कौन से तलाक की बात है? हम देखते हैं कि ज़ैद रदिल्लाहु की का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कजिन ज़ैनब रदिल्लाहा से कराया था. ज़ैनब रदिल्लाहा कुरैश में से थी, उन्होंने ईमान लाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजिन थी वो. हाँ, कजिन थी. और ज़ैद रदिल्लाहु का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रदिल्लाहा से कराया था. उन्होंने पैगाम वहां पेश किया, वहां से पैगाम कबूल हुआ और दोनों का निकाह हुआ.
लेकिन किसी वजह से प्रॉब्लम हुआ और ये शादी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, हमें हदीसों में आगे मिलता है जो मैं आज आपको आगे बताऊंगा, कि जैद रदिल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, कहा कि ज़ैनब रदिल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से वो नाखुश थे और वो तलाक देना चाहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पर कहा, अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्ला, अपनी बीवी को रखो, अल्लाह से डरो, वत्तुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुबदीह, और आपने अपने नफ्स में छुपाया वो जो अल्लाह जाहिर करने वाला था। तो क्या चीज छुपाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह सुब्हानहु ताला ने ये भेजा था ये बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होने वाला है ज़ैनब रदिल्लाहु अन्हा के साथ, जैद के तलाक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होने वाला है, ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ चुकी थी अल्लाह ताला की तरफ से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज छुपाया। क्यों छुपाए उन्होंने इस चीज को, क्या क्यों छुपाए कि जैद के तलाक के बाद ये चीज क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपाया? वो इसलिए छुपाया क्योंकि ये उनके लिए एक एम्बैरेसिंग टॉपिक था, एक मुश्किल मौजू था। जैसे कि हम आज देखेंगे वो सोसाइटी के अंदर अडॉप्शन, जो बेटा है अडॉप्टेड बेटा, गोद लिया हुआ बेटा, उसको जैसे के हकीकी बेटा है ऐसे ही समझा जाता था जमाने जाहिलियत की सोसाइटी में। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बताया कि नहीं, ये अडॉप्टेड बेटा, ये हकीकी बेटा नहीं होता है, कुरान में ये बात सिखाई गई है। अब ये चीज के अंदर वो बेटे की जो बीवी है उससे निकाह करना ऐसा मामला है कि अडॉप्टेड बेटे की बीवी एक तरह से जैसे उस सोसाइटी में समझा जाता था जैसे कि बहू है, वो बहू से ससुर कैसे शादी कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मैं सबकी विजडम्स आप सबके साथ शेयर करके डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूं। वो तुख्फीफी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही, ये कमांड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से आ चुका था, उन्होंने इस चीज को छुपाया। वल्लाहु मुब्दीही, जो अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था, क्या जाहिर करने वाला था? आप ये देखेंगे आगे क्या जाहिर करने वाला था, जैसे कि आगे आने वाला है, क्या आगे आने वाला है, ज़वजना कहा कि हमने आपका निकाह उनसे कराया। ये चीज क्या चीज थी? वल्लाहु मुब्दीही, जो अल्लाह जाहिर करने वाला था, क्या जाहिर करने वाला था? वो ये कि ज़वजना कहा कि हम आपका निकाह उनसे कराएंगे। तो अल्लाह ताला ने वो निकाह कराया, ये चीज अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वतख्शन्नासा, आप लोगों से डर रहे थे, हाँ डर रहे हो, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु, लेकिन अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि आप अल्लाह से डरो। फलम्मा कदा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, जब जैद ने मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वतरा, वतरा का मतलब ये है जो ताल्लुकात मतलब बाकी ना रहे, मतलब कि आप ये देखिए कि तलाक हुआ ये जिक्र नहीं है यहाँ पे, ये आ रहा है कि वतरा, इसमें ये तलाक की वजह का भी एक इशारा मिल रहा है। और हम देखते हैं कि मैरिजेस के कमी में से एक चीज है अगर उसके अंदर मियां बीवी के ताल्लुकात ना रहे, तो अल्लाह ताला ने वो चीज की तरफ वतरा के अंदर जिक्र किया है। फलम्मा कदा ज़ैद मिन्हा वतरन, जब जैद का कोई वहां पर ताल्लुक ना रहा, और ये चीज से मामला ये है कि जब जैद का तलाक मुकम्मल हो गया उसके बाद की बात है। ज़वजना कहा, हमने आपका निकाह उनसे कराया, किन से? ज़ैनब से रदिल्लाना, लिकैला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन, ताकि मोमिनों के लिए कोई हरज, कोई रुकावट ना रहे, कोई कोई डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे उस चीज के बारे में। फी अज़वाजी अदियाहिम, उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह के ताल्लुक से मोमिनों में कोई हरज, कोई रुकावट, कोई डाउट, कोई शक बाकी ना रहे। इज़ा क़दौ मिन्हुन्ना वतरा, हाँ जब वो उनको कोई चीज, उनकी हाजत बाकी ना रहे, तब वो उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करे इस चीज के ताल्लुक से उनमें कोई शक बाकी ना रहे। वो काना अम्रुल्लाह मफूला, और अल्लाह का फैसला तो मुकम्मल होने ही वाला है, तो अल्लाह ताला का फैसला तो मुकम्मल होगा ही, होने ही वाला है। ये मैंने आयत का इंट्रोडक्शन आपको दिया और हम यहाँ पर ही ओपन करते हैं स्ट्रीम। मैंने सिर्फ आयत को इंट्रोड्यूस किया है और मैं चाहता हूं कि हम लोग बाकी सब बातें इंशाल्लाह डिस्कशन में करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जज़ाकअल्लाह खैर ज़ैद भाई, अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अलकामा सकावी एंड बहुत सारे ब्रदर्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पहले जो ब्रदर्स आए थे चले गए, लेकिन यहां पे अगर जितने भी मुस्लिम ब्रदर्स हैं डेफिनेटली हम उनको मौका देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पे नॉन मुस्लिम है तो मैं चाहूँगा कि वो पहले आ जाए
एंड हमने तो शेयर कर चुके हैं ज्वाइन का, काफ़ी लोग ने पूछा है कि भाई क्या टिकट लिंक कहाँ, हमने लिंक तो शेयर कर चुके हैं, कोई आना चाहता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेकिन हम टिकट भी दे देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अलकमा सकावी। हाँ, पिन कर दिए, पिन कर दिए, पिन कर दिए, पिन ही कर दिए जी। ओके जी, अलकमा लेट्स स्टार्ट। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाही व बरकातहू। सलाम जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ एक हदीस को लेकर, जी कि जैसे एक साहिल का स्ट्रीम था, उसमें एक हदीस वो कोट कर रहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जो वुमन्स का जो डिस्चार्ज होता है वो अंडे की जर्दी की तरह होता है, एक्चुअली ये सवाल तो का आंसर मेरे उसी पास के बारे रेडी में है। थोड़ा ये पूछना जो था। डिस्चार्ज का है ना, ये सवाल मेरे पास पूरी तरह से रेडी है, लेकिन क्या इशू है ना कि हम टॉपिक पे फोकस करके इस टॉपिक के सारे सवाल ले लेते हैं पहले। इस सवाल आज का मौजू हम आज इसी टॉपिक पे फोकस रखते हैं। सही सही, जजाक अल्लाह खैर, जजाक अल्लाह खैर। हमारे साथ में और चंदन, आप सब एक बात को ख्याल रखिए कि कोई भी आए ना तो सिर्फ टॉपिक जो है ज़ैनब और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की, इस मौजू पे जी बात करिए, सर, सिर्फ और कोई टॉपिक मत रखिए। जी तो इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा थोड़ा, वो जो जो मैंने चीज है ना, क्वेश्चन जी किया। मैं कुरान और साइंस का टॉपिक लेना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुरान और साइंस का टॉपिक हम लोग थोड़ा जल्दी ले लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पे बहुत सारे सवाल हैं। ये भी ये जो है ना सवाल साइंटिफिक सवाल है, इसके मेरे पास रिसर्च पावर पॉइंट पूरे जी सर, सबके साथ में डिटेल है। हाँ तो हो जी सकता है सर, हम लोग गुलाम बांदी के मौजू लेने के बाद साइंस का टॉपिक पहले ले लेंगे और फिर जिजिया का टॉपिक लेंगे। लेट्स सी इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंदन, थैंक यू चंदन भाई सर साहब, जी। चंदन भाई साहब जुड़े थे हमारे साथ में, लेकिन फिर बाद में निकल गए। मैं चाह रहा था कि अच्छा, वो मैं वापस प्रिफर ये जाए। करता हूँ कि हम लोग फर्स्ट मौका हमारे नॉन हाँ मुस्लिम ब्रदर्स को देंगे, या फिर कोई ऐसा जिसके पास इस्लाम के ताल्लुक से कोई उसे कुछ डाउट या वो है, तो आप यहाँ प्राइवेट चैट में ये भेजिए जरा, ताकि हम उसको फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस हाँ मैं हाँ कोई वैसे अगर नाम से, नाम जी देख के लोकेश चौधरी साहब को मैं लेके आता हूँ। तब इन मीन टाइम अगर कोई भाई है, अगर उनके कोई क्वेश्चन तो प्लीज लिख दे, सो दैट हम आपको इंशाल्लाह जल्दी जी से ले आएंगे। जी लोकेश भाई आ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश भाई बताते चलूं कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे हो लोकेश भाई? लोकेश भाई आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी भाई, जी भाई, जी हेलो जी भाई, हम हेलो लोग आपको आप सुन बताइए। सकते हैं हेलो लोकेश भाई? हम सुन जी सकते हैं, आप बात करें। सर, आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है आपकी लोकेश भाई, आवाज आ रही है जी। आपका इस्तकबाल है, बोलिए सवाल मुझे पूछिए। नहीं आ, आपको नहीं आ रही आवाज? सर नेटवर्क इशू है सर। हेलो, नेटवर्क इशू होगा। ओके बताओ सर, नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो, चलिए आप लोकेश भाई तब तक नेटवर्क इशू देखिए, तब तक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तनवीर भाई। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, बोलिए भाई साहब आपका क्या क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन है प्राइवेट वालेकुम चैट में? सलाम रहमतुल्लाहि बरकाते हो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकाते जी। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज जी। मैं ये कहता हूँ जो एक्स मुस्लिम जो इसके बारे में जो सवाल करते हैं, जो अपने बहू से शादी, अपने बहू से जो है ये निकाह किया, ओके मैं इन लोगों को, मैं तो समझता हूँ जो इन लोगों के पास कोई आर्गुमेंट है जो अपनी, उन लोगों का जो है ना, मतलब अपनी माँ से, अम्मी से भी निकाह करे, तो क्या उसके पास क्या प्रूफ है, जो हाँ क्या दलील है उनके पास जो हाँ ये गलत है? ओके ठीक है, तो आइए हम लोग इसका जवाब देखते हैं। हम लोग जवाब देखते हैं। नहीं, एक मुस्लिम के पास क्या आर्गुमेंट होगा जो हाँ ये अपनी अम्मी से निकाह करना गलत है, किस बेस पे बहुत अच्छा, वो आपका आपका कह? बहुत अच्छा पॉइंट है, आप एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। मैं आपके पॉइंट को भी और शेयर करता हूँ लोगों के साथ। देखिए ये सवाल वो लोग उठाने की कोशिश करते हैं आमतौर पे, वो कहते हैं ये बहू है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। तो मुझे आप बताइए, आप दो तनवीर भाई बताइए कि बहू कौन होती है, बहू कौन होती है? बहू यानी लड़के का बेटे की बीवी हाँ है ना, बेटे की बीवी।
अब हाँ बेटे बेटा का भी रियल रहा बेटा, तो नहीं। हाँ बेटा हो जो रियल बेटा हो। अब अगर वो रियल हाँ बेटा नहीं है, रियल बेटा नहीं है, मुंह बोला बेटा, तो मुंह जी बोला बेटा, जरा मुझे बताओ कि मुंह बोला जो बेटा है उसकी रियल बेटी से शादी हो सकती है क्या? किसी की रियल बेटी है उससे उस मुंह सर, बोले आपका बेटे आवाज का क्लियर नहीं निकाह आ हो रहा है। सकता है? शकील भाई आप तन्वी कुछ भाई, बोल उनका रहे? आवाज एकदम क्लियर है। तन्वी भाई, उनका आवाज ओके बहुत क्लियर फिर एक बार रिपीट करता हूँ, शकील भाई आप भी जवाब दे सकते हो, और संदीप आप भी अगर सुन रहे हो आप भी जवाब दे सकते हो। हाँ मोस्ट वेलकम, आइए। तो मेरा सवाल क्या है, आप लोग सब जवाब दे सकते हो। सवाल मेरा क्या है कि वो जो मुंह बोला बेटा है उसकी रियल बेटी से शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या मेरा सवाल क्लियर हुआ? क्या सर, मेरा सवाल क्या है? आवाज कट रही है सर? शकील भाई आप जवाब दीजिए, सर संदीप आपका जी आवाज आप कट रहा है जरा। सर। हाँ संदीप, मेरा संदीप भाई, संदीप भाई हमारे साथ में, मैं चाहूंगा कि संदीप भाई थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करे एंड पार्टिसिपेट करे इंशाल्लाह। संदीप भाई कैसे जी हो? संदीप भाई ओके। चलो जब तक वो लोग अपना साउंड इश्यू सॉल्व कर रहे हैं, तब तक शकील भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी, जी मुझे ये बताओ, मुझे ये बात समझना है लोगों के परसेप्शन को। मैं कह रहा हूं कि जो रियल बेटा है उसकी शादी मुंह बोली बेटी से हो सकती है क्या? जो और रियल, मुंह बोला बेटा है तो उसकी रियल बेटी से शादी हो सकती है क्या? रियल बेटी से मुझे बताओ, या हम ये कहेंगे हराम मना है तुम्हारे लिए? नहीं, होती है, होती है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो अब बेटी मानते हैं और साथ में अपनी बेटी की उनसे शादी करते हैं, हाँ कितना, बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत बात तो सारे समझ लोग में आ रही हैं। है ना, इजीली समझ में आ रही है, हाँ, इतना तो समझ में आ गया ना एक मेरा स्टेप। नेटवर्क का इशू है या कुछ है आपका सर? आप ऐसा करो, लीव करके ज्वाइन करो तभी। हाँ जी लीव करके ज्वाइन करो। तो मेरा क्या कहना है कि जो मुंह बोला बेटा है उसकी शादी रियल बेटी से हो सकती है, जो मुंह बोली बेटी है उसकी शादी रियल बेटे से हो सकती है, इतना क्लियर है? तो इतना पता क्लियर चला है? जो मुंह बोला बेटा है वो रियल बेटा नहीं है। नहीं है। अगर रियल बेटा होता तो उसकी रियल बेटी से शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सही सकती, सही 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 समझ रहे हैं सही आप? तो पता सही चला हम जो मुंह बोला बोलते हैं उसके अंदर वो रियल बेटा नहीं है, वो रियल बेटी नहीं है, वो मुंह बोला बेटा है, मुंह अच्छा बोली जैद बेटी भाई, है। बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं पुराने जमाने में कि लोगों हाँ ने अपने, कोई कोई लड़का अच्छा रहता है, उसको बोलते हैं भाई तू मेरा बेटा है, तू मेरे घर पे, वो घर में काम करने लगता है, और जब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, तो बोलते हैं कि अभी मैं ये दोनों को तो मैं जानता ही, तो इनकी मैं शादी करा दूँ, तो शादी करा ही हाँ देते हैं ना। हाँ, ये करा तो देते होता हैं, ही है, कॉमन कॉमन है, ये कॉमन है। है। अब यहां तक तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अब आते हैं किस पर, जो परवरिश करने वाला है, जिन्होंने परवरिश की या जिन्होंने संभाला, अच्छा काम किया बुरा काम किया? अच्छा काम किया, अच्छा लेकिन काम क्या वो किया, रियल रियल बेटे हो गए, रियल बेटी हो गए? नहीं हुए। हाँ नहीं हुए। जी नहीं हुए। तो अब यहां पर क्या मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि अगर अडॉप्टेड बेटी में शादी करे तो ठीक है, ये बात तो लोग समझ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो मुंह बोली बेटी है वो रियल बेटी नहीं है, रियल बेटी और नहीं है मुंह सर। बोले बेटे की जो प्रीवियस वाइफ है, एक्स वाइफ है, वो भी रियल बहू नहीं है। हाँ वो रियल सही, बहू नहीं है। अच्छा वेरी लॉजिकल। अगर आप बोलो कि अगर इसको रियल कहोगे, अगर इसे रियल कहोगे तो उनके रियल रिश्ते क्या? जैसे बाज लोग हाँ क्या करते हैं, बाज कर लोग क्या करते हैं, मैं ये अडॉप्शन का टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से मैं लेना चाहता हूँ। बाज लोग अडॉप्शन के अंदर क्या करते हैं कि उनको अपना नाम दे देते हैं, अपने खानदान से जोड़ देते हैं। अब जब अपना नाम दे दिए, खानदान से जोड़ दिए, तो आप मदद कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, गुड डीड, लेकिन आपको क्या हक मिलता है कि आप उसकी खुद की आइडेंटिटी ले लो? उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके फादर सही, है, उसके खानदान है, उसके रिश्तेदार है, वो आइडेंटिटी को आप उससे दूर कर दो, आपको क्या हक बनता है? आप अच्छा काम कर रहे हो, आप किसी की सही, परवरिश कर रहे हो, आप गुड डीड कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, करो वो चीज। लेकिन सवाल क्या है कि आपको क्या राइट है कि आप उनकी आइडेंटिटी ले लो? उनकी आइडेंटिटी उनकी होनी चाहिए। तो यहां पर ये एक चीज है जो हम लोग देखते हैं कि लोग और हमारी सोसाइटी में एक ब्लंडर होता है। तो हम लोगों को दो चीज में फर्क करना चाहिए। आपको एक अच्छा काम करना है, आपको हेल्प करना है, करिए। आप किसी की परवरिश करना चाहते हैं, करिए, अच्छी चीज है, और इस्लाम ने इस चीज को उभारा है, बल्कि हाँ इस चीज को उभारा है। लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप उनकी रियल आइडेंटिटी ले लो।
उनकी रियल आइडेंटिटी ले लो। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है कि जब रियल आइडेंटिटी ले लेते हैं तो क्या होगा, आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि उसकी जो जो एक मिसाल के तौर पे एक परवरिश में रहने वाली एक बेटी है, उसका रियल भाई कोई दिन कहीं पर कुछ ऐसा हो, रियल भाई, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी वहां से कनेक्टेड नहीं, उसकी आइडेंटिटी उसके ओरिजिनल खानदान से कनेक्टेड नहीं है, नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कभी यहाँ की बात वहां टकरा जाए, कोई रिश्तेदार, मान लो कि खुद का अंकल वहां का, चाचा मामा, हाँ जो इस्लाम ने बताया है चाचा मामा ये सबसे शादी नहीं होती, महरम है वो, तो वहां में से किसी से कोई कोई बात ओवरलैप हो जाए, क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? मतलब रियल आइडेंटिटी जब ले लेते हैं तो क्या उसका ये नुकसान नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सही है, नुकसान तो दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये चीज को हम लोग गौर करें और ये चीज को, इसकी विजडम को समझें कि इस्लाम ने उल्टा उसे रोका है, वो इंसेस्ट कहेंगे, उसे इंसेस्ट कहेंगे, वो रोका है। यहाँ पे क्या है ना, परसेप्शन है लोगों के, हाँ परसेप्शन है लोगों के जो इसके अंदर वो हो रहे हैं। और सही बात क्या है कि परसेप्शन में ये रॉन्ग परसेप्शन है लोगों का, एक उनका गुमान है, हमारे सोसाइटी का आउटलुक है। मैं आउटलुक को आज कई सवालों में कवर करना चाहता हूँ, ये मैंने पहला सवाल कवर किया। Let's see हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, what do they have to say? Yes, Sandeep bhai, go ahead. मेरे भाई, sorry for waiting. आपको, आपके पास कोई question है? क्या है? आप बताइए. Please go ahead. Sorry to keep you waiting. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी. आवाज आ रही है संदीप भाई, go ahead. हाँ. नहीं, बस ऐसे ही बहुत दिन से देख रहा था क्या चल रहा है. तो question तो ऐसा कुछ खास है नहीं. ये हैदराबाद को लेके जो चल रहा है सरतन से जुदा, सही है गलत है इसको समझ में नहीं आ रहा, पूरा माहौल एकदम टॉक्सिक्स हो गया जी। बिल्कुल ये गलत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आज जैद और ज़ैनब रज़ियल्लाहुन्हुमा की निकाह के ताल्लुक से कर रहे हैं डिस्कस, और उसमें जो लोगों के एतराज हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब क्वेश्चंस को आज एक सेशन में, स्ट्रीम में एक एक सवाल जो है मैं चाहता हूँ डिस्कस करें। अगर पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी तो लास्ट में खुद ही मैं सवाल पूछ के जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल पूछेंगे तो और बेटर है। तो संदीप भाई, अगर ये टॉपिक पे आपका कुछ भी सवाल हो तो वो ही पूछिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, एक्चुअली मुझे तो फिर इस बारे में आइडिया नहीं है, तो फिर मुझे निकल जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आप आए और ये सब एक प्रोपेगेंडा और कुछ चीजें होती है जो कुछ फूलिश लोग होते हैं इस तरह की बात करते हैं। बात वही है ना, एक्चुअली बचपन से जी, बचपन से भी एक्चुअली सब मिलजुल के रह रहे हैं, दिक्कत फिर अचानक क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं। आप सही बोल रहे हैं, चलो सही बोल रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं। कभी आइए, हाँ फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया जी संदीप भाई, टेक केयर, आते रहिए। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एग्नोस्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग नाम भी है, प्रोफाइल पिक भी हमारे भाई का बहुत बेहतरीन है। जी भाई बताइए। ओके, चलिए हम लेते हैं हमारे फैन ऑफ जैद पटेल साहब। भाई आपको तो फैन की जगह पे आप क्वेश्चन है तो बताइए, कोई क्वेश्चन है आपके पास? अभी सवाल नहीं है। चले, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर कमिंग। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सैयद साई, हाउ डू यू स्पेल दैट, प्रोनाउंस दैट? चलिए आप बताइए। जस्ट यूट्यूब नेम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपसे एग्री करता हूँ वो अडॉप्टेड सन के बारे में, कि देखिए अब आप है अडॉप्टेड सन है और आपकी रियल बेटी या डॉटर है, अगर दोनों के बीच में सेक्स हो जाए तो ये इंसेस्ट नहीं हुआ? वो बिल्कुल सही, टेक्निकली इंसेस्ट नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। हाँ तो मैं एग्री करता हूँ आपको, मगर मेरा और एक सवाल था, मगर लेना चाहे पसंद फ्रीली पूछिए, नो प्रॉब्लम। नो, मेरा ख्याल है ना, आप फ्रीली पूछिए जी, डोंट हेजिटेट, क्योंकि ये सवाल आएंगे तो ही तो जवाब आ सकते हैं ना जी। मेरा सवाल ये था कि अब 6 साल की बच्ची से शादी का। ओहो ओके,
नहीं वो टॉपिक पे तो इतना मटेरियल अभी हो गया है, आप जरूर वो वीडियोस देखिए, बहुत सारी मेरी वीडियोस इस टॉपिक पर, और कम से कम 5 वीडियो देखिए, आपको पूरा अच्छी तरह से मिल जाएगा। फिर कभी सवाल करूंगा, मेरे को इसका वो होना जवाब होना है, फिर कभी सवाल करूंगा जी। अच्छा तो लेकिन सैयद भाई आपको ना इसका सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जैद भाई की इतनी सारी 5-6 वीडियोस आ चुकी है सेम मौजू के पर, और इतना क्लियर डिटेल आंसर्स है कि इंशाल्लाह अगर आप वो देख लोगे, आप शायद आपको अभी चैट पे मिल जाएगी लिंक्स, आप वो देखिए इंशाल्लाह, या फिर जैद पटेल लाइव पे आप आओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट बोलते है कि आपको शादी से बच्ची किसकी रजामंदी लेना है बोलते प्रॉफिट, और अल्लाह भी ये बोलता, अल्लाह ताला भी यही बोलते हैं कि तुम्हारे को बच्ची से रजामंद लेना है, रजामंद लेना है शादी के लिए, मगर 6 साल की बच्ची रजामंदी कैसा दे? एक्चुअली क्या है ना, ये सवाल का मैं बहुत डिटेल में जवाब दिया हूँ, आप ऐसा करिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अल्लाह मुस्तान। सैयद भाई जजाक अल्लाह खैर, प्लीज आते रहिए एंड कम बैक विद अ वेरी गुड क्वेश्चन इंशाल्लाह, और वो वीडियो देखिए, एंड हम लेते हैं आनंद सिंह साहब को, आनंद सिंह साहब बैक। शुक्रिया, शुक्रिया जी जी, थैंक यू। ये बता दूं कि बाज लोग जो होते हैं ना, जब वो इस तरह से अब्यूजिव यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी, जो उनकी इनविटेशन थी, जो उन्होंने इंसानों को जिस चीज की दावत दी, उसका कोई जवाब नहीं है। तो पर्सनैलिटी को टारगेट करना, जिनके पास जवाब नहीं होता है ना, वो पर्सनैलिटी को गलत अल्फाज, गलत चीजों से टारगेट करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ नहीं होता है, सिर्फ उनके पास गालियां होती है, तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये मैंने उस बैड कमेंट के बारे में जस्ट एक बात कही, क्योंकि वो आ गया था स्क्रीन पर, तो उसका एक जवाब दिया। इट्स नथिंग टू डू विद यू ब्रदर आनंद, आप अपने सवाल पूछिए। बस जैद भाई, आनंद भाई जस्ट एक मिनट, मैं अपने भाइयों बहनों जो यहाँ पे कमेंट्स और ये स्ट्रीम देख रहे हैं, एंड मुझे पता है कि काफी लोग काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तरीके से जो कमेंट्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं हमारे अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो आपको दो चीज कर सकते हो, एक तो ये जानिए, जैसा भी जैद भाई ने कहा कि उनके पास आंसर्स नहीं है तो ये कर रहे हैं, दूसरी बात ये छोड़िए हमें ना उनकी तरफ देखना ही नहीं है। आप क्या करें कि आपके व्हाट्सअप सॉरी आपके यूट्यूब का जो ऐप है ना, वहाँ पे चैट को आप ऑफ कर सकते हो, चैट को ऑफ करें और बेहतरीन सुकून से बैठ के आप ये देखें, और नहीं तो बस जो भी ये कमेंट करते हैं उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो सही रास्ते पे आ जाए, प्यार मोहब्बत से हमें उनको सही रास्ते पे लाना है और कुछ नहीं। बाकी का आनंद भाई वेलकम बैक, यू वर देयर लास्ट टाइम राइट, गो अहेड। यस आई वाज, गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूं, आप कैसे? ठीक है, तो अपन शुरू करें सर, स्टार्ट एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट। हां स्टार्ट करिए जी, टॉपिक क्या है लेकिन? हाँ यस यस ऑब्वियसली टॉपिक के सर जी, तो मैंने आपकी दो स्ट्रीम देखी, मतलब बाकी भी देखी है। हाँ, आपकी लास्ट जो स्ट्रीम थी आपके पैगंबर साहब की लास्ट शादी के बारे में जी, ठीक है, और आज की स्ट्रीम है रिपीट कर रहा हूँ ओनली फॉर यू नो व्हाट वेल, कि मुझे वो आता नहीं है ये सब बोलना। No problem, आनंद भाई, दिल की बात बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, दिल की बात नहीं है, जो चीज है वी आर टॉकिंग, खाली फ्री टॉक है, इसमें कोई बात नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो टॉपिक तो क्या है, जैद और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके बाद जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई उसके मुताबिक है। यस, तो पॉइंट ये है कि मतलब मेरे मुंह से कहीं पर कुछ निकल जाए ना तो उसको गुस्ताखी नहीं मानना, ठीक है? नहीं नहीं आप बोलिए जी, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने जो लास्ट स्ट्रीम किया जिसमें मैं आया था जी, और जो आज की स्ट्रीम है जी, ये आपके रसूल की शादियों के बारे में, राइट रॉन्ग? ओके ओके, राइट और रॉन्ग? राइट हां जी, और इसके अंदर आपने डिस्कस किया था लास्ट स्ट्रीम में बड़ा फायदा होगा तो शादी हो सकती है इस तरह की,
अगर आप जनरल सारी शादियों के बारे में बात करने वाले हैं ना, तो वो काफी है। अभी हम स्पेसिफिक ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी की जी, एक्सेप्शनल शादी जी, बोलिए। ठीक है, तो आपके रसूल की पहली शादी किनके साथ हुई थी? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। वही तो मैं कह रहा था, आप जनरल शादियों के बारे में जा रहे हैं अगर, तो वो काफी अच्छा नहीं है जी। बात शादी की है ना, हाँ। तो जो पहली शादी हुई थी विद अ डाइवोर्सी, जी हाँ, ठीक है। एज का टॉपिक पे आने टाइम लग रहा है एक्चुअली। हाँ, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। हाँ सर, आनंद भाई एकदम कंफर्टेबल होके आपको जो बोलना है डायरेक्ट पॉइंट पे, ये आज का जो मौजू उसके पे पूछ ले, है ना सर? मैं शादियों की बात कर रहा हूँ ना, मैं जनरल शादियों का टॉपिक आज नहीं है, आज खास ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी है। ये पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही है अब बस। सर नहीं सर, ऐसा कैसा हो सकता है? देखो सुनो सर, आप पिछली बार मैंने आपको क्या कहा था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी का टॉपिक है, आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी का टॉपिक है। ये टॉपिक पे कुछ पूछो ना, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग सवाल है जो मुझे कवर करने हैं, और मेरे पास इतनी अच्छी रिसर्च है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। सर, तो मैं सर, वेट कर रहा हूं कि कोई रेलेवेंट सवाल हो तो मैं फास्ट स्पीड में आपके जवाब पेश करूं। मैं रेलेवेंट नहीं पूछ रहा हूं सर जी, कम प्लीज कम टू योर क्वेश्चन। अगर आपका रेलेवेंट है ना आनंद भाई, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट टुडे, ओनली ऑन द टॉपिक। लेकिन ओनली ऑन द टॉपिक से बाहर आज हम लोग जा सकते थे, लेकिन आज हमें खुद इतना मैटर कवर करना है कि कितनी लंबी स्ट्रीम होने वाली पता नहीं, इतना मैटर मेरे पास पावर पॉइंट रेडी। नो प्रॉब्लम सर, पावर पॉइंट बनाइए, कोई इशू नहीं है उसमें जी। मैं आपको एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट अ आंसर फ्रॉम यू। जी, मोस्ट वेलकम, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। आपके रसूल की लास्ट फ्यू मिनट्स पहली हुई, सॉरी, आपके रसूल की जो पहली शादी हुई जिसके साथ भी? पहली शादी का टॉपिक है कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी का टॉपिक है, आप बताओ। सर कनेक्टेड है ना शादी का मैटर। चलो कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, बोलो। टॉपिक से कनेक्ट होता है तो आपको बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे भाई टॉपिक पे क्या कुछ मैटर। मैं आ रहा ना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं ना सर, मेरे को टाइम तो दो बोलने के लिए। तो आपने जैसे बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में बड़ा फायदा हो तो ऐसी शादियां हो सकती है, ओके, बोलिए आप आगे। तो जो पहली शादी हुई उसके अंदर बड़ा फायदा क्या था सर? अरे आप फाइनली तो पहली शादी पे आए ना आनंद भाई, आनंद भाई जैद भाई, वन मिनट आनंद भाई। अब मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत ही, जितने भी लोग आते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा मुझे इंटेलेक्चुअल आप ही लगे थे लास्ट टाइम। अभी जब से जैद भाई और हम आपको वही बता रहे कि मेरे भाई टॉपिक क्या है, टॉपिक उनकी इतनी सारी जो शादी है वो नहीं है, आज जो शादी है ना, जो जिसके मैंने बात चल रही है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन है आपके पास, वो ना आप देखें ना कि इस्लाम तो हम लोग मानते हैं कि वो वे ऑफ लाइफ है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस्लाम के ऊपर। एक काम करिए, सुनो सुनो सर, हाँ, तो आप ऐसा बोल दीजिए कि ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते अभी। हाँ ये सवाल का जवाब भाई, ये टॉपिक है ना, अभी वो टॉपिक है नहीं, वो टॉपिक मैं सारी वाइब्स ऑफ द प्रॉफिट का टॉपिक लूंगा ना, तो मैं डिटेल में जाऊंगा और फिर उसके अंदर बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको क्लियर लैंग्वेज में कहा, शायद आपके पास कोई सवाल इस टॉपिक पे नहीं है तो आप बताइए। यू है, है, मेरे पास पे भी सवाल है सर। हाँ तो ये टॉपिक, ये टॉपिक पे सवाल है। हाँ शॉर्ट ऑफ टाइम, हाँ सही, आप माबले ना कि आप तो मोनोपलाइज कर रहे हो, तो मैं आपको नो प्रॉब्लम। हाँ जी सर, मैं बहुत शॉर्ट बात करता हूँ, आपने ये शायद देखा होगा, मैं ना टाइम नहीं खाता हूँ, इधर उधर घुमाता नहीं हूँ। आनंद भाई हम लोग है ना लास्ट 5 मिनट से आपके सिर्फ सवाल का वेट कर रहे हैं, और वो भी टॉपिक नहीं सर, अभी तक आया नहीं, 4:30 मिनट हुए, देखो टाइमर चला, वेरी गुड 4:30, मैंने अंदाजा सर, मैंने क्वेश्चन दे दिया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, कोई इशू नहीं है। आनंद भाई टॉपिक से रिलेटेड नहीं था ना, इसलिए टॉपिक से रिलेटेड बात करना है। शकील भाई मैंने फैन ऑन किया, कुछ आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नो नो इट्स ओके आनंद भाई, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइमर वंस अगेन, तो अभी अपना आपके लिए मैं टाइमर डाल रहा हूँ 5 मिनट का, आप अपना क्वेश्चन पूछे एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका आपको जवाब मिलेगा, लेकिन जो टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो पूछे, मजा आएगा यार। आनंद भाई अदरवाइज वी विल बी जस्ट बी टॉकिंग लाइक दिस एंड अदर पीपल विल बी वेस्टिंग देयर टाइम। चले बिस्मिल्लाह बताइए।
आई थिंक अनमोल प्रिपेयर करके आना है तो थोड़ा प्रिपेयर करके आइए, तब तक अनमोल से बात करते हैं। अनमोल भाई आप आ गए, अनमोल भाई प्लीज गो अहेड, विनय भाई मौजू से रिलेटेड बात करें अभी। जी अनमोल भाई, जी अनमोल भाई। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि नबी ने उनसे शादी की थी जैनब से, तो पहले उनके उन्होंने बेटा लिया था ना गोद, फिर उसके बाद में मतलब उस टाइम ये आयत नहीं उतरी थी कि मतलब कुरान में कि आप पे हराम किया जाता है कि गोद नहीं ले सकते आप, तो उससे पहले नबी ने गोद जब ही तो गोद लिया था, अगर ये आयत पहले ही होती तो नबी गोद नहीं लेते। पहले उन्होंने गोद लिया था, तो उसके बाद में फिर मैंने ऐसा सुना है कि उनकी मतलब वो जैद के घर गए थे नबी, वो अल-तबरी है किताब आप लोगों की, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो उनके घर गए थे वो, तो वो मिले नहीं थे हजरत जैद, तो उनकी जो बीवी थी वो मिली थी वहां पे, वो नहा रही थी। ओके, तो उन्होंने उनको मतलब कपड़े बदलते हुए मतलब आप समझ सकते हो ऐसा उन्होंने देख जी, लिया जी, जी, जी। फिर उसके बाद में जब उनको पता लगा जैनब को कि मतलब नबी अंदर आए हैं घर में, तो फिर वो बात मतलब आई, फिर उन्होंने बोला कि नबी से कि आप कैसे आए, तो नबी ने उस टाइम बोला था कि मतलब खुदा की हमद सना बयान की थी उन्होंने, मतलब ऐसा बोला था माशाल्लाह जो अल्लाह जो दिलों को बदल देता है। ओके ओके, फिर उसके बाद में वो वहां से आ गए घर जी, फिर जब जैनब ने जब जैन लौट के आए घर पे, तो जैनब ने उनको बताया हजरत उनको कि रसूल आए थे घर पे, तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा देखा, और फिर उसके बाद में उन्होंने ये वर्ड बोले थे। तो फिर जैन ने बोला, फिर जैन ने फिर उनको तलाक दिया था कि नहीं तुम अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं आपको तलाक देता हूँ, आप उनसे शादी कर सकते हो। फिर उन्होंने फिर नबी ने उनसे शादी की, फिर शादी करने के बाद में फिर उन्होंने फिर ये आयत उतरी थी कि अब तुम पे हराम है एडॉप्ट करना, मतलब एडॉप्शन बंद हो गया है। तो ये है ना बात तो असली। ठीक है, तो थैंक यू आपने सवाल पूछे और रेलेवेंट सवाल पूछे, और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बाज लोग कर रहे हैं, और हमारे ब्रदर ने ये चीज को इस सोर्स पे लाए ताकि वो इसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुने, है ना, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इसकी रियलिटी आपके सामने लाना चाहते हैं। ये एक स्टोरी बयान की जाती है, बाज लोगों ने इसको इतना रिपीट किया है, इतना रिपीट किया है ये स्टोरी को, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा, आए थे घर पे, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा थे नहीं, पर्दा उड़ा, फिर उन्होंने कुछ देखा, और एक में आता है कि जल्दी जल्दी वो कपड़े पहन के आए थे, बराबर से ड्रेस नहीं थी। लेकिन ये आपको पता है कि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, इसको बयान करने वाले जो नरेटर है, ये है उसकी चेन ऑफ नरेशन। ये तबकात अल कुबरा, जो इब्न साद का तबकात अल कुबरा, ये अर्लियर है, और इसी में से आप यहाँ देख सकते हैं, ये तारीख तबरी में भी है, ये मौजूद तारीख तबरी का हवाला दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 पेज 564, और तबकात इब्न साद का भी ये हवाला दिया हुआ है। लेकिन ये जो चेन ऑफ नरेटर्स है, ये चेन ऑफ नरेटर्स में आपको तीन दिखेंगे, मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये जो चेन ऑफ नरेटर्स है, इसमें आपको मिलेगा एक नरेटर मोहम्मद बिन उमर अल वाकिदी। मोहम्मद बिन उमर अल वाकिदी ये जो नरेटर है, ये एक कज़ाब लायर नरेटर है। सेकंड उसके बाद एक नरेटर मिलेगा, वो बयान कर रहा है अब्दुल्ला बिन अमर अल असलमी से। अब्दुल्ला बिन आमिर अल असलमी जो है, ये भी वीक नरेटर है। खुद अगर आप देखोगे कि तबकात इब्न साद जो तारीख तबरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके फुटनोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको दो मिनट बाद स्क्रीन पे बताऊंगा,
और ये नरेट कर रहे हैं मोहम्मद बिन याहिया बिन हब्बान, और ये जो नरेटर है ये सेकंड जनरेशन ताबई है, मतलब कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद मौजूद भी नहीं थे, यानी कि चेन ऑफ नरेशन में ब्रेक है। तो इसके अंदर टोटल जो है ना आपको कितने प्रॉब्लम्स मिलेंगे, टोटल आपको मिलेंगे ये तीन प्रॉब्लम्स मिलेंगे। हाँ, तीन प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम मोहम्मद बिन उमर अल वाकदी। देखो क्या है ना, कोई ग्रेट पर्सन होता है ना तो उसके बारे में क्या होता है, जिसे हम अपने अनमोल भाई से पूछते हैं कि आपने देखा है कि सेलिब्रिटीज के बारे में लोग बातें करते हैं, बातें बनाते हैं, स्कैंडल बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, ऐसा आपने देखा है कभी कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़े पर्सनालिटी के बारे में लोग बस बातें बना देते हैं खुद की तरफ से, ऐसा सुना है कभी? हाँ सर सुना है, लेकिन ये तो मतलब ये जो बुक है ये तो आप मानते हो ना, आपके जो राइटर्स हैं उन्होंने ही तो लिखी है नहीं है? अच्छा मालूम है क्या, उन्होंने जो लिखा ना, तो ये देखिए ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ये जो तारीख तबरी है ये देखो, ये हम पहले ये ले लेते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये नहीं कहा तारीख तबरी का ये हवाला यहाँ पर ये वाला है तारीख तबरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सुना मैंने देखा, उन्होंने कहा कि ये चीज जो मिल रही है ना मोहम्मद बिन उमर से मिल रही है, मोहम्मद बिन उमर अल वाकदी से मिल रही है। उल्टा आपको पता है उन्होंने एक्सपोज कर दिया, उन्होंने एक्सपोज कर दिया ये नरेटर को, क्योंकि मोहम्मद बिन उमर अल वाकदी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए ये है अल जरा व तादील इब्न अबी हातिम की ये बुक जो है, इसके अंदर रावियों के बारे में बातें दी होती है कि ये नरेटर्स जो है, आपको पता है इस्लाम की स्पेशलिटी ये है कि कुरान तो है ही प्रिजर्व, हदीस भी प्रिजर्व्ड है, लेकिन हदीस को नरेट करने वाले जो नरेटर्स हैं वो नरेटर्स की जिंदगियां पूरी प्रिजर्व्ड है, वो भी विद चेन ऑफ नरेशन। तो आप देखेंगे कि ये सब किताबों में उसके बारे में डिटेल्स दी होती है, जो मैं आपको किताबों से भी बता रहा हूँ, सिर्फ दो मिनट आप थोड़ा होल्ड करें। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर इब्न अबी हातिम ने बताया कि इमाम शाफी कहते हैं कि ऑल द बुक्स ऑफ अल वाकदी आर लाइज, सारी जो किताबें वाकदी के झूठ है। मदीना में ऐसे सात लोग थे जो झूठी बातें बयान करते थे, उनमें से एक वाकदी था। और इसहाक बिन राहवे जो बड़े स्कॉलर गुजरे, उन्होंने कहा मेरे व्यू के हिसाब से ये एक ऐसा शख्स था जो हदीस गढ़ता था, झूठी बात बयान करता था। जैसे मिसाल के तौर पे होता है ना कि कोई कोई सेलिब्रिटी के बारे में कोई बस कहानी बना रहा है, तो ये कहानी बनाने वाला एक लायर था वाकदी। ओके इमाम, और ये मैंने आपको तीन सोर्स इसलिए बताया। अब दूसरे सोर्स पे जाते हैं, हम देखते हैं कि तहजीब अल तहजीब इमाम इब्न हजर अल असकलानी की जो किताब है उसमें उन्होंने ये कोटेशन जमा किया नसाई से। वो कहते हैं कि द लायर्स नोन फॉर फैब्रिकेटिंग द हदीस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोर, चार मशहूर लायर्स हैं जो मशहूर थे, और वो चारों का नाम बताया, तो उसमें से बताया वाकदी इन बगदाद, बगदाद में वाकदी। इमाम नववी ने कहा कि मुहद्दिसीन का कंसेंसस है कि वाकदी वीक नरेटर है, रिलायबल नहीं है। और अबू हातिम अर्राजी ने क्या कहा है कि वो हदीस गड़ा करता था। मैं इतने क्यों बता रहा हूँ, इतने सारे स्कॉलर्स ने वाकदी के बारे में बताया, क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो लोग आज रेफरेंस देते ना वो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को कंसील करते हैं, वो स्टोरी बताएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि झूठे आदमी ने बयान किया है, जो पकड़ा गया था झूठा, इतने सारे स्कॉलर्स ने उसको पकड़ करके एक्सपोज किया है। अबू दाऊद ने कहा आई डू नॉट राइट हिज हदीस, मैं उसकी हदीस लिखता भी नहीं हूं, ना कोई रिपोर्ट करता हूं उसकी अथॉरिटी पर, क्योंकि मुझे कोई शक ही नहीं है कि वो हदीस गढ़ता है, मुझे डाउट ही नहीं। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, अहमद बिन हंबल कहते हैं ही इज अ लायर, एक झूठा है जो हदीसों को चेंज करता है, चेंज। अल बुखारी ने कहा वाकदी को तो छोड़ दिया गया, अबैंडनड है, वो हदीस गढ़ता है। यहया बिन महीन ने कहा ही इज वीक, ही इज नथिंग, ही इज नॉट रिलायबल। हां अली अल मदीनी ने कहा ही फैब्रिकेट्स हदीस, दारकुतनी ने कहा इज वीकनेस इन हिम, अबू अजाबी ने कहा कि इत्तेफाक है वाकदी के वीकनेस के बारे में, कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं मिलेगा जो कहता है कि वाकदी की ले सकते हैं, ये सब स्कॉलर्स कह रहे हैं ज़हाबी। और अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी कहते हैं वाकदी इज अ लायर। ये मैंने आपको सबके किताबों के फोटोज के साथ रेफरेंसेस के साथ में बताया। अब ये बताने में मेरा मकसद क्या था कि वाकदी की रियलिटी आपको एक्सपोज करूं। सेकेंड नरेटर यहाँ जो है ना अब्दुल्ला बिन अमर अल असलमी, अब देखो कि लोग जहां से कोटेशन देते हैं नीचे फुटनोट में तो देखते ही है ना वो लोग, लेकिन वो लोग ये नहीं बताएंगे कि फुटनोट में ऐसा दिया है कि दिस नरेटर इज कंसिडर्ड वीक। देखो ये आप बताओ कि ये जो बात है ये सब इल्मी खयानत, मतलब इसे क्या कहते हैं कि डिसऑनेस्टी, हाँ एपिस्टेमिक डिसऑनेस्टी है कि नहीं, आप बताओ कि इसके अंदर चार प्रॉब्लम थे, मैंने बताया चार प्रॉब्लम ये सनद के अंदर, कि पहले तो हदीस डिस्कनेक्टेड है, यानी कि ऊपर कनेक्ट नहीं हो रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जैसे कोई बयान कर रहा है जो खुद पैदा ही नहीं हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वो नरेटर बयान कर रहा है। फर्स्ट पर्सन जो है आई विटनेस नहीं है, और सेकंड पर्सन वीक है, और लास्ट पर्सन जो लायर है चेन के अंदर। ये तीन मेजर प्रॉब्लम है, जैसे आप 2, 3 और 4 में देख सकते हैं। तो ये हदीस क्या है, फैब्रिकेशन है। और जो लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने लिखा, तो उन्होंने लिखकर उल्टा एक्सपोज किया कि ये हदीस मिल रही है ना वाकदी की हदीस है, समझ लो।
तो इसमें ये भी सर्विस है उनकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जमा किया, उन्होंने जमा किया, तो आज हम देखते हैं कि ये सब चीजें एक्सपोज्ड है। नहीं तो क्या होता कि डाउट होता कि किसने बोला, सही ने कहा, गलत ने कहा, क्वेश्चन उठता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोज्ड हो गया कि एक लायर ने नरेट किया है। हाँ, तो आप, उम्मीद करता हूँ कि ये बात क्लियर हुई होगी वाकदी के ताल्लुक से। तो ये मैंने पहले हदीस बता दी आपको जो आपने कोट किया ना, ये हदीस की स्टोरी जो आपने बताया, ये पूरी स्टोरी यहाँ पर, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और जो आपने कहा, हाँ तो सर, सुभान मुसर्रिफ अल कुलूब, हाँ सुभान अल्लाह अलअज़ीम, सुभान मुसर्रिफ अल कुलूब, ये जो है वर्ड्स इसमें मौजूद है, लेकिन ये फैब्रिकेशन है, गड़ी हुई बात है। जी अनमोल भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, ये फिर ये सेकंड बात जो उन्होंने जब उनसे शादी कर ली तो उसके बाद में ये आयत क्यों उतरी? मैं आपको ये एडॉप्शन बंद हो गया है। आपने अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, पहले मैं आप सबको एक बात, यानी क्योंकि ये टॉपिक उठा है ना, तो मैं जरा और ये कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेक्शन ये है कि इस टॉपिक पर टोटल जो टोटल ढूंढेंगे ना, सिर्फ चार हदीसें मिल रही हैं। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे सिर्फ मैक्सिमम चार सनदें मिली। फर्स्ट के अंदर तो वाकिदी है, हाँ। सेकंड जो नरेशन मिला ये भी तारीख तबरी में है, और ये नरेशन इब्न जैद से मिलता है, और इब्न जैद जो है वो चेन ऑफ नरेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इब्न जैद का 182 हिजरी में इंतकाल हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे वो पैदा ही नहीं हुए थे। और सेकंड के वो वीक नरेटर है, और मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि वीक नरेटर है। इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन जैद है, अब्दुर्रहमान बिन जैद। तो ये एक सेकंड चीज है, एक तो वो लायर वाली वाकदी वाली हदीस, और तीसरी एक हदीस इस टॉपिक पे मिलती है जो मुकातिल ने बयान किया है। मुकातिल भी कज़्ज़ाब लायर है, और प्लस मुकातिल ने अपना चेन ऑफ नरेशन भी नहीं दिया। तो हम देखते हैं सुभान अल्लाह, मुकल्लिब अल कुलूब, ये जो वर्ड्स लोग बयान करते हैं, तो इसके अंदर मुकातिल मौजूद है, मुकातिल लायर है। और एक चौथा जो हम देखते हैं, कतादा का स्टेटमेंट है, जो हदीस भी नहीं है, जो कतादा ताबई का स्टेटमेंट है लोग बयान करते हैं, लेकिन कतादा ऑब्वियसली ताबई है, उनका स्टेटमेंट के तौर पर कुछ चीजें हैं, इसका सब चीजें नहीं, लेकिन वो वाली स्टोरी नहीं है, पर्दे वाली, ये दूसरा पार्ट हिस्सा है, तो ये भी एक चीज ऑथेंटिक नहीं है। तो ये चारों मैंने इसलिए बताया। अब इसमें आपको बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलेंगे, इमाम इब्न कसीर, इमाम इब्न हजर, इमाम मोहम्मद अमीन अशंकीती और इब्न अरबी, ये सारे स्कॉलर्स ने इस हदीस की सनद को रिजेक्ट किया है, कहा कि ये फैब्रिकेशन है, और ये बात मौजूद है, फेमस है, फिर भी लोग बयान करते हैं। अब आइए आपके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि इस टाइम पर जाकर अडॉप्शन मना हुआ। हाँ, ऐसा क्यों हुआ कि इस टाइम पे जाकर अडॉप्शन मना हुआ? तो मैं आपको इस बारे में दो तरीके से आंसर देना चाहता हूँ। तरीका जो आंसर जो मैं देना चाहता हूँ वो दो अलग अलग एंगल से देना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट। पहला एंगल मेरा ये होगा, जस्ट अ मिनट। डेविल भाई साहब, मैंने आपको ऐड तो कर दिया हूँ बेस्ड ऑन योर मैसेज, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें तब तक ब्रदर अनमोल का फिनिश हो जाता है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। ये देखिए, ये जो एंगल मैं बताना चाहता हूँ कि लोग भी इल्जाम लगाते हैं कि ये प्रोहिबिशन जो आया अडॉप्शन का, जो वो बोला बेटे का प्रोहिबिशन आया, ये ज़ैनब से शादी करने के लिए आया। तो पहले तो वो स्टोरी जो आपने सुना ना, वो फैब्रिकेशन है, ये फैब्रिकेटेड हदीस के ऊपर बेस्ड है, वो बात खत्म हो गई वहां पर। तो ये इल्जाम का कोई प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनमोल भाई, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये इल्जाम का कोई प्रूफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ सर। हाँ जी, तो अगर आप देखोगे ना, इसका प्रूफ नहीं है। क्या बताओ कि कोई दावा करता है उसको प्रूफ देना होगा, या जो डिफेंस करता है उसको प्रूफ देना होगा? जो दावा करता है, इल्जाम लगाता है कि भाई कोई कहे कि भाई ये फला आदमी ये चीट है, फ्रॉड है, तो उसको प्रूफ लाना पड़ेगा, या वो जो इंसान है उसको लाके प्रूफ लाना पड़ेगा मैं फ्रॉड नहीं हूं? आप बताओ, इल्जाम के प्रूफ किसको देना होगा? अनमोल भाई। हाँ सर, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जब उनको एडॉप्ट किया, जब तो एडॉप्शन बैन अल्लाह ने मना नहीं किया था, शरीयत में नहीं आया था कि नहीं आप एडॉप्ट नहीं कर सकते, बट उन्होंने शादी की उसके तुरंत बाद ही फिर ये आयत आ गई कि नहीं एडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके पहले आए थे एडॉप्शन मना की चीज, पहले आई थी जी। लेकिन सर, मैंने तो यही सुना है कि शादी के बाद आई थी आयत कि नहीं अब तुमको मना है कि तुम एडॉप्ट करो।
टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उससे पहले आई थी, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ वो रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको उसके प्रूफ दे रहा हूँ। जैसे मैं कहा, मैं दो अलग अलग एंगल से बताऊंगा। पहले तो ये है कि ये जो एलिगेशन लोग लगाते हैं, इसका कोई प्रूफ उनके पास है नहीं। ओके, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के फादर के बारे में बोले कि भाई आपके बारे में कोई बोल दे कहानी अनमोल भाई के बारे में, या हम में से किसी के फादर के बारे में, तो हम लोग फ्यूजियस हो जाएंगे, बोले तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ऐसी बात बोले, कैसे तुमने कोई बात को लाए। तो ऐसे फैब्रिकेटेड बात लोग कहानी जोड़ते हैं और खुद ब खुद एक स्टोरी बनाते हैं। हाँ, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा होता कि ये अडॉप्शन की प्रोहिबिशन, यानी इल्जाम क्या लगाया जा रहा है कि जो बच्चे को वो बोले बेटे को नाम देना जो मना किया गया, वो इसलिए मना किया गया क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करना था, इसीलिए जैद का को बेटे के दायरे से बाहर किया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे, है ना, यही कहा जाता है, सवाल यही है। हाँ, तो हाँ। मैं आपको क्या कहता हूँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनको उनके दुश्मन भी कहा करते थे, ये सादिक और अलमीन है, सच्चे हैं, मोतबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड समझे पड़े कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों सच्चे प्रॉफिट है, उनके दलाल देखें, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं सोचने के लिए चंद सवाल रखूंगा जो लास्ट में सवाल दिखे। कि आपने देखा आयत ऑफ द कुरान कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमसिक अलैका ज़ौजक, कि अपनी बीवी को रखो, वत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो, ये नसीहत दी जैद को, ये नसीहत दी जैद को, कुरान की आयत है सूरह 33 वर्स 37। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करना होता, अगर इंटरेस्ट होता, जैसा कि लोग इल्जाम लगाते हैं, अगर इंटरेस्ट होता तो वो क्यों कहते कि अपनी बीवी को रखो, क्यों क्या समझाते उन्हें कि अपनी बीवी को रखो, तलाक मत दो, क्यों? ये तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है बात, और खुद कुरान के अंदर ये बात मौजूद है ना। तो ये क्वेश्चन है सोचने के लिए। और अगली चीज क्या है कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन थे, उन्होंने उन्हें देखा था पहले से, और हिजाब की आयत जो है वो 5 हिजरी में आई, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के उसी वक्त पर वो आयत भी नाजिल हुई। तो हम देखते हैं कि हिजाब का प्रोहिबिशन पहले नहीं था इस्लाम में, बाद में आया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले से देखा था, फिर सवाल क्या है कि जैद से शादी क्यों कराई? अगर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंटरेस्ट था तो जैद से शादी क्यों कराई? अच्छा, क्या बेटर क्या होता है, वर्जिन से शादी करना बेटर होता है या किसी की डिवोर्सी हो जाए तो शादी करना बेटर होता है? आप खुद सोचो इस सवाल का जवाब। हाँ, तो ये उस सवाल का जवाब मैंने एक एंगल से दिया, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं आपको एक और एंगल से सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, तो मैं सेकेंड एंगल से दे देता हूँ। जो आपने जो पूछा है सवाल, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में डॉक्यूमेंट हो जाए ये सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह, और मैं ताकि आपके फीडबैक भी सुनूं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मिल गया, ये सेकेंड एंगल से मैं बता रहा हूँ। सेकेंड एंगल से ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले क्यों नहीं बताया कि अडॉप्शन मनाया, जो आपका सवाल है ना, पहले क्यों नहीं बताया? तो अल्लाह इज वाइज, अल्लाह ताला नोज की कौन सी चीज कब लानी है, पहले से पता है, और ये जमाने जाहिलियत से चलते आया था। तो इस्लाम ने क्या किया, एक साथ में सब चीजें नहीं आई, ग्रेजुअली आई, क्यों? क्योंकि ताकि लोगों के लिए उसे एक्सेप्ट करना, उस पर अमल करना आसान हो जाए, और इंसानी नेचर के मुताबिक चीजें आई ग्रेजुअल ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता आए। तो जमाने जाहिलियत में, इन द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस भी, लोगों का ऐसा मामला था कि मुबिला मुबुला बेटा, अडॉप्शन, ये चलता था, अपना नाम देते थे लोग, चलता था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गिफ्ट मिले जैद, वो कब मिले? इस्लाम के शुरुआत से पहले, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के बाद, यानी कि मैसेज ऑफ इस्लाम के आने के 15 साल तकरीबन पहले जैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में आ चुके थे। तो हमें क्या समझना है कि ये पहले से होता हुआ मामला था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शराब मना हुआ, तो शराब कब मना हुआ? मदीना में जाकर, यानी कि 13 साल मक्का में शराब मना नहीं था, मदीना में जाने के बाद शुरू के सालों में शराब मना नहीं था। हम लोगों को ऐसी हदीस भी मिलती है कि सहाबा में से कोई, कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट में से कोई शराब पिए थे और ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, लेकिन शराब बाद में जाकर मना हुआ। अब इसमें विजडम थी, क्योंकि होता क्या है ना कि लोग जब ईमान उनका मजबूत होता है ना, तो उनके लिए चीजें एक्सेप्ट करना, समझना आसान होता है। जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है तो फाउंडेशन के बेसिस पर कोई चीज करना इजी हो जाता है।
तो इसी वजह से हम देखते हैं कि चीजें ग्रेजुअली आती है। यहाँ पे इस चीज की विजडम ये थी, इस स्टेज पे आई और उस चीज के अंदर उसकी विजडम हम लोग देखते हैं। जी हाँ सर, बट फिर जो हजरत जैन, वो जैन थे, उन्होंने फिर तलाक क्यों दिया उनकी? जैन ने तलाक क्यों दिया, ये भी आपका अच्छा सवाल है, इसका भी आंसर मैं बताता हूँ आपको कि जैन ने तलाक क्यों दिया। जस्ट मिनट, एक्चुअली मैं ओरली तो बता ही सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने प्रूफ ला के बात करूँ। हाँ जी, कि जैद ने डिवोर्स क्यों दिया, इसकी हदीस है मौजूद सही बुखारी में। तो गलत स्टोरी तो आपने सुन लिया कि वो फैब्रिकेशन है। हाँ फैब्रिकेशन है वो, तो आपने देख लिया गलत स्टोरी। सही क्या है? हाँ सही चीज क्या है वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। हाँ सही बुखारी की हदीस, जस्ट मैं ले आता हूं आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट। जी ठीक है, मैं आपको हदीस बता देता हूं ओरली। आप मुझे नंबर बता दो बुखारी फोन से, मैं sunna.com से देख लूंगा सर। हाँ हाँ, या फिर आप दिखा सकते हो। जी मैं जस्ट बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल गई मुझे हदीस, लेकिन जो सोर्स मैंने जमा कर रखा था वो नहीं है ये, लेकिन मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट वन मिनट, ठीक है, ये ओल्ड रेफरेंस के साथ मिला है, ओल्ड सही बुखारी रेफरेंस, न्यू सही बुखारी रेफरेंस भी हम देख सकते हैं। जस्ट मैं शेयर कर रहा हूं, ये हदीस आपके सामने है सही बुखारी की। जैद बिन हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अपनी बीवी के ताल्लुक से शिकायत करते हुए। तो उनको अपनी वाइफ के ताल्लुक से कुछ प्रॉब्लम था, कुछ डिफिकल्टी थी, उस चीज की शिकायत करते हुए वो आए, और उस वक्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को अपने पास रखो। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ऑथेंटिक अलग अलग रेफरेंसेस में, हाँ ये हदीस भी देखिए, ये वही हदीस है, ये 7420 है सही बुखारी के न्यू रेफरेंस में, 7420 है ये देख रहे हैं आप, और जामिया तिर्मिदी में भी है ये इस चीज की तरफ रेफरेंस है, और सही मुस्लिम की भी हदीस है। इसके अंदर क्या आता है कि जब जैद आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको कुछ प्रॉब्लम था अपनी वाइफ के साथ, इस वजह से उन्होंने कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक मत दो, अपनी बीवी को रखो। और जैसे आज भी अगर कोई हमारे पास आए और कहे कि मुझे बीवी को तलाक देना, हम कहेंगे अरे मैनेज करो, थोड़ा सॉल्व करो प्रॉब्लम, अल्लाह से डरो, तक्वा इख्तियार करो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, क्योंकि हम लोगों को ये बताया गया है कि शैतान खुश होता है जब किसी का डिवोर्स होता है। तो इसी वजह से डिवोर्स को रोकने, समझाने, सुलह करने के लिए सुलहुन खैर, सुलह में खैर है, ये तालीम है कुरान की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल किया और जैद अदलान को यही बात सिखाई। अब इसमें जो लोग स्टोरी बोलते हैं ना कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, उसके कोई प्रूफ नहीं, और ऐसी स्टोरी किसी भी इंसान के बारे में कोई भी बोले तो बिल्कुल बहतान है, इल्जाम है ऐसा, इसको हमें चीजों को जरा भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि बाज लोग अपने सिर्फ एक तासुब होता है, वो एक पर्सनैलिटी को मलाइन करना चाहते हैं और उसके अंदर तासुब में वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो बैठते हैं, जो एक इंसाफ होना चाहिए ना। बल्कि मासूम लोगों को जब ये स्टोरीज बताते हैं ना तो ये भी साथ में लिखना चाहिए ये एक लायर ने नरेट किया है, ये ऐसे सोर्स हैं, वो सब बताते नहीं है, डिस्क्लेमर होना चाहिए ना उनका। अगर उनको बोलना भी होता तो कम से कम बताना होता कि ये लायर्स की बात है, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पता चलता है उनकी डिसऑनेस्टी पता चलती है। जी अभी आप बोलिए, आपको क्या सवाल पूछना है? मैंने अपना कंटेंट आपके सामने रखा है इस मौजू के ऊपर। जी मेरे ख्याल से जैद भाई, अनमोल भाई के काफी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि अनमोल भाई का क्या, इज इट क्लियर, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी है इस तालुक से? हां भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि उन्होंने चलो तलाक दे दी उनको, बट फिर रसूल अल्लाह ही एक थे क्या जिनसे, जिनको शादी करनी थी उनसे?
और भी तो थे, इतने सहाबा थे, इतने मोमिनीन थे वहां पे, ओके उनसे। हाँ जी यही है सर मेरा क्वेश्चन। हाँ, देखिए इसमें कैसा होता है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ। ये भी एक सवाल है कि ऐसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्या जरूरत थी। ये लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा लैग होता है, लेकिन इससे क्या होता है, प्रूफ के साथ बातें आपको के सामने आती है जी, कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्या जरूरत थी। तो सबसे पहली बात ये है, एक लेसन था कि अडॉप्टेड सन रियल सन नहीं है। ये लेसन पूरी तरह से स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश हुआ। देखो अनमोल भाई, मुझे आप बताओ कि मान लो कि कोई जगह पर गांव में लोग हैं, बोलते भाई तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, हाँ, और वहां पे कोई जाके जब पढ़ लेता है ना, तब जाके लोगों के माइंड में वो बात आ जाती है कि हाँ, तब जाके वो चीज जाके पूरी तरह से एस्टैब्लिश होती है। तो ये जो लेसन था, ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन था, अडॉप्टेड सन रियल सन नहीं है। ये लेसन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ डिस्कस करे, कोई मेरे साथ डिस्कस करे, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन ये लेसन को पूरी तरह से लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। तो जैसे आप देखिए कि कोई चीज है, प्रथा है, कोई है ना, कभी मिसाल के तौर पर किसी को अछूत समझता है, और जो जैसे जो जमाने में अछूत समझते थे ना, अब वो जमाने में कोई आके गला गले लगाए ना, बोले नहीं तुम कोई अछूत नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, इंसानी भाई हो, तो जाके बात जैसे समझेंगे ना लोग, वैसा थियोरी 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 में बात नहीं समझेंगे। जैसे अगर कोई थियोरेटिकल बोले कि अछूत लोग अछूत नहीं होते, या बोले कि तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, सिर्फ थियोरी बोले, तो वो बात उस तरह से जहने में नहीं जाती है लोगों की, उतना एस्टेब्लिश नहीं होती है, इन कंपैरिजन टू तब जब उनको वो प्रैक्टिकली करके बता दिया जाए ना, तो फिर लोगों के माइंड में वो बात क्लियर होती है। तो हम देखते हैं, ये एक पहला विजडम था कि ये बात लोगों के माइंड में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो। अगर आपको कोई चीज देखना है ना, तो ये तफसीर सादी के अंदर उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है। वो कहते हैं कि द रीजन ऑफ फॉर रेवल्यूशन ऑफ दीज वर्सेस was that Allah wanted to prescribe a law for all believers that adopted sons did not come under the same rulings as real sons. This was a regular, main niche wala padh raha hu, this was one of the regular customs which could not be changed except by means of a major incident. So Allah wanted this law to be introduced by the words and actions of his messenger sallallahu alaihi wasallam. To yani kya ye aisa bani hui pratha thi, custom thi, ki isko todne mein jab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kar liya, tab jaake wo cheez puri tarah se toot gayi. Lekin main aapko ye baat bolta hu, samajhne ki baat kya hai, कि आज तक ये प्रथा लोगों में चल रही है कि वो अडॉप्टेड बेटे को रियल बेटा समझते हैं, अडॉप्टेड बेटे को रियल बेटा समझते हैं, आज तक ये चीज चल रही है। और ये चीज चलने में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब कोई ये सवाल पूछेगा, उसके साथ डिस्कस करूंगा। तो आगे मैं आप अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सोचिए कि उनके लिए तो ये एक डिफिकल्ट चीज थी, उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट इम्तिहान था एज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। यहाँ पे बात क्या थी ना, कि लोगों के माइंड में ये एस्टैब्लिश हो कि जो हलाल है वो हलाल है, परमिसिबल है, जो हराम है प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है। ये बात लोगों के माइंड में हो, क्यों? क्योंकि क्या था कि एक है लोगों का सिस्टम, लोग क्या करते हैं, और एक चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस चीज के ताल्लुक से जो कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको ये पावर पॉइंट के साथ बता दूं। तो आप ये देखिए कि जो हलाल है वो हलाल है, ये बात पूरी तरह से लोगों में एस्टैब्लिश हो। देखो यहां बात समझना है अनमोल भाई, आप जरा इसका विजडम समझिए। यहाँ पे एक चीज, ये एक सैंपल है। कई बार क्या होता है ना, एक सैंपल के जरिए बड़ी बातें कही जा रही होती, एक चीज के जरिए 50 चीजें समझाई जा रही होती। देखो आपको पता है, वो जो जमाना है जाहिलियत में ना, बच्चियों को भी जिंदा दफन करते थे, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, वो सब प्रथाओं को इस्लाम ने तोड़ा। अब यहाँ पर लोगों के सामने ये चीज को एस्टैब्लिश करना कि भाई तुम्हें समाज को नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि आदमी जब समाज को अपना गॉड बनाएगा ना, तो आपको पता है कि एक मिसाल बहुत दूर की नहीं, हिटलर के साथ वाला जो समाज था ना, वो लोगों ने इंसानों का कत्ल करना, जिस तरह से उन्होंने वहां के जर्मनी के जूस के साथ किया, जिस तरह से जो कंट्रीज को उन्होंने इन्वेड किया उस वक्त के जो जर्मन ने किया, वो सबको वो लोगों ने सही समझा। अब आदमी अगर समाज को अपना सब कुछ बना ले, तो क्या होता है, समाज जो डायरेक्शन में जाएगा वो सही, समाज जो गलत बोले वो गलत। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी थी कि तुम्हें समाज का नहीं सोचना है, तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर का सोचना है। तो एक इस चीज के जरिए वो बात भी एस्टैब्लिश हुई कि तुम्हें हलाल और हराम में ये नहीं देखना है लोग क्या कहते हैं, तुम्हें ये देखना है कि अल्लाह क्या कहता है। और एक और चीज के जब कोई चीज परमिसेबल है, तो फिर उसमें ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है। और एक चीज के लोगों का डर नहीं, अल्लाह ताला का डर। हाँ? और एक ऐसा मैटर था कि अगर ये किसी और को कहा जाता तुम करो, तो किसी के लिए भी एम्बैरेसमेंट होता था।
लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पे चुना कि खुद कोई और नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज करेंगे और वो प्रथा टूटेगी। वो प्रथा टूटना क्यों जरूरी थी वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। और ये चीज मैंने आपके सामने रखी है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज भी जवाब मिला होगा। आनंद भाई सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अनमोल जी आपके वजह से बहुत सारे आंसर्स हमें सुनने मिले जैद भाई से, एंड उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली आपको भी बहुत ही यू नो सेटिस्फाई करने वाले आंसर्स मिले होंगे इंशाल्लाह। तो जज़ाकअल्लाह खैर, प्लीज आते रहिए, एंड आपके कोई भी डाउट्स है कुछ भी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें, एंड हमारी जो नेक्स्ट संडे की स्ट्रीम होगी प्लीज कम डू कम इंशाल्लाह। थैंक यू। एंड अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बहुत ही पेशेंस के साथ में हमारे डेविल्स फिलोसोफर, नाम बहुत अट्रैक्टिव है, एंड देखते हैं कि क्या बात होती है इंशाल्लाह इनके साथ में। प्लीज गो अहेड ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, सब खैरियत, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा सवाल मेरा वैसे इस टॉपिक से तो नहीं है, अगर आप परमिशन दें तो मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, कैसा है ना डेविल्स फिलोसोफर, डेफिनेटली आपका पेशेंस जिस तरीके से आप तैयारी से आए हैं, और मुझे तो आपका तो पूरा बैकड्रॉप बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा डीपी इट्स वेरी गुड, और मुझे लग रहा है कि यू विल आस्क अ वेरी फ्रूटफुल क्वेश्चन। लेकिन अगर हमने एक जगह पे एक्सेप्शन कर दिया ना तो फिर एक्सेप्शन होता जाएगा, एंड दैट विल बी नेवर एंडिंग। एंड हम लोग के लेसन लर्न ये है कि लेट्स स्टिक टू द एजेंडा। अगर हम एजेंडा पे स्टिक करेंगे ना तो डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट हम हर मसले को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, वरना कोई भी एक मसला पूरा कंप्लीट नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक, है ना राइट? आप क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर जी जी, एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यही मौजू पे भी, आपके पास बहुत क्वेश्चन होंगे। आपके लग रहा है देख के आप पॉडकास्टर्स है, आप कोई स्ट्रीमिंग करते हो, आपके कुछ चीजें है बहुत ही वेल, बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स है आपके। चलो गो अहेड आस्क अ क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इंशाल्लाह। अच्छा वैसे मेरा इसी नाम से YouTube चैनल है और मैं एक यूट्यूबर ही, तो वैसे इस टॉपिक के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है मेरे पास कोई खास क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर व्यूज़ हैं। एक अखलाकी तौर के ऊपर मैंने भी ये चीज़ नोट करी है कि अगर एक भाई, बड़े भाई या छोटे भाई की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ के साथ शादी कर ली जाती है या उसकी एक्स वाइफ के साथ शादी कर ली जाती है जस्ट बिकॉज के घर की औरत कहीं बाहर ना जाए वगैरह वगैरह टाइप का। और इस सिचुएशन के अंदर तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई एक बेटा जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, अपना जाति तो नहीं हुआ ना आपका, तो क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो इसका वर्ड क्या था, मुंह बोला कह सकते हैं, या ले पालक शायद कुछ उसका वर्ड यूज होता है, ले पालक जो ले के पाला जाए, ले पालक जी। तो इस सिचुएशन में तो मेरा नहीं ख्याल इस पर बहस करना भी मुनासिब है, ये तो बड़ा अजीब सा और ऑकवर्ड टॉपिक है, बट इन केस इस चीज को हाईलाइट करा गया है। इंसाफ वाली बात कही आपने, दो बातें बहुत अच्छी बातें कही कि आपने जो एक मिसाल दी सोसाइटी के लिए, लोग इसमें मिसाल अच्छी मिसाल लेंगी, उन्होंने कहा कि लोग एक भाई का अगर इंतकाल हो जाए तो उसकी जो बीवी थी उसके इंतकाल के बाद लोग ऐसा कोई गलत नहीं कहता है कि दूसरा भाई अगर शादी कर ले उससे, तो गलत नहीं बोलते हैं लोग, तो रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, जो एक अलग नजर से उसे देखते थे एक टाइम पहले और फिर बाद में अलग नजर से बीवी बन गई, तो अलग नजर से देखा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है जैसे कि आपने बताया। हाँ जी कैरी ऑन। तो ये जो मुद्दा उठा मुझे नहीं मालूम कि फैब्रिकेशंस के थ्रू आया कहीं से या कुछ इस तरह का है। हाँ, फैब्रिकेशंस के थ्रू आया है, जो स्कैंडल वाले लोग हैं ना उस जमाने के, उनके थ्रू आया है, और लोगों को मटेरियल मिल गया जो बस ढूंढते रहते हैं कुछ मिल जाए, उनको सही गलत उनको नहीं देखना है, उनको बस देखना है कुछ तो मिल जाए इस्लाम के खिलाफ, तो उनको ये मटेरियल मिल गया, हालांकि उनके पास पूरी फेक चीजें थी, फिर भी वो लेकर के बहुत सारा उन्होंने आवाजें की सोसाइटी में। जी मे बी, लेकिन जो मेरे जहन में, लेट सपोज कि अगर मैं एक बेतुका सा क्वेश्चन कर भी लूँ इस चीज से रिलेटेड ना भी हो, तो मतलब इस टॉपिक से बिल्कुल ही मुमासलत ना भी करता हो, तो वो इतना सही आएगा, या नॉर्मली भी आपके ऑडियंस में लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर
आपको इस चीज को फॉलो करना पड़े अपने ले पालक बेटे की वाइफ से शादी करने के लिए, तो आपका अपना क्या इस पे थॉट या परसेप्शन होगा? बहुत से बहुत ही सवाल आ सकता है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस इस चीज को ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड होगी। वैसे मेरा ये क्वेश्चन है नहीं सीरियसली। जी जी जी, बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप पूछ रहे हो, बता रहे हो, तो मैं आपसे एक डिस्कशन करता हूं। चलो, मुझे करना था किसी के साथ। श्योर, आपके साथ हो जाएगा जी। तो मैं सिर्फ आपके भी व्यूज देखूंगा, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सही बात एक्सप्रेस करो। जो सही बोलो ना, तो आप बोलो कि भाई ये इस बात सही लग रही है, और नहीं लग रहा है तो नहीं करो। हाँ, ओके। तो देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। हम अभी तीन चीजें बात करेंगे, और ये मैं चाह रहा हूं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो। शकील भाई, एक और भाई को ज्वाइन कर लीजिए इसमें। एक और चीज, एक किसी और को भी ज्वाइन कर लेते हैं जो सिर्फ अभी फिलहाल। तो लेकिन इसके लिए इसमें, इससे पहले मैं आपको जी शकील भाई, दो लोगों को और ज्वाइन करिए, ताकि मैं बोलूंगा ना तो वो लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन होगा। दीपक भाई को ऐड किया है। दीपक भाई, हाय। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? सर फाइन। अच्छा सर, मेरे को दरअसल एक बात, मुझे आवाज नहीं है या आप लोगों को भी नहीं आ रही? एक सेकंड, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, सभी को आ रही है। सर दरअसल मेरे को एक बात पूछना था कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चला रहे हैं, इससे बेसिकली अदर लोगों में नफरत फैल रही है, तो इसका सलूशन क्या है? जी बिल्कुल सही। एक्चुअली इसके अंदर सलूशन ये है कि इनकी फेकनेस को पहचानना। सबसे पहले फेकनेस को पहचानना कि इसको कोई चीज को है ना मूवमेंट बना के खड़ा कर दिया जाए। नाम के चंद लोग होंगे, गिनती पे उंगली पे गिन सकते हैं, और उसको एक मूवमेंट नाम देकर एक मूवमेंट को स्टार्ट करने की फेक कोशिश है ये। और वो लोगों की रियलिटी क्या है मैं बताऊं आपको, कि अधूरी इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। जैसे अब मैंने जो बातें आपके सामने प्रूफ के साथ एक्सपोज किया, आप देखो कि वो लोगों ने सब ने ये बातें की, और किसी ने ये नहीं बोला कि हम झूठी बात बता रहे हैं। एटलीस्ट फुटनोट में तो नीचे बताना चाहिए था, ये सब जो बता रहे हैं ना, ये लायर्स की बताई हुई कहानी। ईमानदारी का तकाजा क्या था कि अगर उन्होंने ये स्टोरी बोले तो साथ में ये भी बताओ कि हमारा फेक सोर्स है। ये उनकी ईमानदारी होती, जो फुटनोट्स में भी दिया हुआ है। बट वो लोगों को क्या मटीरियल चाहिए एक पर्सनैलिटी को मलाइन करने के लिए, उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये चीज का कोई पहले मूवमेंट नहीं है, ये गिने हुए थोड़े लोग हैं। यस, उनको थोड़ा सा पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा वगैरह कुछ मिल रहा है, और लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं एज इफ दिस इज मूवमेंट, दिस इज नो मूवमेंट। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने तौर पर बात कर रहे हैं, और आई होप कि ये सच्चाई लोगों के सामने ओपन हो जाए। एक डिबेट हो चुका है, और आने वाले दिनों में जो मैं सारे टॉपिक्स, डिबेट नहीं करते हैं। आपका जो डिबेट हुआ था वो बहुत अच्छा था, सबने आपको सपोर्ट किया था, बट ऐसे कई लोग नहीं आ पाते सामने। जी यस सर, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक टॉपिक लूं, एक एक टॉपिक लेकर, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं इसकी प्रोफेशनल रिकॉर्डेड वीडियो ये हफ्ते में रिलीज करूंगा इंशाल्लाह। ये टॉपिक है पूरी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के साथ, और मैं ये डिस्कशन इसलिए भी कर रहा हूँ कि और कौन से सवाल आते हैं जरा सुनो मैं, ताकि मैं जब फाइनल रिकॉर्डिंग करूँ तो उसके अंदर मैं सारे सवालों को इंक्लूड करके मैं करूँ। तो एक्चुअली मेरा ये मानना है ना दीपक भाई, कि ये नफरत फैलाने का जो एजेंडा है ना, ये एक बहुत ही खोखली चीज है। ये खोखली चीज है क्योंकि दिल जो होते हैं ना, ऊपर वाला कंट्रोल करता है। इसका एक फायदा क्या हो रहा है मालूम है? ये सो कॉल्ड मूवमेंट का फायदा क्या हो रहा है ना, आज मैं और आप बात कर रहे हैं, नहीं तो कहां बातें हो रही थी? सब लोग अपने अपने कमरे में बंद हो रहे थे, और जब कमरे में बंद होना तो किसी बाजू वाले के बारे में बोलना बहुत आसान है कि वो लोग ऐसे हैं। आपको कोई मेरे बारे में बोले, मैं मुझे आपके बारे में कहें, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या हो रही है, हम लोग फेस टू फेस बात तो कर रहे हैं यार, कितनी अच्छी चीज है ये। अच्छा जैद भाई, जैद भाई, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मैं डेफिनेटली दीपक भाई से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये ऑब्जर्व किया है, तो ये कैसे ऑब्जर्व किया, आपने ये चीजों को कैसे पकड़ा कि आपको ये लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये गंदगी फैल रही है? दरअसल क्या हो, क्योंकि हम सोसाइटी में जो देखते हैं और ये जो दिखाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि बचपन में मेरे अंदर एक बार ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुरान पढ़ूं, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला मैं सो कॉल्ड ब्राह्मण हूँ, मतलब सो कॉल्ड इसलिए कि कोई जात पात कुछ होता नहीं है। तो मम्मी ने बोली ठीक है, घर के पास एक था मजार था, वहां पे जाके मौलाना जी जो होते हैं उनसे पूछो। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, तो उन्होंने बोले आपके घर में जो भी धार्मिक ग्रंथ हो आप उसको पढ़ लो। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि नहीं आपने पढ़ना है या ये वो,
और मेरे पिता उस मजार पे जाते थे तो बोलते थे, जैसे सर झुकाते थे कि जय शिव जी, तो मम्मी टोकती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वहां पे जो मौलाना बोलते थे नहीं, अगर इसमें इनको शंकर जी दिख रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये नफरत है नहीं जो दिखाई जा रही है। जी देखो दीपक भाई, मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, बहुत दिल से शेयर करता हूँ। देखो अगर मुझे कोई चीज मालूम है अच्छी, अब हम लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया में आपकी मेरी बात मुलाकात हुई, आज हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं। हाँ अब बताओ, अगर मुझे कोई चीज मालूम है तो मैं अगर सिंसियर इंसान हूँ, सच्चा इंसान हूँ, तो मुझे वो चीज आपके साथ अच्छी तरह से शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली सारा हाँ, चीज और अगर दिखाई। आपको मेरी कोई चीज गलती मालूम है तो आप सिंसियर मेरे वेल विशर हो तो आप मुझे बताएंगे, नहीं बताएंगे? थोड़ा सा हाँ डरूंगा अगर कोई अरे सामने क्यों वाला करेंगे यार, कटको नहीं नहीं। यार देखो कैसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम लोगों का जो रिलेशन एज ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कि भाई आप और मैं दोनों इंसान हैं, हम लोग इंसानी ब्रदर, इंसानी फ्रेटर्निटी है ना, ह्यूमन ब्रदरहुड, उसका हिस्सा है, कहीं दूर के हम लोग रिश्तेदार है हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना दीपक भाई, कि इस्लाम ने बेसिक मैसेज जो दिया ना कि सारे इंसानों का मालिक एक है, सबका मालिक एक है। वो तो है अब ऐसा नहीं है कि हिंदू को अलग गॉड ने बनाया है, मुस्लिम को अलग ने बनाया है, क्रिश्चियन को अलग, सबके ऊपर ऊपर अलग अलग गॉड बने हुए ऊपर ऊपर, नहीं ऐसा नहीं है, सब ऊपर वाला एक ही है। आपको क्या लगता है? एक ही है, डेफिनेटली एक है। मेरे फादर भी बोलते हैं कि बेटा हम इतने भगवान हम घर में रखे हैं, बट एक को मानो, किसी भी एक को मानो, दो को मत, एक को ही बस नहीं मानो। अगर देखो इसमें हम बात ही करते हैं ना, कि देखो मैं आपके साथ सिर्फ वेल विशर, एज अ वेल विशर बता रहा हूँ, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास आपका राइट है कि आपको जो सही लगे लाइफ में वही फॉलो करो, जैसे आपको बताया गया ना कि भाई एक एक जो वेल विशर होता है ना कि भाई यू फॉलो व्हाट, जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो। हाँ तो यहाँ पे सवाल क्या है, क्योंकि गॉड चाहता ना तो हम सब एक ही रिलीजन के होते, सबके सब। अगर ऊपर वाला चाहता तो अलग अलग धर्म होते ही नहीं दुनिया में, है ना? तो यहाँ पे जब है, हम एक इससे ही क्या में पता हैं, चला, हम नहीं अलग बोल अलग सकता कि अलग अलग रिलीजन जो है तो ऊपर वाले ने ये रखा है इसीलिए, है ना कि नहीं? आपको क्या लगता है, ऊपर वाले ने ऐसे ही रखा है ना? जी अलग अलग वातावरण भी होता है, जी अलग अलग जमीन भी होती है, कहीं समतल होता है, जी कहीं पहाड़ी एरिया होते हैं, तो जी इसलिए तो तो खूबसूरती है ना। अगर हर जगह हरा पौध दिया जाए या हर जगह भगवा पौध दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, रंग बिरंगा तो होना चाहिए। नहीं, इसमें मैं आपको क्या बोलता हूँ ना दीपक भाई, कि यस जैसे सर। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी बोलता है कि 2 और 2 4 है, दूसरा बोलता है नहीं 2 और 2 5 है, और तीसरा बोलता है 2 और 2 6 है, तो सिंसियरिटी है कि जिसको सही जवाब पता है वो बोलेगा नहीं 2 और 2 4 होता है, 5 नहीं है 6 नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं वो क्या बोलेंगे, 2 और 2 4 भी सही, 5 भी सही 6 भी सही, सब लोग मुझे वोट दो। हाँ लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसी यस सर। तरह ऊपर वाले की मूर्ति बनाना अगर सही है, या तो सही है या तो गलत है, यस दोनों नहीं सर। हो सकता। उसी तरह ऊपर वाला गॉड एक है या अनेक है, एक भी है एक अनेक है, भी है, ऐसा दोनों तो सही नहीं हो सकता, या नहीं तो नहीं एक एक है ही या है तो सर, अनेक है। जी उसी एक तरह है, जी दोनों है। वेरी गुड। तो अभी दीपक भाई मैं आपको एक एक बात बोल रहा हूँ, शकील भाई मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 3 4 मिनट, क्योंकि दीपक भाई इतने दिल से बात बोले ना कि मेरा दिल में जो बात आ रही है मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। हाँ तो हालांकि टॉपिक से मैं थोड़ा सा हटकर, लेकिन जस्ट 3 4 मिनट बात करके फिर मैं मौजूद मैं हो जाऊंगा। आपको जैद भाई 3 मिनट का टाइम देता हूँ। लगा दो टाइम, हाँ आप हाँ अपना काम करिए। तो दीपक भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब सबका मालिक एक है ना, ये सृष्टि का चलाने वाला मालिक एक है और हकीकत में एक ही है। अब ये छोटी सी गाड़ी में ड्राइवर एक ही हो सकता है, अगर ड्राइवर बहुत सारे होंगे, 2 ड्राइवर 3 ड्राइवर, हर कोई बोले मैं यहाँ चलो, लेफ्ट लो राइट लो, सब लोग खींच रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो चलाने वाला मालिक एक ही है ना, बनाने वाला माल, चलाने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी भी देता है और ठीक भी वही करता है। हाँ सब चीज उसी के हाथ में है। तो अब यहाँ पे बात क्या है ना, कि हमारी श्रद्धा, हमारी उपासना, हमारी इबादत, वर्शिप, वो किसके लिए होना चाहिए? आप बताइए दीपक भाई, आपको क्या लगता है? जो एक है उसी के लिए, बट मेरे को लग रहा है कि फिलहाल जैसे आदमी को 25 30 साल तक तो अपनी लाइफ को बनाने में होना चाहिए। जब लाइफ बन जाए उसके बाद लास्ट मूवमेंट है, मतलब आखिरी के 40 50 साल बाद ये सोचने वाली चीज है कि कौन अल्लाह लेकिन है गॉड। दीपक भाई अगर अभी जिंदगी उतनी मिलेगी, क्या गारंटी है? 40 साल तक आदमी जिएगा, क्या गारंटी है? आपको क्या लगता है? कितने लोग ना पहले मिले भी जाते हैं ना, बट और जब ह्यूमैनिटी में एक बार, कंट्रीब्यूट और देखो अभी हम लोगों को ऊपर वाले ने सोचने की क्षमता दी है, कैपेसिटी दी है, तो क्या हम लोगों को सोच करके, कम से कम आदमी बिजनेस, सर्विस, जॉब में सब जगह दिमाग इस्तेमाल करता है, तो इसमें भी क्या उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरा मालिक कौन है? हाँ हाँ तो वो जी
शकील भाई का लगाया हुआ टाइमर चल रहा है, मैं उससे देख रहा था। तो मैं आपको एक छोटी सी बात आज बोल देता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। और ये सिर्फ एक मैसेज है, हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दीपक भाई मैं आपको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ आज कि देखिए, एक होता है ना एक इंसान जो आज लोग है ना 50 की फिक्र करते हैं, फला क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, ये वो बॉस बीवी, 50 को खुश करने की कोशिश में लगे होते हैं। हालांकि अगर वो ऐसा करें कि एक मालिक मेरा खुश हो जाए, फिर दुनिया अगर ना खुश भी होना, मैं सही काम कर रहा हूं ना, तो मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे सही क्या है उस चीज की फिक्र है। हाँ, उसी तरह जैसे एक आदमी है जैसे उसके 10 बॉस है, 10, और दूसरा है जिसका एक ही बॉस है, आप बताओ पीस ऑफ माइंड किसके पास होगा दोनों में से? पीस ऑफ माइंड जिसका 10 बॉस है, 10 बोलते हैं, एक बोलता है ये करो वो करो वो करो वो करो, 10 लोग 10 बात बोल रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड किसके पास होगा, जिसका एक बॉस है या जिसके 10 बॉस है? जिसका एक बॉस है, या जिसको अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि 10ों में से थोड़ा अच्छी अच्छी चीजें निकाल ले। जैसे मान लीजिए मैं गुरु नानक जी से कुछ अच्छी चीज निकाल लूं, मैं इनसे बाबा साहब से कुछ निकाल लूं, मैं मोहम्मद साहब की अच्छी चीज ले लूं, तो इनकी अगर अच्छी चीजें लेके मैं अगर अपने अंदर डाल लिया तो मैं बहुत बेहतरीन हूँ। नहीं, आपने जो कहा ना कि जैसे गाइड होते हैं ना, गाइड रास्ता रास्ता बताने वाले, तो 10 है तो हम 10 से कोई अच्छी अच्छी चीज ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो वर्शिप है ना, इबादत, कि भाई चलाने वाला जो है ना वो एक ही है कायनात का, तो हमारी सारी इबादत उसी एक के लिए हो, कि हम वो सारी वर्शिप 10 के लिए ना रखे कि मैंने एक की पूजा किया, दूसरे की किया, तीसरे की किया, चौथे की किया, पांचवे की किया, अब छठा नाराज हो गया, अब सातवें ने मेरा काम बिगाड़ दिया, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। जैद भाई ने इतने सारे आपको बहुत सारी चीजें दे दी है सोचने के लिए, समझने के लिए, एंड आप बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आपने गुफ्तगू शुरू की, एंड डेफिनेटली उसके बाद काफी कुछ आपको मिल गया है अभी राइट नाउ। सो अगर आपके पास अभी कोई मौजू पे है ना, तो वो उसके पर क्वेश्चन पूछे, एंड वरना क्या होगा पता है, दूसरे लोग क्या कहेंगे कि भाई आप तो दीपक भाई को बहुत प्यार करते हो, बिकॉज आप दोनों नहीं, ऐसा मत कीजिए कि मैं लाइन में फिर हटता हूं, ऐसे बहुत लोग लाइन में लगते हैं, हटता कोई बोलेगा कि अगर टॉपिक की बात नहीं हो रही तो क्यों वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। तो एक मेरे को सवाल पूछना था, मतलब मेरी नॉर्मल लाइफ में हुआ था, कुछ समय पहले मेरे घर के पास एक छोटा सा दंगा हुआ था, छोटी सी बात पे हुआ था, लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया था, आजकल तो गाड़ी भी लड़ती है तो हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, तो उसमें मैंने एक मुस्लिम फ्रेंड की हेल्प की थी, जो भी मुझसे हो पाए कि अब मैं रात भर उसके साथ रहा कि उसके घर पे कोई अटैक ना करे टाइप की चीजें। पर कुछ समय बाद उसकी मॉम आया, वो भी मेरे पास जब कुछ प्रॉब्लम्स आई कि यार तुम अल्लाह को मानो, तुम मूर्ति पूजा करते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें होनी चाहिए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सही थी उनकी या मैं गलत था इस जगह पे उनकी बात ना मानना। देखिए मुझे क्या लगता है ना कि जो चीज सही है वो सही है, हमें मालूम करना चाहिए क्या सही है और उसके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई चीज सही नहीं है ना, तो हम लोगों को वो चीज से बचना चाहिए चाहे कितना भी फायदा दिखे। जैसे मान लो कि कोई शराब का बिजनेस कर रहा है, उसका बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, भले वो कर लेगा आज दुनिया में लेकिन कल बहुत पछताएगा उस चीज में। उसी तरह अगर कोई चीज गलत है ना, तो हम लोगों को देखना चाहिए और उसके बारे में क्या सही बात है वो मालूम करना चाहिए। तो दीपक भाई मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि आप इसमें जरा सोचो, देखो क्या होता है ना, हमारे जो बहुत सारे जो पूर्वज जो गुजरे हैं, उनको जितना मालूम था, ज्ञान था, उन्होंने वो किया, उनसे पूछताछ होगी तो उनके ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ये जीवन जो है ना इम्तिहान है, परीक्षा है, इसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के अंदर सारी चीजें क्लियर होगी। अब हमारे लिए समझदारी क्या है कि हम लोग खुद अपने लिए मालूम करें कि क्या सही चीज है और वो चीज को फॉलो करें। तो मैं आपको एक जैसे मूर्ति पूजा के बारे में कहूंगा कि देखो ऊपर वाला इतना महान है कि आप उसकी सृष्टि देखो कितनी बड़ी है, कायनात यूनिवर्स कितना बड़ा है, अब वो यूनिवर्स में जमीन कितनी छोटी है, जमीन में इंसान कितना छोटा है, इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज कितनी छोटी है, तो वो चीज कहना कि ये वो मालिक है ये तो, या मालिक का इमेज भी है, ये दोनों के दोनों चीज अपमान। डेफिनेटली मैं नहीं मानता, मेरे घर में लोग मानते हैं, बट अगर एक आस्था जुड़ी थी, हाँ मम्मी मानते पापा मानते, तो क्यों कोई बोलना, सबके अपनी लाइफ है जीने। तो वैसे सर आपकी डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबकी लाइफ है, ये बात आपने सही बोले कि सबको अपने अपनी लाइफ है, सबको अपना अपना चॉइस है, हम लोग उसमें इंटरफेरेंस उसमें नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, तो शेयरिंग में मैं आपको शेयर किया, दीपक भाई मुझे ये चीज मालूम है, अगर मैं नहीं बोलूँ ना तो मैं बाहर से दिख रहा हूँ ईमानदार, अंदर से दिल खाला होगा, फिर
अरे नहीं सर, ईमानदार इंसान है ना, नहीं ईमानदार इंसान है ना, वो सामने बोलेगा आपको, फेस टू फेस बोलेगा, दीपक भाई मुझे ये सही चीज मालूम है, और आपको जो ईमानदारी आप बोलोगे देखो देखो जैद भाई मुझे ये चीज मालूम है, और ऐसे शेयरिंग होनी चाहिए, और मुझे ये चीज बहुत पसंद है जो इन दिनों में ये हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज हो रही है दीपक भाई। दीपक भाई एक फाइनल 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, जो आपको कैसा फील हो रहा है बात करके हमारे साथ? मेरे को जैद सर को देखता हूँ तो उनके शक्ल पे ही एक लगती है कि ईमानदारी दिखती है, तो उनको मैंने बहुत देखा, वो मुझे सही लगते हैं कि हाँ वो बहुत सही से बातों को रख पाते हैं, बाकी लोग नहीं रख पाते हैं उतना अच्छा, डेफिनेटली। एडॉप्टेशन इस्लाम में हलाल है या हराम है, पहला सवाल, अगर हराम है तो क्यों है, और अगर एडॉप्टेशन को हराम करने के लिए रसूलुल्लाह को शादी करना पड़ा तो क्या वो सिर्फ एक अपना एक हुक्म दे देते, ऑर्डर दे देते, जिस तरह से शराब बंदी या बाकी का किया उस तरह से भी दे देते, तो क्या लोग मानते नहीं, पहली बात। और उसके बाद में, इसके बाद एक और सवाल ये है कि अगर ये इतना अच्छा ये था, मीन्स लाइक इसको क्या बोलेंगे, अगर ये इतना अच्छा चीज था, फिर भी इतना साल होने के बाद में भी आज भी लोग कोई भी, आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि कहीं पे कोई मतलब ससुर अपनी बहू से शादी कर रहा है, इवन दो उससे वो उसकी अडोप्टेड ही हो क्यों ना हो। ये बहुत मतलब लाइक बहुत एम्बेरसिंग लगता है कि एक ससुर ने अपने बहू से शादी कर लिया। जी ठीक है, तो आपके 3-4 सवाल हैं, मैं स्टार्ट करता हूं, अगर कोई चीज छूट जाए ना तो भाई जरूर मुझे बताना, हाँ मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कि आप देखोगे कि ऑर्फन जो होता है ना, यतीम, उसके केयर की कुछ चीजें हम लोगों को इस्लाम में सिखाई। मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी रीजन है, मेरा रीजन है, तो मैं आपके सवाल तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप बताओ ये सही लग रहा है नहीं लग रहा है। तो इस्लाम ने क्या सिखाया, सबसे पहले यतीम की किफालत करने सिखाया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से जो बातें सिखाई हमें उसमें मिलता है कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला वो इस तरह होंगे, हाँ इस तरह होंगे। चलिए मैं आपको एक सेकेंड फिर से शेयर कर देता हूँ। जी काफिलुल यतीमी लहू, जो यतीम है वो लहू औ लि गैरिही, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या नहीं हो, अना वह हुआ कहाय अतैनी फिल जन्ना, वो ऐसे होंगे जन्नत में, यानी कोई यतीम की परवरिश करे, ख्याल रखे, उसको संभाले, चाहे वो रिश्तेदार है या नहीं है यतीम, तो वो और मैं ऐसे होंगे जन्नत में, यानी कि दोनों उंगलियों को मिलाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फर्स्ट एंड मिडिल फिंगर को मिलाया और बताया, सही मुस्लिम की हदीस है। तो यतीम की का ख्याल रखने का एनकरेजमेंट मिलता है। अब कोई कैसे संभालेगा यतीम को, कि भाई यतीम को घर में बड़ा करो, उसको रखो, और जो उसके जिंदगी के सबसे डेलिकेट फेज होता है ना, जो बचपन का दौर है, कम से कम वो गुजर जाता है, फिर जब वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाए तो उसके बाद सेग्रीगेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि वो रियल बेटा नहीं है, तो आपकी वाइफ के लिए नॉन महरम हुआ, यानी कि एक अनरिलेटेड पर्सन हुआ, और आपके लिए अगर लड़की है तो वो लड़की आपके लिए अनरिलेटेड हुई, हाँ दोनों के लिए। तो फिर उसके बाद हिजाब का रूल है, मैं पहले इसका बता देता हूँ कंसेप्ट, फिर क्या सवाल उठता है वो लेंगे, हाँ, और इसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब एक तरीका इसमें क्या है, रजात जिसे कहते हैं, फॉस्टरिंग, यानी कि कोई शख्स, अगर कोई शख्स की उसकी वाइफ जो है, अगर वो बच्चे को दूध पिला लेती है, तो दूध पिलाने के अंदर एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है इस्लाम के मुताबिक, जिसे दूध का रिश्ता बोलते हैं, और जो रियल रिश्ते हैं वैसा ही होता है दूध का रिश्ता। तो अगर दूध, अगर दिन में अगर टोटल 5 बार पिलाया गया है, जब वो फीडिंग की एज में है, फीडिंग की एज में यानी अप टू 2 ईयर्स में है, तो वो टाइम में जब दूध पिलाया जाता है, कुछ स्कॉलर्स 2.5 ईयर्स तक बोलते हैं, लेकिन वो पीरियड में अगर 5 बार दूध पिलाया गया है पेट भर के, तो वो चीज से एक रिलेशन कायम होता है जो दूध का रिश्ता है। यहां तक आके फतवे हैं कि अगर कोई लेडी ऐसी मेडिसिन आती है जिससे कोई एक नॉन यानी प्रेग्नेंट लेडी को भी, यानी कुछ जिसने डिलीवर नहीं किया उसको भी मिल्क आ सकता है, और वो भी दूध अगर बच्चा पी ले तो भी वो रिलेशन कायम हो जाएगा, यानी यहां तक इसके फतवा मौजूद है, तो उससे भी वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। अब इसमें क्या समझना है कि एक बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चीज जो इस्लाम में है ना, कि सारे रिलेटिव्स को ज्वाइन किया गया है, सारे रिलेटिव्स को ज्वाइन किया गया है रिलेशनशिप में। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब रिलेशनशिप के अंदर ये ज्वाइन किया जाता है, हाँ जब रिलेशनशिप के अंदर जब ज्वाइन किया जाता है, तो जैसे मिसाल देता हूं आपको, मैं एक सवाल पूछता हूं
कि मान लो कि सब, अब हम किस चीज का टॉपिक में, हम ऑर्फिन केयर की टॉपिक में, मैं तो आपका टॉपिक जरा डिटेल में कवर कर रहा हूँ। तो ऑर्फिन के केयर में बताओ, अगर अगर आपके रिश्तेदारी में कोई किसी का कोई यतीम हुआ है, कोई किसी के पेरेंट्स में से किसी का इंतकाल हुआ है, पेरेंट इंतकाल हुआ है और वो ऑर्फन है, तो फिर रिलेशनशिप जब स्ट्रांग होती है तो वो आसानी से रिलेटिव्स ही खुद ख्याल रख लेते हैं। हाँ, रिलेटिव्स ही खुद ख्याल रख लेते हैं। नहीं जयद भाई, इसमें मेरा इख्तलाफ है, क्यों? अगर वो बच्चे को माँ ने अगर उसको दूध नहीं भी पिलाई है और उसको उसने पाली है, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसने दूध नहीं भी पिलाई है तो भी वो उसको अपने बच्चे जैसा ही मानेगी। काम करते हैं, मैं आपको उस पे वापस आता हूं, मैं उसको वापस आता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब लोग आइडेंटिटी अपनी दे देते हैं ना, तो उसकी रियल आइडेंटिटी चले जाती है। इस्लाम ने क्या कहा कि तुम पालो, तुम संभालो। ये देखिए यहाँ पे, ये स्लाइड में देखिए कि तुम यतीम का ख्याल रखो, उस पर खर्चा करो, उससे प्यार करो, उस पर दिल से ख्याल रखो। मुंह बोला बेटा भी रख सकते हैं, मुतबन्ना बोलते हैं, मुंह बोला बेटा भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे गिफ्ट्स दो लाइफ में, और जब इंतकाल हो जाए तो मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें 1/3 वसीयत करने की इजाजत है, वसीयत यानी विल, तो उसको विल के जरिए 1/3 तक दे सकते हो। लेकिन क्या नहीं अलाउड है, तुम उसके फादर का नाम ले लो और बोलो मैं उसका फादर हूं, ये नहीं अलाउड है। उसकी आइडेंटिटी क्यों ले रहे हो? तुम गुड डीड कर रहे हो, अच्छा डीड है, करो। उसके पहचान, उसकी फैमिली, उसका खानदान, उसके बाप, ये उसकी आइडेंटिटी है, वो मत लो, वो लेने का कोई इजाजत नहीं है आपको। और इसके अंदर उसको ट्रीट करो कि ये रियल बेटा बन गया। तो फिर क्या हुआ मालूम है, मैंने अभी आपको सवाल बताया था कि अगर उसकी शादी आपकी बेटी से होती है, जो आपका मुंह बोला बेटा है, उसकी शादी आपकी रियल बेटी से होती है, तो ये चीज को तो लोग जायज समझते हैं, बोले हाँ हो रहा है और ये करते हैं। तो यहां समझना क्या है कि जो रिलेटिव जिनसे शादी हो सकती है उनको प्रोहिबिशन में डाल रहे हैं, और वो जो असल उसकी बहन होगी वहां पर, असल उसके अंकल उसकी आंटी होगी, उनसे शादी जायज हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हाँ, उसी तरह इनहेरिटेंस का जो शेयर जिसका है उसको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, आप वसीयत करके विल बना करके दे दो 1/3 तक, लेकिन इनहेरिटेंस में जिसका शेयर है, अभी होता क्या है ना कि आपने मुंह बोले बेटे का ख्याल रखा और फिर आपने अपने बच्चों का शेयर कम कर दिया, या आपके दूसरे रिलेटिव जिनको मिलने वाली थी विरासत, उनका शेयर कम हो गया। जब उनका शेयर कम हुआ, विरासत का शेयर कम हुआ, क्योंकि आपने किसी और को बेटा बना दिया जो रियल बेटा नहीं, जो रियल बेटा नहीं, आपने उसको बेटे का दर्जा दे दिया, बेटे का शेयर दे दिया विरासत में। तो जब वो दे देते हैं तो फिर क्या होता है ना, एक अंदर अंदर बैड फीलिंग होती है। और सोसाइटी में बात याद रखिए, जब वो बैड फीलिंग पैदा होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब वो बैड फीलिंग पैदा होती है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में आगे जाकर लोग उस चीज से पुट ऑफ होते हैं, उतना ज्यादा वो चीज नहीं होगी। मैं आपको क्या कहता हूँ, उसका ख्याल रखो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो फॉर्मूला दिया गया है कि आप पूरा खर्चा करो, उसका केयर करो, उसको उसकी आइडेंटिटी क्यों लेना चाहते हो? बताओ आप उसकी आइडेंटिटी क्यों लेना चाहते हैं? वो है जो है, उसका बाप जो है वही बाप है ना। अब देखिए इसमें क्या नुकसान है, आइडेंटिटी कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना है जयद भाई, आइडेंटिटी कोई फिजिकल चीज नहीं है। अगर वो बच्चा मेरा सरनेम ले लेता है अगर एडॉप्टेड, उसमें कौन सा मुझे हार्म हो रहा है, या अगर मैं अपना, हाँ हाँ बताओ, अगर वो बच्चा मेरा सरनेम लेकर बड़ा हो रहा है तो ना मुझे हार्म है ना उसे हार्म है, और अगर मैं अपने दिल से उसको, उसको क्या हार्म है? देखो आप मुझे अपना नाम मत बताओ, आप अपना सिर्फ सरनेम बताओ, सरनेम तो कॉमन होता है ना, सरनेम बताओ। नहीं नहीं, ये सब क्यों चाहिए आपको? मतलब एक्स वाई जेड आप समझ लो, ओके चलो एक्स वाई जेड आपका, आपका एक्स वाई जेड सरनेम सपोज करो, तो अभी आपका एक्स वाई जेड है ना, कल आपका एबीसी को बना दिया सरनेम, आपके फादर का नाम मिस्टर बी है, तो कोई बोले बी नहीं डी है, डी आपका फादर का नाम, आपको अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, किसी और का नाम लगा दे, ये फादर है आपके, कोई और बहुत सारे लोग नाम चेंज करते रहते हैं, कैसा है ना, नाम चेंज करने में बाप का नाम चेंज कर देते हैं, बाप का नाम चेंज करते हैं, सुनो ना आप सरनेम का बात कर रहे हैं ना, देखो कैसा है, डिबेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मत देखो, एक अंदर से फीलिंग क्या रही वो देखो। अगर कोई कहे कि मैं तुम पे थोड़ा खर्चा कर रहा हूँ, आप सपोज आपका नाम मैं ना मिस्टर ए रख रहा हूँ, कि मिस्टर ए मैं तुम पे पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बाप का नाम जो मिस्टर बी है उसकी जगह पे मिस्टर डी बना रहा हूँ, मेरा नाम दे रहा हूँ, तो क्या है ना, आप अच्छा काम कर रहे हो, करो ना, कौन मना कर रहा है आपको अच्छा काम करने से, लेकिन आप मेरे फादर का नाम क्यों ले रहे हो? मेरा खानदान जो है, जो मेरे रिलेटिव्स है, उनका कुछ राइट नहीं है, उनका कुछ राइट नहीं है, क्यों ले रहे हो उनका राइट? अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रीन में पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, हाँ, कि बच्चा जो होता है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है अपने रिलेटिव से, अपने रिलेटिव से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, उसका ओरिजिन चले जाता है और उनसे कभी रिकनेक्ट नहीं कर पाएगा वो,
क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन उसका ब्रेक हो गया। हाँ, और फिर क्या हो सकता है तीसरी चीज, क्यों तोड़ना चाहते हो उसके रिलेटिव्स का कनेक्शन, क्यों तोड़ना चाहते हो? और आपको मैं बात बता रहा था, मेरी बात वहां डिस्कनेक्ट हो गई। एक्चुअली जो रिलेटिव्स होते हैं ना, ये इस्लाम ने मना किया है कि जो जितने रिलेशन है ना तुम्हारे, उनसे रिलेशन कट नहीं कर सकते तुम, क्योंकि अल्लाह ने जोड़ा है ये रिलेशन, तुम नहीं जोड़े। जैसे आज लोग बोलते हैं ना, मेरा तुम्हारा आज से रिश्ता खत्म, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों मालूम है? मिस्टर ए, आप मिस्टर ए, आपको मैं ए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका नाम नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ए इज गुड, ए ए ग्रेट। मिस्टर ए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको पता है आज इतनी सारी ऑर्फनेजेस हैं, इतने सारे ओल्ड एज होम्स हैं, क्योंकि रिश्तेदारियां जो है ना हमारी वीक हो गई है। लोगों के रिश्ते इतने कट ऑफ है ना कि कुछ फैमिली कनेक्शन ही नहीं है। इस्लाम ने कहा है कि फैमिली को कनेक्टेड रहना चाहिए, यहाँ तक कि वो वारिस है एक दूसरे के, एक दूसरे के इनहेरिटर्स है, वारिस है, और सबका एक रिश्ता जुड़ा हुआ रहना चाहिए। वो तोड़ने का तुम्हें कोई राइट नहीं, एकदम मेजर सिन है इस्लाम के अंदर कि कोई रिश्तेदारी कट करे। और ये रिश्तेदारी होगी ना तो क्या हो जाएगा, आपको ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आज क्या हो गया ना, बेटा बाप के साथ में बोल रहा है कि भाई मैं ओल्ड एज में, मेरे लिए बर्डन नहीं है। बाप बच्चे के बारे में बोल रहा है कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए सेव करूं, मैं बच्चे पे नहीं खर्चा करूंगा, तो तुम तुम्हारा खुद करो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्कनेक्शन होते जा रहा है ना, इससे बहुत गम है। कि कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली रिलेशंस आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सब बहुत सारे फायदे हैं रिलेशंस के। वो रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं ना, तो ऑर्फन्स हो गया किसी को, यतीम हो गया। अब क्या हुआ, वहां पे कोई फैमिली मेंबर ख्याल रखने नहीं आएगा, वहां पे अभी कोई फैमिली मेंबर नहीं है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब तीसरी चीज, अगली चीज क्या है, उसके पूरे रिलेशन डिस्कनेक्ट हो गए ना, जब आपने उसको उसकी पूरी आइडेंटिटी हटा डाली। क्यों हटा रहे हो? अच्छा काम कर रहे हो, करो, लेकिन आइडेंटिटी क्यों ले रहे हो? फिर क्या होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर उसकी वहां पे अपनी बहन से मुलाकात हो और बहन से शादी हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जब डिस्कनेक्टेड है वहां से, जब हो सकता है भाई, बट उस, आगे, उससे वो आपको ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है? नहीं, अगर कोई उसकी बहन से मुलाकात हो जाती है, गलती से, उसके उसके नॉलेज में नहीं था। जब नॉलेज में है, नहीं, उसके नॉलेज में नहीं था, उस समय उसकी मुलाकात हो गई है, उसके साथ शादी हो गई है, दैट इज, उसको पता नहीं था। अगर उसको जानकारी है उसके बाद वो करता है, दैट इज रॉन्ग। नहीं, लेकिन क्या है ना, कोई चीज जो बहन है ना, उससे कैसे सही हो सकता है? यही होता है ना, देखो बहन के साथ, बहन से सही नहीं है वो, तो मैं भी बोल रहा हूँ जैसा ही। और मेरा पहला जो सवाल था, क्या आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, हलाल है या हराम है? मैंने बताया ना आपको, ये देखो अडॉप्शन के अंदर, हलाल आप अडॉप्शन से वर्ड में बता सके तो ऐसा, ये ग्रीन वाला हलाल अडॉप्शन है, ये रेड वाला हराम अडॉप्शन है। हलाल और अडॉप्शन में खर्चा करो ना उसके ऊपर, केयर करो, स्कूलिंग सब चीज करो उसकी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है मामला, ये हलाल अडॉप्शन है, वो हराम अडॉप्शन है। अब अडॉप्शन जो मना है ना, उसके अंदर और क्या नुकसान है, जो आज जैसे अडॉप्शन करते हैं ना, अपना नाम दे देते हैं, सामने वाले की आइडेंटिटी ले लेते हैं, क्या होता है, एक नुकसान क्या, आइडेंटिटी कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है, असर पड़ता है इंसान पर। अब आप आगे देखो कि वो ऑर्फन को क्या होता है ना, उसको अगर पता चले कि ये मेरा केयर टेकर है ना, मेरा रियल फादर नहीं है, इससे क्या होता है, रिड्यूस्ड एक्सपेक्टेशन होते हैं, जिससे कि ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड ज्यादा होगा। लेकिन क्या होता है, कई यतीमों के साथ ऐसा होता है ना, उनको एक दिन बचपन में नहीं मालूम था ये अब्बा है, ये अब्बा नहीं है, वो बचपन से उसे फादर 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 बोल रहा है, ठीक है? अब एक दिन उसको जाके मालूम पड़ता है कि ये मेरा रियल फादर है नहीं, ये मेरी रियल मदर नहीं है, उसके लिए इमोशनल शॉक होता है। ये इमोशनल शॉक होता है कि ये जो मैं पेरेंट समझ रहा था बचपन से, तो मुझे बताया नहीं गया कि मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, मेरे रियल पेरेंट्स दूसरे हैं। जब उसके अंदर होश आता है और उसको किसी दिन पता चल जाए, तो ही फील्स चीटेड, चीटेड। अब इसके अंदर क्या मामला है कि अब जो तो दिल की फीलिंग है ना, जो उसकी फीलिंग उसके रियल फादर के लिए नेचुरली थी उसके अंदर, वो भी तो लिया जा रहा है ना, उसके रियल पेरेंट्स का जो पेरेंट्स का एक लव था, वो उसके दिल में से लिया जा रहा है ना। और आगे है ना, वो तो अभी भी मेंटेन है, अगर उसको पता भी चल जाता है तो भी ठीक है, उसको एक शॉक लगेगा, बट स्टिल वो अपने, ऐसा नहीं है कि वो अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी ऑर्फन था, उसने एक बंदे जिसको भी उसने फादर समझा था, अगर उसको पता भी चल जाता है कि अब ये मेरे रियल फादर नहीं है, उससे कुछ चेंज नहीं होता था, एक्सेप्ट कि लाइक उसको ये पता चल गया है, उसको बुरा लगेगा, हाँ बुरा फीलिंग आ सकती है, अदर देन क्या चेंज हो जाएगा जी? तो मैं आपको क्या कहता हूँ, उसके जो नेगेटिव से अगर हम बच सकते तो बेटर है कि नहीं है? नेगेटिव से बच जाए तो बेटर क्यों नहीं है? आप उसके रिलेशनशिप मतलब से उसको, आपका कहना है कि पहले ही आप उसको बता के रखना है कि यू आर ऑर्फन, मतलब क्या है, हाँ मतलब बताना है रियली कि तुम्हारे माँ बाप वो हैं, तुम्हारे फादर का इंतकाल हुआ, एक्स वाई जेड इज योर, पता ही नहीं ना, हाँ, क्लियर okay. नहीं आप है ना धोखे में, एक, क्योंकि इससे प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है ना, आप बचपन से क्लियर रखो, लेकिन अपना पूरा दिल से मोहब्बत करो ना, कौन रोक रहा है आपको मोहब्बत करने से? अच्छे से करो, उसको दिल से ख्याल रखो, और उसको मैं अपने घर में नहीं रख सकता, घर में रखो, पालने के समय अपने घर में रख के पाल नहीं सकते हम, हाँ हाँ घर में रखो, कौन रोक रहा है?
घर में रखो नहीं, पालो। आपने तो बताया ना कि लाइक एक सर्टेन एज के बाद में वो उसको पर्दा करना होगा मेरी हाँ, वाइफ से, पता इवन करना होगा क्यों, वो जो कट ऑफ नहीं करने की बात है ना दो उस अगर टाइम उसने की। बचपन से उसको पाली है, हाँ, मेरी वाइफ ने बच्चे को बचपन से पाली है, फिर भी अगर एक आपको सर्टेन एज के चाहते बाद हो उस ना, आपको अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो ना, तो उसको दूध पिलाने का कर लो, खुद नहीं तो बहन हो, वाइफ की नहीं, बहन वो हो, मुझे वो दूध मुझे पिला ले 5 6 तो मिल साल के जाएगा। बाद थोड़ा बड़े एज में मैंने उसको अगर मैंने अडॉप्ट किया है, हाँ, जी या जी वो मेरी वाइफ उसको दूध पिला नहीं सकती है, उस कंडीशन में नहीं है, देन जी उस जी केस जी में क्या होगा? हाँ, बड़े एज में अडॉप्ट किया है तो ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, उसके जो टेंडर डेलिकेट ईयर्स है ना, जो छोटे बचपन के, वो तो पूरी तरह से कोई डिफिकल्टी नहीं उसमें। जब वो बालिग हो गया, जब वो मेच्योर हो गया, अडल्ट हो गया, जब वो अडल्ट होता है ना, अडल्ट का मतलब यानी क्या कि एटलीस्ट एज ऑफ प्यूबर्टी पहुंच जाए, वो प्यूबर्टी तक पहुंचने के बाद अब उसका क्या है, अब थोड़ा अब जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई केयर कर रहा है, जब कोई ख्याल रख रहा है, तो खुद भी तो उतना तो वेल ऑफ होगा ना, कोई वेल ऑफ इंसान ही होगा या गरीब इंसान लेगा, आमतौर पर कोई थोड़ा सा वेल ऑफ होगा, नहीं, तो कोई वेल ऑफ वेल तुम ऑफ होगा, हो हम मानते हैं, और वो तो इतना ऐसा तो करो। एडॉप्शन किसी को देते भी नहीं है किसी हाँ, तो मैं गरीब आपको क्या बोल रहा हूँ, को। बिल्कुल सही, आपने सही बोले। तो आप अभी थोड़ा इतना अरेंजमेंट घर में करो कि जिससे के थोड़ा हिजाब का ख्याल रखा जाए, इस तरह से करो अरेंजमेंट, और ये पॉसिबल है। अब हम लोगों के अंदर अगर ट्रेनिंग हो तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं, उसका मेंटेन कर सकते हैं रूल्स के साथ। तो ये एक बात है इंपॉर्टेंट, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पूरी बात को जो समझना है ना, तो इस्लामिक सिस्टम के साथ में समझना है। मैं आपको चाहता हूँ आप 1 मिनट इस्लाम का सिस्टम एक बार मुझसे सुन लो, फिर आप बोलो कि सही गलत है। देखो, इस्लाम का ठीक है सिस्टम सर, क्या है ना, पहले तो रिलेटिव्स को ज्वाइन किया गया और रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप कट करना मना है। तो कोई यतीम हुआ तो रिलेटिव सबसे पहले हकदार होगा, बोलेगा मुझे चाहिए, बताइए बच्चा यतीम मुझे दो, ठीक है, ये एक चीज है। सेकेंड चीज, इस्लाम के अंदर जिना अडल्ट्री मना है। तो बहुत सारे जो हम लोगों को यतीम बच्चे जो मिलते हैं ना, ये चिल्ड्रन होते हैं जो जो माँ बाप ने अडल्ट्री किए और उसके बाद में कोई भी संभालना नहीं चाहता है, माँ के ऊपर बाप ने छोड़ दिया, अपना नाम नहीं देना चाहता है, नहीं इंटरेस्टेड है, और माँ अकेली कैसे बड़ी बड़ी करेगी। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो चिल्ड्रन ऑफ अडल्ट्री में, बच्चों का कोई दोष नहीं है, माँ बाप का जुर्म है, लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं बहुत बार जो आते हैं यतीम बन के आते हैं। तो इस्लाम ने ये चीज एट रूट सॉल्व किया है कि जिसके अंदर सोसाइटी चेस्ट सोसाइटी हो, पाक दामन सोसाइटी हो, गंदी सोसाइटी ना हो। उसके बाद अगली चीज क्या सिखाया गया, दूसरे कौन से कौन देगा यतीम बच्चा बना के, कौन देगा? एक होता है रियल यतीम, कि भाई डिजास्टर हो गया, कहाँ पे है प्रॉब्लम, वो रियल यतीम, वो एक अलग बात है। लेकिन जो दूसरे किस्म के यतीम होते हैं, वो होते हैं जिसके अंदर माँ बाप परवरिश नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देते हैं बच्चे को, बोझ समझते हैं बच्चे को, प्रॉब्लम समझते हैं। तो इस्लाम ने सिखाया एटीट्यूड कि तुम्हारा बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे लिए सदकाए जारिया है, यानी तुम एक दिन कब्र में जाओगे, मर जाओगे, और ये बच्चा अच्छे काम करेगा, तुम्हें कब्र में सवाब मिलेगा, सदकाए जारिया। तो बच्चा इस्लाम में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तुम कब्र में रहोगे, बच्चा दुआ करेगा, तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे। तो बच्चा अभी कोई चाहेगा क्या मेरे बच्चे को मैं दे दूं? नहीं चाहेगा। हाँ, अगली चीज क्या है, किफालत का कंसेप्ट है, मतलब माँ बाप का इंतकाल हो गया सपोज करो, तो उसके चाचा है, हाँ, उसके मामा है, उसके जो दूसरे रिश्तेदार है, तो वालल वारिसी मिस्लु जालिक, सूरह बकरा की आयत है कि वारिस जो होता है उस पर वही लाजिम होता है जो उसके ऊपर था, मतलब जो जिम्मेदार था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई शख्स बच्चे का जिम्मेदार है, अब उसका इंतकाल हो गया, उसके उसका जो बाप का इंतकाल हो गया, तो बाप का जो वारिस है, वो वारिस नेक्स्ट वारिस जो होगा उस पे जिम्मेदारी वो आएगी जो जो इंसान पे थी। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स का इंतकाल होता है, तो उसके बच्चे की किफालत उसके वारिस पे आ गई अभी। अब अगर उसका भाई वारिस है, तो भाई को संभालना होगा। और यहां तक का कि इस्लाम में रूल है, कफा बिल मरई इस्मन अन युदय्यअ मन यकूत, एक शख्स के गुनाह के लिए इतना ही काफी है कि जिसके खिलाने की जिम्मेदारी उस पे थी वो उसको जाया कर दे, मतलब वो जिम्मेदारी पूरी ना करे ना, तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि शरिया कोर्ट में जाकर के वो रूल लाया जा सकता है। और एक चीज है इस्लाम में, कंसेप्ट है बैतुल माल का। अब बैतुल माल का कंसेप्ट है कि यतीम जो है उनका ख्याल रखने के लिए स्टेट पर जिम्मेदारी है, या फिर ग्रुप्स पे, कम्युनिटी पे जिम्मेदारी है, बैतुल माल कायम करे, और जकात का माल जो दिया जा सकता है। तो गरीब यतीम जो गरीब है, एक होता है यतीम जो अमीर है जिसके पास बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी, उसके माल का ख्याल रखने के खास सिखाया गया, लेकिन कोई गरीब है उसको जकात भी दिया जा सकता है। और एक औकाफ का कंसेप्ट है, वक्फ किया जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट से ऑर्फन केयर है, इसकी बुनियाद क्या है, वो हदीस है, मैंने आपको बताया कि यतीम की किफालत का इतना बड़ा रिवॉर्ड बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब बताओ ये सिस्टम में जैद क्या भाई, प्रॉब्लम है? मैं आपका ना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, काफी टाइम आपने जी दे दिया है मुझे। सिर्फ मेरा एक थैंक यू सो दूसरा जो मच। सवाल था, अगर जी ऑर्फन को का ये इसको एबंड कम करना था, या इस जो एक लीगेसी चली थी तो उसको स्टॉप करना था, देन उसके हाँ लिए शादी करके ही दिखाने की क्या जरूरत थी खुद से? ये मेरा दूसरा सवाल है, बस ये लास्ट है प्लीज।
अच्छा मुझे आप मुझे बताओ कि कोई चीज थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाए हाँ, और कोई चीज प्रैक्टिकल तौर पे समझा दी जाए, तो कौन सी चीज की लर्निंग ज्यादा समझ में आ जाती है जब एक प्रैक्टिकल मिसाल सामने आ जाती है? तब केस में अगर एक ऑर्डर ही पास कर दिए होते तो क्या वो सफिशिएंट नहीं था? कैसा है वही तो इवन प्रैक्टिकल करने के बाद भी आज के जमाने में कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्या फॉलो नहीं कर रहा है? कौन नहीं फॉलो कर रहा है? यतीम, कोई यतीम भी को बच्चा नहीं यतीम का नहीं, कोई भी लाइक ससुर अपनी बहू से शादी नहीं कर रहा है। पहले तो बहू नहीं है वो, बहू नहीं है, है ना, वो बात तो हो गई है ना, वो बहू नहीं है। नहीं दूसरी चीज क्या आप है? बोलने से ऐसे नहीं 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 वो तो बहू थी, अगर अभी अगर उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है फिर भी वो बहू तो रहेगी। आप बोलने से ऐसे थोड़ी ना बहू नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बहू कौन है? मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था इसी स्ट्रीम में। हाँ आपने बताया था बहू, अगर वो बेटे मेरे बेटे की वाइफ है, बहू है, अगर वो मेरे मुंह वाला बेटा है तो भी वो उसकी वाइफ है, तो भी वो बहू है, अगर वो उसको छोड़ देता है तो भी वो मेरी बहू रहेगी। वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ कैसा है कि वो बोला बेटा रियल बेटा नहीं है, जो रियल बेटा नहीं है तो उसकी बहू रियल बहू नहीं है, रियल बहू नहीं है। ऐसे तो कोई माशरे में कहे ना अरे बेटा ये काम करो, अरे बेटी ये काम करो, उसका मतलब ये नहीं वो रियल बेटा बेटी हो गए। रियल बेटा बेटी नहीं हुए, वो आपके वारिस बन के खड़े हो सकते हैं क्या? अगर वो रियल बेटा बेटी है तो आपके वारिस बन के खड़े हो जाए कि दो अभी विरासत में हमारा शेयर दो, आपने बेटा बोले थे मुझे, फला तो मुझे बेटा बोलता था, मुझे विरासत में भी शेयर दो, तो नहीं बोल सकता वो। हाँ वो रियल बेटा तो है नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये कंसेप्ट को ब्रेक करने के लिए एक थियोरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल चीज थी, और ये चीज उस सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना एक बहुत टफ चीज थी, लेकिन ये उनका ईमान था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अल्लाह का हुक्म था वो आगे बढ़े। उनके लिए एक डिफिकल्ट चीज थी जो खुद कुरान में मेंशन है। आप बताओ कि कोई शख्स के लिए जो अगर अगर कोई फैब्रिकेटर होता तो कोई क्या कुरान में ऐसी आयत होती जो मैंने आयत पढ़ा ना कि तुम अल्लाह से, तुम लोगों से डर रहे थे लेकिन अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह ज्यादा हकदार है। तो ये ऐसी आयत डायरेक्टली आना ये कितनी डिफिकल्ट बात थी, डिफिकल्ट बात थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन उनका ईमान था, अल्लाह पे भरोसा था, वो किया उन्होंने। तो इसका आप देखिए, अच्छा देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, जरूरी नहीं आप हर चीज मेरी अग्री करो, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आपको ये समझना है कि दो सिस्टम्स चल रहे हैं। एक सिस्टम है जो इस्लाम ने बताया यतीम को संभालने का, जहां कहा गया उसको सब करो लेकिन उखाड़ो मत उसको वहां से, उसके ओरिजिनल रूट्स को मत उखाड़ो, करो तुम जो करना है करो। और दूसरा सिस्टम है जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, उसको वहां से उखाड़ करके यहाँ पे प्लांट किया जाता है, और प्लांट करने में क्या क्या होता है बराबर, आपने वहां से उखाड़े उसके दूसरे प्रॉब्लम है। तो इस्लाम ने कहा उसके रूट्स को मत उखाड़ो, उनका नाम रहेगा, उनका खानदान रहेगा, उनका वो रहेगा, वो वहां से। और ये दोनों में एस्टेब्लिश करने के लिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां पे उन्होंने सिर्फ इस चीज को एस्टेब्लिश नहीं किया, जब उन्होंने ये निकाह किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो पहले तो उन्होंने ये बात को एस्टेब्लिश किया। क्या एस्टेब्लिश किया मालूम है? कि बेटा मुंह बोला बेटा रियल बेटा नहीं होता है, ये बात एस्टेब्लिश हुई। आपको ये बात एस्टेब्लिश हुई लोगों के माइंड में, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल तौर पे एस्टेब्लिश हुई कि मुंह बोला बेटा रियल बेटा नहीं होता है। दूसरी बात ये एस्टेब्लिश हुई कि दुनिया समाज में जो सिस्टम चलता है ना उसको मत इंपॉर्टेंस दो, ऊपर वाले का बनाए हुए सिस्टम को इंपॉर्टेंस दो। और लोग आज तक क्या करते हैं ना, लोग दुनिया के पुजारी होते हैं, दुनिया बोलेगी राइट ये ब्लैक है तो ब्लैक है। जब हिटलर ने आकर कहा कि हम सब सुपीरियर रेस हैं, तो सब लोगों ने कहा उनके पुजारी थे। मेरे नजर में एडॉप्टेशन करना दुनिया का एक बहुत नोबल चीज है, एडॉप्टेशन करना, उखाड़ना, वो इस्लामी तरीके से आप बता रहे हैं। एक मिनट, उखाड़ना बोलो उसको, उसके ओरिजिन से उखाड़, एक बहुत नोबल काम है बोलो ये। नहीं, दिस इज एडॉप्टेशन, प्योर एडॉप्टेशन बहुत एक नोबल कॉज है उसको, अगर आप बोल रहे हो। मैं मेरे और आप में फर्क कहां है मालूम है? मेरे और आप में फर्क ये है कि आप उखाड़ने में बोल रहे हो और मैं बोलता हूँ उखाड़ो मत वहां से, उसका ओरिजिन रहने दो। तो इसमें मैं कोई ओरिजिन, ये इमेजिनरी चीज है जो आप के बता रहे हैं, वो ओरिजिन इमेजिनरी है। क्या ओरिजिन है? इमेजिनरी, रियल नहीं है उसका, रियल नहीं, उसके रियल बाप, रियल रिलेटिव्स, रियल खानदान, रियल, जैसे मैं पटेल हूँ, अभी पटेल फैमिली से आया हूँ, तो भी ऐसे मेरा जो रियल ओरिजिन है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या एक दिन उसको इम्पोर्टेंट, उसको अपना ओरिजिन नहीं जानने में इंटरेस्ट होगा, मेरा रियल बाप कौन था, मेरा रियल ओरिजिन क्या था? क्या आपकी आइडेंटिटी कोई ले ले, अगर आपकी आइडेंटिटी कोई ले करके कोई आपको भलती आइडेंटिटी दे दे जस्ट बिकॉज आप पे खर्चा कर रहा है, तो आपको वो चीज अच्छी लगेगी बुरी लगेगी? इन रियल सेंस, दिल में अंदर देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम लोग एक चीज में साथ में है कि हम लोग दोनों बोल रहे हैं यतीम का ख्याल रखो। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप अग्री नहीं करते ना तो कम से कम टॉलरेंस रखो अदर साइड के साथ भी। जैसे बाज लोग होते हैं ना इनटॉलरेंट होते हैं, सामने वाले की दूसरी साइड को समझ ही नहीं पाते,
देखो इस्लाम ने इनटॉलरेंस फोर्स नहीं किया, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके मजहब में सपोज ऐसा है कि आपके मजहब में ऐसा है कि हम लोग नाम देते हैं तो आप अपना करो ना, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन हम लोगों के नजदीक वो अच्छा नहीं है कि उखाड़ना उसको, अच्छी नहीं है बात। अब लेकिन मेन टॉपिक हमारे लिए ये टॉपिक नहीं है, हमारे लिए ये टॉपिक क्या है मालूम है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल थे नहीं थे, ये टॉपिक असल इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना एक टाइप का बैरियर बन जाता है दिमाग में, तो मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ वो बैरियर को हटाओ दिमाग से आगे का टॉपिक ताकि बात हो सके जो हम लोग करेंगे आगे के सेशंस में बात। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जो इल्जाम लगाते हैं स्टोरी लगाते हैं दे शुड नो एटलीस्ट टॉलरेंस रखना चाहिए ना, इनटॉलरेंट लोग होते हैं बस, इनटॉलरेंस होते हैं ना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सब लोग मुजरिम, जो मेरी बात नहीं माने ना सब लोग मुजरिम है, ये इनटॉलरेंस है। आपको क्या लगता है इनटॉलरेंस है कि नहीं है बताओ, टॉलरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए दूसरी साइड के साथ कि भाई उनके पास भी एक रीजनिंग है, उनके पास भी एक रीजनिंग है, ऐसा नहीं कि वो हवा में बोल रहे हैं। ठीक है जयद भाई अब ठीक है, लेकिन प्लीज मैंने अपनी बात एक्सप्रेस किया, आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, मैंने दिल की बात बोला तो वो डोंट फील बैड अबाउट इट, जरूरी नहीं मैं आपकी बातों के एग्री करूं, बट आपने ट्राई किया आंसर करने के लिए, यू हैव राइट टू डिसएग्री, यू हैव राइट टू डिसएग्री। हां जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेकिन थोड़ा सा बात करने दो। हाँ तो इसके पीछे एक छोटी अच्छा तो जब मैंने अपना YouTube चैनल वगैरह स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने कहा इसके लिए एक अच्छा और ऐसा कैची नाम होना चाहिए जो जो लोगों का अट्रैक्ट करे। फिर हुआ ये कि जब मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि मेरी अब तक की ऑलमोस्ट मैं 25 साल का हूँ, मैंने तकरीबन 13 साल जो अपनी लाइफ में स्टडी वगैरह की हैं उसमें जो मेरे क्वेश्चन जहन में आए और उनको पूछने का जो तरीका था वो कुछ इस हद तक था कि अगले को ऐसा महसूस होता था कि यानी सामने से जवाब आता था कि तुम फितना कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, तुम शैतानी सवाल कर रहे हो, तुम्हारे सवाल गलत हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैंने पिक करा, मैंने कहा अच्छा काम करते हैं क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूँ तो वो हो गया एडवोकेट और वो शैतानी सवाल है तो मैं डेविल एडवोकेट कर दूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब पर सर्च करा तो पता चला कि डेविल एडवोकेट तो पहले से बड़े मशहूर हैं, उन पर फिल्में ये वो सारी चीज़ें। ओके या तो मुझे बताओ आपको क्यों लगता है कि आप शैतानी आइडियाज को प्रमोट करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं, व्हाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? चूंकि मेरा ये स्टेज नेम है ऑब्वियसली बात है ऑडियंस के लिए है और मेरे जब भी सवाल होते हैं वो ऑडियंस समझती है कि बहुत ही खराब फितना अंगेज सवाल आते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए नाम रख दिया। क्या मैं आपको ये कहता हूँ कि वो उसकी जो रूट हो, ऐसी एक टॉपिक को लो, आज एक टॉपिक लो लेकिन जस्ट रूट हो, जैसे कोई होता है ना कि जड़ जड़ या बेस फाउंडेशन, ऐसी कोई टॉपिक ले लो आज बोलिए, लेकिन फिर क्या हो रहा है? हाँ जी बताइए शॉर्ट में टॉपिक ले के मतलब क्या दोबारा डिस्कस करने के लिए 30 सेकंड में आप मुझे एक कोर बात आपकी बोल दो कोर, हाँ तो फिर मैं उससे आपको कुछ मेरी कोर बात शेयर करूंगा। हाँ जी आप इतने टाइम से हमारे साथ है ना स्ट्रीम में तो मैं चाह रहा था आपके साथ भी थोड़ी सी बात हो जाए। जी अगर आप बोले तो मैं अपना वही सवाल रिपीट करूं जो मैंने छोड़ा था। बोलिए क्या क्या सवाल? मेरा सवाल ये था कि जी मेरा सवाल तो मैंने आपसे यही किया था कि ऑडियंस और मेरे जहन में बहुत से बहुत इस टॉपिक के जो आपकी लाइव स्ट्रीम का आज टॉपिक है लेकर यही सवाल आ सकता है कि वो सवाल तो हो गया ना कवर, थोड़ा उनके साथ में कवर हुआ। आप जैद और ज़ैनब की बात कर रहे हैं रदिल्लाहु अन्हुमा। जी जी बट अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि हो सकता है कि शायद आपका इस बारे में थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो रिगार्डिंग इस्लाम से रिलेटेड हो या चाहे इस्लाम से रिलेटेड ना भी हो। सो आपका क्या हिसाब, आप क्या सोचते हैं कि इज इट ओके टू मैरी अपनी बहू? बहू रियल बहू को तो मैरी करना हराम है, कुरान की आयत है सूरह 4 वर्स 24, हां रियल बहू जो होती है ना उसको मैरी करना हराम है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन जो चीज मना है वो चीज, जो चीज अलाउड है वो ये कि जो रियल बहू नहीं है उसको हराम बोलना वो नहीं सही है। जो बहू नहीं है उसको कोई हराम बोल दे भाई इससे शादी करना हराम है, वो क्या है, नहीं सही है ना। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं, ये तो मैंने भी इस्लाम वगैरह में पढ़ा है कि उन्होंने इस तरह की चीजें डेवलप करी हैं।
कहने का मकसद ये कि इन केस कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप अगर इस जगह होते, क्या इस पोजीशन पे होते कि अगर आपको अपने मुंह बोले बेटे कि एक्स वाइफ के साथ शादी हाँ करने तो की जरूरत पड़ती, तो जी, तो मैं आपको बता आप रहा हूँ, ऐसा देखो करते या फिर आप ऐसा ना करते? हाँ, बहुत ज्यादा मैं अगर आपसे, सवाल मैं खुद भी जवाब दूंगा, मैं होगा तो आपसे भी यही हो सवाल सकता है। पूछूंगा। जी, मैं आपको ये बताता हूँ, खुद भी जवाब देता हूँ। वो ये है कि कोई मुंह बोला बेटा, वो बेटा नहीं है भाई। मैं कई लोगों को भाई बोलता हूँ, अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो। तो वो भाई की बहन जो हुई वो कौन हुई फिर? अगर वो मेरा भाई है तो उसकी बहन कौन हुई मेरी? वो उसकी आपकी बहन बहन, कौन हुई बताइए? मेरी बहन हो गई, तो बहन से शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन जिसको मैं आपकी भाई बोल बहन रहा हूँ है वो मुंह बोला भाई यकीनन ऐसा ही है है, ना। जो मैं बोला अरे बिल्कुल भी शकील नहीं। भाई भाई हुए, आप भाई हुए, मैं बोले मेरे भाई यही है। तो भाई का मतलब इन सारे, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब भाइयों की बहनें वो मेरी बहनें, मतलब मेरे लिए कोई बची ही नहीं शायद मुश्किल से, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ सारे इंसान भाई है। हाँ तो कोई बचना ही मुश्किल है, फिर तो शादी कैसे करेगा कोई इंसान, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे जाके क्या बोलना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा एक होता है रियल भाई, एक होता है मुंह बोला भाई। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो मैं तो शादी नहीं कर पाऊंगा, क्या लगता है आपको? हाँ क्या लग रहा है? मैं नहीं तो फिर आपको डेविल बोलना अच्छा नहीं लगता, मिस्टर बी। ओके एनीवे, बताओ क्या क्या लगता है आपको? कभी ना कभी तो मुझे जाके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कि ये रियल भाई है और ये मुंह बोला भाई है। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? नहीं तो लाइफ कितनी मुश्किल हो हाँ, जाएगी। बात भी सही हाँ अच्छा है। बोलो, वो सारे भाई है ना मेरे, विरासत में वारिस बन जाएंगे, तो वारिस बनेंगे नहीं बनेंगे? अक्सर लोग साले जी अक्सर लोग साले और अपने बहनोई एक दूसरे को भाई भाई करते हैं, तो हाँ सही देखो, कह रहे हैं। सामने सामने आप मिसाल बहुत अच्छी दे रहे हो, सॉलिड जी। तो यहाँ क्या है ना, जो भाई नहीं है, जो मुंह बोला भाई है वो रियल भाई नहीं है। हाँ, और जो रियल भाई है वो रियल आपका मेरी भाई है, जो रियल बहन है वो रियल बहन है, जो रियल बेटा है वो रियल बेटा है, जो रियल बहू है वो रियल बहू है, और रियल बहू से शादी अलाउड नहीं है। लेकिन जो मुंह बोला भाई है वो रियल भाई नहीं है, जो मुंह बोली बहन है वो रियल बहन नहीं है, जो मुंह बोली बेला बेटा है वो रियल बेटा नहीं है। हाँ तो जो मुंह बोली बेटी है वो रियल बेटी नहीं है। इसी वजह से जो रियल तो है क्या वो जो रियल इसकी वजह वारिस से भी है, हम हाँ जो शादी इमोशनल जी जो इसके बोलिए ना। वजह से एक मुंह बोले बेटे बेटी बहन से जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? देखो मेरा शकील वैसे बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, हाँ, और आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरा आपसे भी इमोशनल अटैचमेंट बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग रियल भाई बन गए। भाई आप भाई हो, एक इंसानी भाईचारगी है, दैट डजंट मीन इमोशनल अटैचमेंट अच्छी चीज है ना, किसने बोला बुरी चीज है? लेकिन उससे थोड़ी कोई वारिस बन गए आप मेरे, कि भाई अब मेरा आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो गया तो आप वारिस बन गए, या मेरा उनसे हो गया वो वारिस भी बन गए, वो मेरे रियल भाई भी हो गए, अब उनसी बहन से उनसे शादी नहीं कर सकता, ये क्या बात है ना? ऐसे तो करके हम अपने लिए जिंदगी में डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। और डबल स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे, कई डबल नहीं ट्रिपल चौबल स्टैंडर्ड होंगे, वो भी सब सामने दिखेंगे टॉपिक पर। एक्चुअली क्या है ना, 10 बात घुमा के मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये टॉपिक पे लोगों को क्यों अड़चन है मालूम है? क्यों मुश्किल है उनके लिए नहीं मालूम है? क्योंकि ये इस्लाम कह रहा है इसलिए मुश्किल है। वो उनको ये टॉपिक में कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए मुश्किल ये है कि वो किसी तरह से चाहते हैं कि कुछ इस्लाम के खिलाफ कोई बात बोले। तो ऐसा जो अच्छा मेरा तासुब होता है ना, तासुब जिसे क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस, ये है रियल प्रॉब्लम। मतलब मेरा प्रॉब्लम इसके इस ऊपर टॉपिक आपसे को समझना इख्तलाफ कुछ है। भी प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा प्रेजुडिस है बाज लोगों में? सबकी बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं आपके अंदर नहीं भी नहीं लग रहा है, बाज नहीं लोगों नहीं में नहीं प्रेजुडिस होता है अगेंस्ट इस्लाम। नहीं मेरा नहीं ख्याल है। देखें, इस्लाम को टारगेट अच्छा करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है प्रॉफिट, उनको टारगेट करना, और उनके लिए टारगेट आपके कर लेना पास है उनकी उनकी जी, उनके उनके लिए टारगेट करने के लिए आपके पास उनकी ज़िंदगी, और उनकी हाँ ज़िंदगी अगर मैं अगर बताऊंगा आपको तो ऑब्वियसली बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी अपनी किताबों के अंदर अगर उसकी वैल्यू है कुछ तो मैं उसको पिक कर सकता हूँ, और अगर कुछ वाकयात जिस तरह के हैं उनको अगर प्रॉफिट की या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिट करने के लिए उनकी टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आई थिंक कि उन्हीं अच्छा। किताबों लेकिन को आपको मैं मुस्लिम्स को बताऊं, ज़्यादा मैंने, देखना चाहिए। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ मेरी, मैंने एक चीज देखा है मेरी रिसर्च में। मैं एक रिसर्चर हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं, मैं सिर्फ टॉपिक्स होते हैं मैं उसको स्टडी करता हूँ, और मैं अपने पावर पॉइंट्स बनाता हूँ, मेरी छोटी मोटी क्लास होती है उसमें स्टूडेंट्स के साथ लेता हूँ। अभी ये स्ट्रीम में आने लगा आजकल कुछ दिनों से, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैंने अपनी बात एक रिसर्च में एक चीज नोटिस की है। वो ये नोटिस की है कि जहां पे मैं एक सवाल लेके स्टार्ट करता हूँ ना, मुझे कुछ ऐसी बात मिलती है जो मुझे वाव लगती है, वाव, अमेजिंग, आई एम अमेज्ड बाय दिस। देखो मैं आपको बताऊं ना, आज अगर है ना कोई समाज की प्रथा चल रही है ना, और वो प्रथा चलने में अगर आपको कहा जाए ना कि आप ये करो शादी, हाँ,
और आपको 50 लोग आपके बारे में बुरी बात बोलेंगे और अभी 1400 साल बाद तक बोल रहे हैं, बोलने दो बोलने वालों को। हाँ, लेकिन जो चीज अल्लाह का कमांड है, मैं अल्लाह के कमांड के आगे सरेंडर करता हूँ। मैं बोलता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड, जो उनका, जो उनके अंदर ये तवक्कुल था, अल्लाह पे भरोसा था, कि उन्होंने दुनिया, लोग, समाज, माशरा, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिए, जो अल्लाह का हुक्म था वो पूरा किया। और वो पूरा करने में अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की विजडम है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट थी मैरिज करने में, वो हेड ऑफ द स्टेट थे भाई, वो किसी से भी शादी कर सकते थे। उनसे शादी करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए कोई भी लेडी चाहती कि वो उनसे शादी करे, मतलब ऐसा था मामला उनका। लेकिन उन्होंने एक ऐसी शादी, जो एक डिफिकल्ट शादी थी, वो की। क्यों की? मतलब क्योंकि अल्लाह का कमांड था। और इससे उन्होंने लोगों को ये सिखा दिया कि तुम जहां पे दो लॉज दिखेंगे तुम्हें, एक समाज का लॉ, एक अल्लाह का लॉ, तो आप समाज के आगे सर नहीं झुकाना, अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना। अल्लाह तुम्हें मिसगाइड नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कोई भी गलत काम करने नहीं कहेगा, लेकिन समाज जो है ना, कभी सही भी होगा, कभी गलत भी होगा। जैसे समाज की बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ कलेक्टिव जो जो होता है ना, कॉन्शियंस कितनी बार गलत हो जाती है, सब लोग मिलके एक बात बोलते हैं, ठीक है, तो समाज जो है ना बहाव के साथ बहते हैं। हाँ जी, ओके जी। डीपी भाई साहब, मुझे तो डेफिनेटली पूछना पड़ेगा कि आप तो इतने अच्छे सिस्टम्स यूज कर रहे हो, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड इतने अच्छे से आपने, इतना पेशेंस, जैद भाई, आई हैव नॉट सीन एनीबडी एल्स जो इतने पेशेंस से, इतनी सहजता से, इतना खामोशी से बात करे। तो डीपी साहब, डेफिनेटली आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, प्लीज कीप कमिंग। डेफिनेटली मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ एज अ ब्रदर। देखो बातें अभी क्योंकि स्ट्रीम में ना हम लोग, तो बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाई, मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपको कुछ और सवाल पूछने थे। हाँ, तो क्यों ना आप ऐसा करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफलाइन अगर पर्सनली हम लोग बात करें, और मैं आपके सवाल में अगर आपको कुछ, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो आई वुड लव टू डू दैट। हाँ, तो मैं आपको चैट में, यहाँ पे प्राइवेट चैट में, प्राइवेट चैट है ना शकील भाई, कहाँ पे है? प्राइवेट चैट है, आप मेरा नंबर भेज दो, व्हाट्सएप नंबर, जो डीपी को मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है शकील भाई, वो मैं डीपी को नहीं दे सकता हूँ, मैं आपका ईमेल आईडी दे देता हूँ, सबसे बेस्ट, ठीक है डीपी साहब जी। हाँ, पर्सनल चैट में, लेकिन मैं आप मैसेज में, अच्छा, क्या दो चीजें क्लियर कर लेते हैं। एक और लास्ट बात आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी शकील भाई को मैं प्रेस नहीं करना चाहता हूँ, बहुत उनके डिसिप्लिन को खराब कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे ये टॉपिक भी कवर करना है, थोड़े सवाल उसके बचे हुए हैं। तो मैं आपको एक बात फिर से ये बोल रहा हूँ कि जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि अभी आप लिविंग हो, कभी ऐसा नहीं है कि 60-70 होके मरते हैं, इंसान की मौत कभी भी आ जाती है, और कभी भी मरना है ना, तो हम लोगों को डेविल का फिलोसोफर बन के नहीं मरना है, हम लोगों को सच्ची बात बोल के, सच पे बात के लिए खड़े होके मरना है। हाँ, तो जरूर आप प्लीज गिव मी अ कॉल, बट आई कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू। हाँ, असल में दो चीजें जो है वो यहाँ पर अधूरी रह गई। पहली चीज तो ये कि मेरा जो एक्चुअल नेम है वो है अहमद सिद्दीकी। वेरी नाइस टू नो अहमद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईमेल आईडी मिल गया होगा, एंड दूसरी बात क्या है, गो अहेड। दूसरी चीज ये कि जो मेरा पीछे आपने बैकड्रॉप देखा है, ये टोटली मैंने खुद मैं बनाया है, तो मैंने आपको बताते चलो। Very nice. चलो, लेकिन use it for good cause, हाँ? Use it all for good cause. लोगों coding, को अपनी तरफ लाने के भाई साहब, coding भाई साहब, DP अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, thank you so much. Coding भाई साहब, yes. Good evening, coding भाई. हाँ, जी. तो सर, आप एक ही बात बार-बार रिपीट करते हो, तो थोड़ा उस पे ध्यान दो, क्योंकि अदर पीपल भी लाइन में है. शादी का तो मुझे इतना कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उस टाइम का क्या सिचुएशन था, ठीक है, बट डिफरेंट क्या है मल्टीपल गॉड और एक गॉड में, क्या अंतर है? भाई काम करो, मैं आपको, मुझे पता है ब्रेक लगाने वाले थे, लेकिन बस मेरा दिल कह रहा है कि थोड़ा सा एक टाइमर लगा के अलाउ करो। जैद भाई, हम ना एक्सेप्शन करते जाएंगे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हो जाएंगे, एंड लेकिन कोडिंग भाई साहब एक्चुअली बहुत देर से वेट किए हैं, तो उनको तो उनका हक है, तो मैं जैद भाई 3 मिनट का टाइमर लगाता हूं। जी कोडिंग भाई, मुझे बताओ, 1 = many या 1 = what, यानी 1 = many बोलेंगे हम लोग, व्हाट डू यू थिंक? अब डिपेंड करता है, एक और अनेक एक ही है या अलग है?
डिपेंड करता है कि सर अब किस कंसेप्ट में बात कर रहे हो. लाइक अगर हाथ है तो पांचों उंगलियां एक साथ है, दस हैंड, ठीक है, लेकिन उंगलियों के अपने काम होते हैं. बट मेरा जो कहने का मतलब वो दूसरा है, ठीक है, जिस क्रिएटर ने दुनिया बनाई, ठीक है, क्या नाम है, कौन है. नहीं देखो, हाथ जो है ना एक हुआ, अगर उंगली है ना, ये हाथ नहीं हुई, ये हाथ नहीं, ये हाथ नहीं, ये उंगली है, ये हाथ का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन हाथ, हाँ बिल्कुल, हाथ तो एक ही है. अगर कोई बोले मेरे पास एक हाथ है, यानी उसके अंदर एक हाथ है, उंगली अलग कंपोनेंट ऑफ द हाथ है, यानी 10% ऑफ द 20% ऑफ द हाथ हो गया, हो सकता है. लेकिन जो काम उंगली करती है वो अलग है, जो काम हाथ करता है वो अलग है. सेकेंडरी कहना क्या चाह रहा हूँ, एक इज नॉट इक्वल टू अनेक, या तो एक सही है या तो अनेक सही है. अगर एक सही है तो हम सबको एक मानना चाहिए, अगर अनेक सही है तो हम सबको अनेक मानना चाहिए, जो सही है वो मानना चाहिए. लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपकी और बाकी जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी बात नहीं करता, उन्होंने दुनिया में क्या देखा है, ठीक है, मैंने उस क्रिएटर को नहीं देखा है, चाहे वो एक है या अनेक है. लेकिन जो पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, जो नदियां हमको पानी देती हैं, जिससे हमारे खेतों की सिंचाई होती है, लोगों का पेट भरता है, जो पहाड़ लोग पूजा करते हैं, पहले जमाने में घर में चक्कियां हुआ करती थी, उससे लोगों का पेट भरता था, ठीक है. सो लाइक जो चीजें हैं जिनको लोग उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं, अगर उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें क्या गलत है? देखिए इसमें कैसा है, आप जो अच्छी चीजें हैं उसको सही यूज करिए, एनवायरनमेंट को डैमेज मत करिए, एंड टेक केयर ऑफ देम, ये हमारे लिए अमानत है, यानी हमें रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं. हम पेड़ पौधे सबको डैमेज भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं, तो केयर करना चाहिए, उसको सही यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, उसको वैल्यू करना चाहिए. लेकिन आपका मेरा एक पालनहार है, जिसने ये दुनिया को बनाया, जिसने पेड़ को बनाया, पौधे को बनाया, धरती को बनाया, आकाश को बनाया, पहाड़ों को बनाया, वो कौन है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ग्लास को किसने बनाया, तो ग्लास को फैक्ट्री ने बनाया. फैक्ट्री को किसने बनाया? इंजीनियर ने बनाया. इंजीनियर को किसने बनाया? तो हम कहेंगे गॉड ने बनाया. फिर सवाल लोग पूछते हैं गॉड को किसने बनाया, तो हम कहते हैं रुको रुको, क्यों? कहीं ना कहीं कोई चाहिए जो फर्स्ट ओरिजिनेटर हो, ओरिजिनेटर हो कोई चाहिए. अगर कोई नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं आता क्रिएशन में. जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर मान लो मिसाल के तौर पर एक सोल्जर है, वो सोल्जर को बुलेट चलानी है, दुश्मन पे गोली चलानी है, और हम कहें कि सोल्जर तुम नहीं चला सकते, तुम्हें अपने सीनियर को पूछना पड़ेगा, तो सोल्जर सीनियर को पूछता है, सीनियर को कहते तुम नहीं बता सकते, तुम्हें अपने सीनियर को पूछना पड़ेगा. अब वो सीनियर अपने सीनियर को पूछता है, वो अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को, अपने सीनियर को, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीनियर होना चाहिए जो किसी को पूछे बगैर जवाब दे, तो जाके गोली चलेगी. नहीं तो गोली कभी नहीं चलने वाली. अगर हर कोई अपने सीनियर 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 करके जाते रहेंगे, तो इन्फिनिट रिग्रेस होगा. ये हमेशा 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 के लिए लोग से पूछते ही रहेंगे, कभी कोई गोली चलेगी नहीं. लेकिन गोली चल गई है, ये दुनिया बन गई है. जब ये दुनिया बन गई है, तो कोई तो ऐसा है जो अनक्रिएटेड क्रिएटर है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं, और वो बनाया है दुनिया का. अब देखो आपको बता रहा हूँ, अंधविश्वास में आपको बताता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज, जैसे मिसाल के तौर पे ग्लास खुद से बन गया, खुद से बन गया, ये बिल्डिंग खुद से बन गई, अगर मैं बोलूँ तो कोई भी बोलेगा क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, कैसे बन सकता है ग्लास खुद से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. बिल्डिंग खुद से बन गई, सब ब्रिक्स उड़ उड़ के आने लगी, जगह पे जाके गिर गई, सीमेंट आ गई, रेती आ गई, और एक बिल्डिंग खड़ी हो गई. ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. तो यहाँ कैसा है ना, एक अनक्रिएटेड क्रिएटर चाहिए दुनिया में, जिसने क्रिएशन किया, दुनिया को बनाया, जमीन को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, ये जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स, जो वेल, लेकिन अगर सर, लेकिन अगर उसने बनाया भी, तो उसको ढूंढना क्यों हमें कि वो कौन है, क्यों बनाया? क्योंकि अगर उसको हर चीज का कंट्रोल है, तो फिर वो चीजें हमारे माइंड में ऑलरेडी डाल के भेजता. ऐसा नहीं कि पूरी उम्र आप लाइफ लगा दो, पहले तो उसने आपको बनाया, दुनिया में भेजा, ठीक है, फिर आप पूरी जिंदगी जो है उसको ढूंढते रहो, उसने क्या बोला, कैसे बोला, क्या कहा. हम नमाज पढ़ते हैं, या पूजा करते हैं, या सजदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे उस क्रिएटर को क्या फर्क पड़ता है? आपने बहुत अच्छी बातें कही है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताओ, आपको कोई लगता है कि कोई क्रिएटर, कोई पावर, कोई फोर्स, कोई है या नहीं है? आपको लगता है खुद से बन गया? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मुझे तो जो मैं देखता हूँ मैं उस पे बिलीव करता हूँ. पेड़ है, ऑक्सीजन देता है, हम जिंदा है, ठीक है, तो मेरी श्रद्धा तो उस पेड़ के लिए होनी चाहिए. ये यूनिवर्स जो है खुद से बन गया, आपको लगता है? इतना अच्छा सिस्टम, इतना परफेक्ट कैलकुलेशन पे सारी प्लैनेट, स्टार्स सब चल रहे हैं, ये खुद से बन गया? इट जस्ट हैपेंड टू हैपन, ऐसा लग रहा है आपको?
मुझे तो ऐसे ही लगता है सर। अच्छा खुद से आ गया एकदम परफेक्ट जगह पे आके सेट हो गए ऐसा खुद से हो गया? इट कुड बी अ बिग बैंग थ्योरी। अच्छा बिग बैंग में जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि अगर कोई जगह पर सब मशीन्स पड़ी है, हां मशीन्स है पुरानी, उधर एक धमाका हो जाए और वहां पे पुरानी कार्स है सब जो मशीन्स डंप है, तो क्या धमाके के बाद ऐसा हो सकता है कि एक नया फ्रिज बन गया या एक नई कार बन गई, ऐसा हो सकता है? या सब चीज जो धमाका हुआ ना उससे सब चीज तरहम भरम हो जाएगी सब चीज? लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन और उठता है, जिस माशरे में हम रहते हैं लाइक कल को हम कुछ गलत करते हैं तो हम बोलेंगे हम रिस्पॉन्सिबल है जो राजा है यहाँ का या प्राइम मिनिस्टर मोदी रिस्पॉन्सिबल है, हम उनसे बात करेंगे। तुम पुलिस वाले हो तुम क्यों हमसे बात करते हो? मतलब हो गया कि हम डायरेक्ट टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। उसी तरह मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहाड़ जो नदियां जो चीजें हैं जो हमको जीवन देती हैं, ठीक है, क्या उनकी पूजा करना गलत है? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक क्रिएशन, आप क्रिएशन हो, मैं भी क्रिएशन हूँ, मुझे पता है मैंने आपको अपने आप को नहीं बनाया, आपको भी पता है ना कि आपने अपने आप को नहीं बनाया, आपने अपने आप को नहीं बनाया, आपको किसी ने बनाया तो आप बने हो, है कि नहीं? तो जब मुझे मालूम है मैं क्रिएशन हूँ और मुझे ये मालूम है पेड़ भी क्रिएशन है, हाँ एक सेल है ना वो भी क्रिएशन है, एक इतना ब्यूटीफुल डिजाइन वाला क्रिएशन है, एक पूरी शहर जैसा सिस्टम एक सेल के अंदर है, तो ये सब क्रिएशन है, तो एक क्रिएशन दूसरे क्रिएशन की इबादत क्यों करे? मैं उसकी वर्शिप क्यों करूं जो खुद भी क्रिएशन है, वो मोहताज है, उसे पानी नहीं मिले क्योंकि वो हमें लाइफ देता है ना? नहीं, वो खुद जो है ना, आप देखिए उसको पानी चाहिए, वो निर्भर है, उसे पानी चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, उसको सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर नहीं मिले तो मर जाएगा, वो डिपेंडेंट है। वही तो मेरा बोलना है कि सब लोग एक दूसरे पे निर्भर है, तुझे जिस पे निर्भर है उस पे उसकी रिस्पेक्ट करता, अगर उसकी इबादत करता तो उसमें क्या गलत है? हाँ तो मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, एक क्रिएशन क्रिएशन की वर्शिप करे वो बेटर लग रहा है आपको, या एक क्रिएशन क्रिएटर की वर्शिप करे वो बेटर लग रहा है, क्या लग रहा है आपको बेटर? लेकिन क्रिएटर कौन है, किसने देखा है? जो चीजें हमारे सामने है उसको हम झुठला दें और जो सामने नहीं है हम उसको ढूंढें? आपने बहुत अच्छी बात बोले, जो सामने है ना वो सिग्नेचर है क्रिएटर की। हम पेड़ को देखकर है ना हम सोचते हैं सुभान अल्लाह सो ब्यूटीफुल, इसका पूरा सिस्टम कैसे बना हुआ है, डिजाइन कितना ब्यूटीफुल, जब ये ऐसा सिस्टम है तो उसका क्रिएटर कितना ग्रेट है। यूनिवर्स को देख के बोलते हैं क्रिएटर कितना ग्रेट है, सेल को भी देख के बोलते हैं कितना ग्रेट है, डीएनए को देखकर उसमें इतने सारे मिलियन कैरेक्टर्स हैं वो देख के बोलते हैं कि सुप्रीम क्रिएटर कितना ग्रेट है, यानी माइन्यूट से लेके बड़े यूनिवर्स तक हर चीज पे उसका कितना कंट्रोल है। तो एक बात समझ में आती है, एक तो क्रिएटर है, देखो एक स्टेप बाय स्टेप कैसा है ना, अगर हम लोग ये बात अगर हम लोग कुछ कॉमन चीज पे आएंगे कि एक बात तो पक्का है कोई क्रिएटर तो है, क्रिएटर के बगैर ये सब बनी नहीं है। अब एक क्रिएटर जो है जो अनक्रिएटेड है जो परफेक्ट है जो निर्भर नहीं है अनिर्भर है उस पर सब डिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट होता वो बना ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता था, वो निर्भर होता था, है ना? लेकिन सर फिर अनिर्भर क्रिएटर है। हाँ, अगर हमने उसको खोज भी लिया उसको पा भी लिया तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या मैं आपको बताता हूँ क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले पहले तो हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी जानने में हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? अगर उस क्रिएटर को नहीं सर, यहाँ पे मेरा काउंटर, उसके फायदे क्या है? बहुत फायदे। नहीं नहीं सर, अगर उस क्रिएटर को अपनी रियलिटी बतानी होती तो उसने हमें बनाया है, अपनी रियलिटी हमारे माइंड में जैसे हर चीज को उसने फीड किया है, ठीक है, हमारे माँ बाप को उन्हें क्या है, बच्चे को आप ना बताओगे तब भी धीरे धीरे चीजें उसको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है, ठीक है। इवन जो जानवर हैं, ठीक है, यहाँ तो इंसान ठीक है कम्युनिकेट करते हैं, जो जानवर हैं कुछ जानवर ऐसे भी जो नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजों का पता उनको भी चल जाता है, ठीक है। तो अगर क्रिएटर को, क्योंकि क्रिएटर जो भी होगा उसने ऐसा डिजाइन किया है ताकि उनको पता चल जाता है उनको क्या करना है, कैसे रहना है, घोंसला कब बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर वो क्रिएटर चाहता कि उसके बारे में हम जाने तो या तो हमें पहले से बता के भेजता, ठीक है, अदरवाइज अगर क्रिएटर को जरूरत हमारे पास है तो फिर वो तो जब जहां चाहे उसके पास पहुंच सकता है ना, क्या जरूरत है कि पूरी लाइफ उसके पीछे आप भटको? देखो आप बताओ कि जैसे एग्जाम में जाते हैं हम लोग, एग्जाम में हम देखते हैं कि सही जवाब सिलेक्ट करो, अब जवाब वहां नहीं दिया होता है, हाँ, हमें लिखना है सर, अगर नहीं, कोई बोले सर, कि मैं जाऊंगा एग्जाम में लेकिन मुझे जवाब भी लिख के चाहिए वहां पे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्रिएटर है ना वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है,
सवाल जवाब दुनिया की कायनात हर चीज से बहुत ऊपर है, ठीक है। हम नमाज, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, नहीं करते हैं, इससे उसकी शान में ना कोई गुस्ताखी होती ना कोई इजाफा होता है, क्योंकि अगर वो क्रिएटर है जिसने पूरा कायनात बनाया है, आप क्या सोचते हैं क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आपको उसके सामने जल चढ़ाने से, नमाज पढ़ने से, झुकने से ना उसका सम्मान बढ़ जाएगा और ना ही आप उसको गाली दे देंगे उसका सम्मान घट जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए मैटर ही नहीं करते ये छोटी छोटी चीजें जो हम सोचते हैं। मैं आपको, आप जो बात बोल रहे हैं ना, उसको कोई मैटर नहीं होता। सारे इंसान अगर गलत रास्ता इख्तियार करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे हमारे फायदे की बात हो रही है कि आप और मैं जीवित हैं, हम लोग जी रहे अपनी जिंदगी, हमारे फायदे की बात हो रही है कि हमारा जो थॉट है वो सही लाइन में है कि नहीं। तो मैं आपके एक सवाल का क्या जवाब देना चाह रहा था कि इसको आप ये बोल के मत ऑफ करिए कि वो सारी मिसालों से ऊपर है। मिसाल होती है कोई एक रियलिटी को समझने के लिए। एग्जाम में क्या होता है, रिजल्ट आंसर नहीं दिया होता है और ये एग्जाम चल रहा है। अब इसके अंदर एक चीज मैंने देखी है, आप बताओ आपको ये सही लगती नहीं लगती। मैंने एटलीस्ट अपने तजुर्बे में ये चीज देखा है और मुझे कंसिस्टेंट पैटर्न मिला। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप भी एक चीज दिख रही है कि यू बिलीव इन अ क्रिएटर, है ना, आप मानते हो कि क्रिएटर है, क्या लगता है आपको, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि क्रिएटर है? मैं तो अपने जो सराउंडिंग देखता हूँ सर, उसी को मानता हूँ, वही क्रिएटर है, उसने सब कुछ बनाया। लेकिन आप बताओ वो पेड़ ने आपको बनाया क्या? आपको रियली नहीं लगता है? पेड़ को किसी और ने बनाया होगा, शायद पानी से शैवाल से बना होगा। अच्छा, कौन बनाया आपको? पेड़ ने बनाया, पहाड़ ने बनाया, जमीन ने बनाया? नहीं, कोई नहीं बना सकता था। आपका जो अंदर का आर्किटेक्चर है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पेड़ बेचारा नहीं बना सकता है। पेड़ खुद अपने आप को नहीं बना सकता था, पेड़ खुद पहाड़ अपने आप को नहीं बना सकता था। इसमें बातें समझनी है हम लोगों को। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्रिएटर है नंबर वन। और मैंने एक चीज देखा है कंसिस्टेंट पैटर्न, और आप भी देखिएगा कभी आगे चेक करिएगा। मैंने जब लोगों से पूछता हूँ ना कि बताओ तुम ऊपर वाला परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, उसमें क्या कमियां है कि वो परफेक्ट है, तो मैंने एक चीज देखा है कोई भी धर्म का इंसान हो सब लोग ये बोलते हैं वो परफेक्ट है। ये कैसे आया उनके अंदर, उनके अंदर ये जजमेंट कहाँ से आया? और ये क्या है ना, कोई अगर इनकार करना चाहता है ना तो उसको अपने आप को बहुत ट्यूनिंग करनी पड़ती है उसमें। लेकिन नेचुरली लोग बिलीव करते हैं ऊपर वाला है, मालिक है, गॉड है। और वो लोग यानी यहां तक के ऐसा देखा गया है, ऐसी ट्राइब्स जिनका कोई दुनिया से ताल्लुक नहीं था बाहर, वो भी गॉड के बिलीवर्स, ऐसी ट्राइब्स जो दुनिया से एक्सपोज नहीं थे लेकिन जब एक्सपोज हुए मालूम पड़ा उनमें नेचुरली बिलीव इन गॉड था। ये एक नेचुरल चीज है। छोटे बच्चों को देखा गया कि छोटा बच्चा जो होता है ना, दे आर नेचुरल बिलीवर्स ऑफ गॉड। इसकी सर्वे है, पूरी स्टडी है, मैं आपको बताऊं कभी, और मेरी पावर पॉइंट है उसमें है मौजूद, लेकिन भी पुल आउट करने में ज्यादा टाइम चले जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंट पैटर्न है, यानी अंदर जजमेंट दिया है गॉड ने। और आपको मैं बता रहा हूँ, देखो अभी क्योंकि मैं शकील भाई को ज्यादा वो, और हमारा टॉपिक कुछ और ही था तो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ। यो माई ब्रदर, एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहली चीज जो है ना, ये सब क्रिएशन है, इनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, ये सब चीजों को हम वेस्ट नहीं करेंगे। एरोगेंस, गुरूर, जो घमंड में लोग खराब करते हैं ना, हमें वो नहीं करना है। लेकिन ये जानना है कि वो भी निर्भर है, हम भी निर्भर है, वो भी डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट है। तो हम लोग वो अनक्रिएटेड क्रिएटर जिसका कोई बनाने वाला नहीं है, हम क्यों ना सब उसकी वर्शिप करें। वो एक है, अकेला है, उसी की वर्शिप होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज आपके लिए है मेरे हाँ, सर। लेकिन अगेन फिर मेरा वही क्वेश्चन, जो जानवर है वो तो किसी का वर्शिप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जानवर के अंदर कॉन्शियसनेस देखी आपने। हाँ, वो लोग ऐसे बैठ के, आपने देखा चैट में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा देखा आपने, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जानवर लोग भी अपनी स्ट्रीम चला रहे हैं, ऐसे देखा आपने, नहीं हो रहा ना। अल्लाह ने हमें, गॉड ने हमें कॉन्शियसनेस दी है ना, तो ये कॉन्शियसनेस से फर्क पड़ता है ना। व्हाट डू यू थिंक, क्या नहीं लगता हमारे जानवर को फर्क नहीं क्या? उसने ये कहा था कि आप मुझको ढूंढो, मेरे पास आओ। नहीं, आपको ढूंढना ज्यादा नहीं पड़ेगा, जैसा आप बोलोगे ना, आपको ये बातें जो बोल रहा हूँ ना, ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये चीज इंसान के नेचर में फिट है, इंसान के नेचर में फिट है एक्चुअली। बहुत आप जैसे लोग बोलते हैं ना ढूंढना पड़ेगा गॉड को, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जी जैद भाई, जज़ाकअल्लाह खैर, आप तो बहुत टॉपिक के बाहर चले गए। मैं डेफिनेटली बस सर, मुझे आंसर नहीं मिला अभी भी, नो प्रॉब्लम, बातें शेयर हुई, एटलीस्ट आप सोचिएगा जो बातों के बारे में। सर मैं तो सोचता हूं, लेकिन जी कैसे है ना कोडिंग भाई, ये ऐसा नहीं है कि चलो आप डेस्टिनेशन पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट सफर शुरू हो गया है, है ना। वी आर द मिडिल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सफर तो पहले से चल रहा है। जी जी, सफर तो चलता रहेगा जी। तो मिडिल ऑफ डेस्टिनेशन, एक बात बोलना चाहता हूं, कोई दिन हम लोग स्ट्रीम करेंगे ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हां, तो कोई, मैं शकील भाई को आज ही बोल रहा था चलो ऐसे टॉपिक करना है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि गॉड एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं है मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है
तो उसको ढूंढने बसाए उसने हमको इस दुनिया में भेजा है, ठीक है, कि माशरे को सुधारो, एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करो, ठीक है। उसने जो चीज बनाई है, जो कायनात बनाई है, चाहे इंसान बनाए चाहे पेड़ बनाए, उसको नुकसान ना पहुंचा हुआ, जहां तक मैं सोचता हूँ, ठीक है, सही कि बोला। हर वो चीज जो उस क्रिएटर ने बनाई उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। बट मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम उसकी इबादत करें ना करें, पहली बात तो मुझे पता नहीं वो चाहता है कि उसकी लोग इबादत करें ना करें। अगर वो चाहता है तो क्यों चाहता है, इससे वो उसकी क्यों क्या चाहता है फर्क मालूम, पड़ता है? हमारे लिए चाहता है, खुद के लिए नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। हमारे लिए चाहता है कि हम अच्छा, वो हमारा खैर खा है, वेल विशर है, वो चाहता है कि हम सही रास्ते पे चले। लेकिन एग्जाम है, एग्जाम के अंदर एक इंसान अच्छा भी कर सकता है गलत भी कर सकता है। और आपको मैं बताऊं, आप जो चाहते हैं ना एनवायरमेंट का ख्याल रखें, कोई इंसान कब अच्छा करेगा मालूम है, जब गॉड के लिए करेगा तब रियली अच्छा करेगा। आप देखोगे कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितना सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिल्कुल ब्रूटली एनवायरमेंट को स्पॉइल किया है। हाँ, ब्रूटली स्पॉइल किया है। तो ये कैसे हुआ मालूम है, ये जब लोगों के लिए, फिनेंस के लिए, पैसों के लिए करते हैं ना तो ये स्टैंडर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जब गुडनेस करते हैं ना गॉड के लिए, तो आदमी रियली गुड होता है, अच्छा होता है, रियली अच्छा बनता है। लेकिन ये चीजें जब भी क्रिएटर चाहेगा इसको कंट्रोल कर लेगा ना। कंट्रोल कर लेगा, उसने चॉइस दिया ना आपको, मुझे दोनों को चॉइस दिया, फ्री विल है हमारे पास, आपके पास भी फ्री विल है, मेरे पास भी फ्री विल है। हम लोग को मालूम है कि मैं राइट उठाना चाहता हूँ राइट उठाऊंगा, लेफ्ट उठाना चाहता हूँ लेफ्ट उठाऊंगा। अगर सोचो हम लोग कोई दूसरे प्लैनेट पर बैठे हुए प्राणी होते और बोलते इंसानों के पास फ्री विल है कि नहीं है, तो हमारा सवाल वैलिड होता। लेकिन हम तो खुद इंसान है ना, हमें मालूम है कि हमारे पास फ्री विल है कि नहीं। आपके पास भी फ्री विल है, आप चाहो तो अच्छा करो चाहे तो बुरा करो, हम सबके पास है ना। नहीं, फ्री विल कहाँ है सर, हर माशरे का अपना एक कंस्टिट्यूशन है, आपको ठीक है। लगता है, अब आपको लगता है कि आप आज अगर अभी अभी मिसाल के तौर पर चाहो तो प्यार से बात करो जैसा कि आप कर रहे हो, या चाहो तो आप बदतमीजी से करो, वो भी कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग दोनों चूज कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा चॉइस है, ये हमारा चॉइस है ना, फ्री विल है हमारे पास, है ना कि नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल तो है, है, एक फ्री ये विल तो है, फ्री लेकिन विल। उसकी एक लिमिट है, बियॉन्ड दैट लिमिट आप हाँ, फ्री कोई नहीं बोले है। मैं दुनिया को खत्म कर दूं तो नहीं, वो लिमिट नहीं है कि मैं जाके खत्म कर सकता हूँ, एक लिमिटेड फ्री विल है, लिमिटेड फ्री विल है, बात सही थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू कोडिंग भाई, प्लीज कीप थैंक यू सर, कमिंग। आपका जो भी बातें थी बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग थी, एंड बहुत मजा आया, एंड बहुत सारी चीजें सीखने मिली। जैद भाई, द वे ही आंसर्ड, एंड ऑब्वियसली जो आपके क्वेश्चंस थे वेरी इंटरेस्टिंग, एंड प्लीज कीप कमिंग। मेरे साथ में, हमारे साथ में अभी दो जन है, एक है कौशल शेख और एक है ट्रूथ ऑफ धर्मा। आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू वेट, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ले लिया। तो आप अपने आपको अनम्यूट करें एंड शूट। ट्रूथ ऑफ धर्मा, अपने आपको अनम्यूट करें। यू आर कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम, आपका इस्तकबाल है। एंड कौशल शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी जी सर, मेरा ये था, वो टॉपिक से ही रिलेटेड है कि जो आप जी बहुत स्टार्टिंग अच्छा। में बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि जैनब से उनका निकाह होगा, तो वो जैद और जैनब की शादी निकाह हो गया था, उससे पहले उसको ये मैसेज आया था उनको, या फिर निकाह के बाद वो मैसेज आया था कि उनसे देखिए कैसा है उनका ना, निकाह होने ये वाला जब है? लास्ट स्टेज था उनका सेपरेशन का, तो उस टाइम पे, जो शादी के टाइम पे, तो डेफिनेटली नहीं मालूम था। जब उन्होंने शादी फिक्स कराई तब उनको डेफिनेटली नहीं मालूम था। और जब लास्ट स्टेज था, जब उस टाइम के की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह की तरफ से कमांड मिल चुका था और उन्होंने उस चीज को हाइड किया, लास्ट स्टेज के इसमें ऐसा होने वाला है, ये शादी होने वाली है फिक्स। जी और बहन, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं तो हमारे धर्मा साहब वेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू तो से? मैं चाहती कि जो जी बहन, टॉपिक पे बात हाँ हो टॉपिक पे बताइए। जी रही थी आप, तो जी बताइए। उन जी पे ही करते कि मैं भी चाह रहा हूँ। जी अच्छी मैं बात है, गुड रिमाइंडर। बस जी हो गया, शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच। जी नमस्कार भाई, आर यू पुलिंग अप समथिंग? अच्छा, धर्मा भाई बोल रहे कुछ। जी, धर्मा भाई बताइए। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मैं अच्छी सुनी रहा था कि हाँ एक बहन भी आई, हाँ उन्होंने ये बात की मैंने। देखो मैं, देखो आप हर चीज को अगर सुपर कोट करने जाओगे, ठीक है, तो नहीं, आप हदीसों को बताने के चक्कर में, मेरी बात सुनो, आप दीन को लूज कर जाओगे।
हदीसों को बताने के, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हदीसों को बचाने के चक्कर में आप दीन, बचाने के चक्कर में दीन को लूज करते हैं। अच्छा जी बताइए कैसे। जी क्योंकि जैनब का कहीं ना कहीं पे रिश्ता है, किसके साथ था आपको पता है, किसके साथ था? आपने पहले मुंह जिनको बोल लिया था अपने। हाँ हाँ, आप स्टार्टिंग से स्ट्रीम देख रहे हैं धर्मा भाई? नहीं मैं एक्चुअल में मैं अपने लेटली जुड़ा हूँ। एक्चुअल में मैं हाँ, आपका आया था नोटिफिकेशन, हो सकता है शायद मेरा हमने साइलेंट था जी, पर जी। मुझे इतना पता था कि आप इस सब्जेक्ट को लेके आ रहे हो। देखो पहले कहने वाले गोद ली हुए बेटे की बीबी थी। हाँ, तो यहाँ पे फिर ये बातें हो जाएंगी कि नबी जो है ना वो कभी भी कहने का मतलब कि हाँ जिसको बोलते हैं ना कि फ्यूचर रिफ्लेक्टिंग जो चीजें बताई जाती है उनके बारे में, तो वो चीज उनमें कभी भी नहीं। सॉरी आपने फिर से लास्ट लास्ट लाइन फिर से बोली आप, जरा आज आपका वॉल्यूम क्लियर नहीं है। आपका कोई इंटरनेट का इशू है या माइक का इशू है? आपका आज लास्ट टाइम कैसा क्लियर नहीं है? जो उनको फ्यूचर के बारे में मालूम हो ये बात उनकी तो हजम नहीं होती कि वो क्लियर है कि उनको नहीं मालूम थी। अच्छा फ्यूचर के बारे में आपको लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था सब कुछ? हाँ दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन ये सब हदीस बोल रहा तो उससे पता चलता है कि नहीं मालूम था। हाँ धर्मा भाई आपको क्या लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्यूचर के बारे में मालूम था? नहीं पता था। नहीं पता था, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका रीजन सुन लो। मान लो मैंने एक बच्चा गोद लिया, ठीक है कि नहीं, और मैं अपने रिलेटिव की उसके साथ शादी करवाता हूँ जी, और उसके बाद में मुझे लगता है जा कहने का मतलब मेरा बच्चा ही बोलता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो वहां पे फिर वो रिलेशन गड़बड़ हो जाते हैं भाई जब आपने बच्चा गोद ले लिया। एक्चुअल में ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। हदीस कोई भी ऑथेंटिक नहीं, हदीस भी कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है कहीं ये थोड़ा बहुत वाक्य आता है, ठीक है कहीं वहां पे ब्रेकटे मार के जैद वैद उसने लाया होता है, पर आप इस चीज को कोट कर रहे हो तो उसके माध्यम से मैं बता दूं तो उसके हिसाब से फिर ये बात आ जाएगी कि हाँ रसूल साहब अपने जो थे वो कभी भी कहने का मतलब अपने लंगोट के अच्छे नहीं थे, कभी भी क्या लंगोट के अच्छे नहीं थे कहने का मतलब वो हमारी भाषा में बोलते हैं पंजाबी भाषा में लंगोट के गंदे थे, ठीक है कि नहीं? अगर आप इस चीज को आप कोट करते हो उसका रीजन सुन लो सर, ठीक है मैं आपका एक बात का जवाब दे दूं फिर आप इस टॉपिक पे आओ। जी जी जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात क्या है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई ये चीज की नॉलेज उनको पहले से नहीं थी, और हम लोगों का दावा नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गॉड है। जैसे गॉड है ना अल्लाह, उसको सब कुछ मालूम है, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। कुरान में आपको वर्स मिलेगा सूरह 6 वर्स 50, कुल ए नबी कह दीजिए वला आलमुल गैब, मैं गैब अनसीन का जानने वाला नहीं हूँ। उन्होंने हमें कई सारी पेशेन गोइयां बताई क़यामत से पहले जो जो होने वाला है, ये अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया वो उन्होंने हम तक पहुंचाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सर्व सब सब चीज का ज्ञान था, सब चीज का होने से पहले पता था, ऐसा मतलब नहीं है। क्योंकि हम एक बिलीव करते हैं कि कुरान की आयत है सूरह 18 वर्स 110 कि कह दीजिए 109 के इन्नमाना बशरु मिथलुकुम, मैं एक इंसान हूं तुम्हारी तरह, मतलब इंसानों में सबसे बेस्ट इंसान लेकिन इंसान। और हकीकत क्या है ना धर्मा भाई कि इंसानों के लिए रोल मॉडल जो होता है ना वो एक इंसान ही बन सकता है। अगर कोई इंसान अगर इंसान यहाँ पे जमीन पे फरिश्ते रहते तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता, लेकिन जब इंसान रहते हैं ना तो अल्लाह ने इंसानों में से एक इंसान को चुनकर उन्हें सही रास्ता बताया और हम सबको कहा कि आप इन्हें फॉलो करो। तो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लव करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने हमें अनसीन की खबरें बताई कि मरने के बाद क्या होने वाला है, जन्नत है जहन्नम है, कयामत का दिन है, कयामत से पहले की पेशन गोइयां बताई। हम लोग ये बिलीव करते हैं क्योंकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ से मिला, उन्होंने हम तक पहुंचाया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो खुद गॉड है और अल्लाह के साथ दो है, अल्लाह है मोहम्मद है, ऐसा नहीं। अल्लाह एक ही है, कुल हुवल्लाहु अहद कहो, अल्लाह वो एक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात समझा मैं उसके मुताबिक जो बताया, आई होप ये सही बात आप तक पहुंची हो। जी अच्छा, यहाँ पे अपने जैद भाई यहाँ पे बात एक और आ जाती है, आपने बोला ठीक है गैब का रसूल है, अभी गैब का मतलब ही आपको बोलना पड़ जाएगा उसके बाद में। अगर गैब का कहने का मतलब वो जानता नहीं था या कहने का मतलब, तो वहाँ पे दावा आ जाता है कि वो गैब का रसूल है, उसने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं, जो जो उसको मिला
और ये 40 साल की उम्र से ये चीज शुरू हो गई इवन बिफोर मैरिज आयशा। तो आप कहाँ पे जस्टिफाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, तो वहां पे आप कैसे जस्टिफाई करोगे क्योंकि ये जो वाकया हुआ 40 साल के बाद में, हाँ हाँ सुन सुन, उसके बाद में फिर ये बातें आ जाती हैं जैसे अपने प्रोपेगेंडा करते हैं कि नबी को कोई भी आया तो ऊपर से नहीं आती थी, नबी अपने आप से करते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके साथ पहले से ही था, कम से कम मान लो 40 साल की उम्र से पहले था तो बाद में तो था ना, तो अल्लाह को नहीं पता था कि ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये भी बात आ जाती है, नहीं आपको मैं क्या बता रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाएगी, हाँ हाँ क्योंकि क्योंकि आप एक एक बोलेंगे ना तो मैं अच्छा से शेयर करूंगा, आप अगर 10 बातें बोलेंगे तो मुझे फर्स्ट याद रहती है ना, तो लास्ट तक पहुंचने तक नहीं, ठीक है ठीक है मेरी बात पूरी हो लेने दो जी। जो जैद की बीवी थी, हाँ हाँ वो कहने का मतलब रसूल के साथ निकाह से पहले, हाँ वो जैद की बीवी थी, रसूल के साथ निकाह होने के बाद में जैद की माँ भी बन गई, आप कहाँ तक खाते हो, तो okay, वो चीजों को मत करो, हमें वो हदीस से अपने रिजेक्ट कर। आप एक एक बोलो ना, कोई नहीं सुनिए सुनिए, वो जो थी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ बनने के बाद जैद की कौन सी माँ बनी, रियल माँ या स्पिरिचुअल माँ, क्योंकि आपको मैं बताऊं वहां पे मोमिनों की माँ की बात हुई है, वहां पे रियल माँ, वो रियल माँ से भी बढ़के हो गई, वो बताइए मैं आपको बता रहा हूँ, वो रियल माँ से बढ़कर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ना कि उसकी बीवी तो, उसकी बीवी भी तो रही है ना, उसके साथ सोता रहा, सेक्स भी तो करता रहा ना वो, हाँ तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूँ। देखिए कैसा है कि जो स्पिरिचुअल माँ है ना, उसका रियल माँ जैसा मामला नहीं होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रियल माँ के सामने आपको हिजाब करना है, रियल माँ को मेरे सामने हिजाब करना है कि बुरखा पहनना है, नहीं पहनना है, नहीं पहनना है, बुरखा नहीं पहनना है, जो बाल इतने खुले रह सकते हैं, जो जितना अलाउड है उतना अलाउड है, लेकिन मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को बाकी मुसलमानों के सामने हिजाब करना होता था, में वरायल हिजाब पर्दे के पीछे से वो बात करती थी। तो इससे क्या पता चला कि वो भले ही माँ थी लेकिन वो रियल माँ के जैसा मामला नहीं है, वो स्पिरिचुअल माँ है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल माँ का मामला दर्जा अलग है, तो ज़ैनब रदिल्लाहु अन्हा को वो स्पिरिचुअल माँ का दर्जा मिला, और वो सिर्फ ज़ैनब नहीं, हो सकता है अबू बकर की बेटी को मिला, वो स्पिरिचुअल माँ का दर्जा मिला। तो जब बेटी को माँ का दर्जा मिल सकता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी वाइफ्स भी किसी ना किसी की बेटी, किसी ना किसी की बहन है और माँ भी हो गई, वो स्पिरिचुअल माँ है। तो आपको ये दोनों में फर्क समझना है कि वो रियल माँ नहीं बनी, जैसे आप बोल रहे ना रियल माँ, वो रियल माँ नहीं। हाँ जी, और ये मैं समझ गया, मैं समझ आपकी बात समझ गया कि स्पिरिचुअल मदर होगी। हाँ तो जी, हाँ मोमिन तो फिर अपने 1,24,000 आगे को भी बोला गया, इवन के प्रॉफिट मोहम्मद को भी कहने का मतलब मुस्लिम बोला गया, तो फिर बातें आगे तक चले जाएगी। आप एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी, मैं बात जो बोल रहे हो ना आप, तशरीह करने वालों ने भी मेरी बात सुनो, ये चीजें कर दी और गलती से आप भी ये चीजें कर रहे। एक मिनट, तशरीह करने वालों ने क्या किया फिर से बोलो, मैं आपको हर सेंटेंस रिपीट करने बोलूंगा जो मुझे समझ में नहीं आता है। जी मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब तशरीह करने वालों ने भी वही गलती की जो अपने, क्या गलती की, जो किसने किया, जो अच्छा मेरा सेंटेंस तो पूरे हो लेने दो। एक्चुअली कैसा है ना धर्मा भाई, आपके वर्ड्स बीच बीच के मिस हो रहे हैं, तो मुझे स्पेकुलेशन करना पड़े, अंदाजन मैं समझूं कि हाँ ये बोले होंगे तो मैं माना गलत समझ सकता हूँ। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, तो स्पिरिचुअली मदर तो अपने आयशा, अम्मी आयशा भी, ये जैनब भी सबकी माँ होगी, इवन के रसूल अल्लाह की, कहाँ तक जाएंगे हमें, हमें की वाइफ्स है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ नहीं हुई। सर मेरी बात सुनो, वहाँ पे शब्द क्या जाता है कि मोमिनों की माँ, तो मोमिन तो मोहम्मद साहब भी है। अब कैसा होता है ना, एक होता है जनरल, वो इसका मैं जवाब दे दूँ, आपने एक सवाल बोले ना इसका जवाब मैं बोल दूँ फिर आप आगे बढ़ो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पिरिचुअल माँ नहीं हुई वो, क्यों? क्योंकि एक होता है रूल, एक होता है आम, एक होता है खास एक्सेप्शन। तो जैसे कुरान में दिया हुआ है हलाल है तो हराम है तुम्हारे लिए, मरे हुए जानवर का गोश्त हराम है, कि कोई मरा हुआ जानवर मिले उसका गोश्त हराम है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरी हुई मच्छी मिले, मरा हुआ लोकस्ट मिले, वो मरा हुआ है तो भी हलाल है, मच्छी मरी हुई मिलती है ना, फिश निकालते हैं तो वो मरा हुआ हो तो भी हलाल है। तो एक होता है जनरल रूल, एक होता है एक्सेप्शन। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अल्लाह के नबी है, हाँ नबी जो है ना वो सबसे ऊंचा दर्जा नबी का है, तो यहाँ पर उनका दर्जा ऊपर हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हस्बैंड है, तो ये माओ का लिल मोमिनीन में, मोमिनीन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उनकी माँ हुई। जी
क्योंकि आज तक हम लोगों ने किसी स्कॉलर से ये सुना नहीं है जो आपने बात बोले कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हो गई, ये नहीं। देखो अगर और आप देखोंगे हमारे यहाँ पे वर्ड्स कुरान के बाद याद आ गए कि उनकी बीवियां मोमिनों की माँ हैं, तो उनकी बीवियां हैं वो जिसे कुरान में बताया गया है। तो चलो वो टॉपिक छोड़ दो, ये कोई मेजर टॉपिक नहीं है। और क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तशरीह करने वाली गलती, आप भी देखो एक बात सुनो, एक मिनट आप, आपका सेंटेंस जा रहा है, तशरीह करने वाले के बाद क्या बोले आपने? मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले वालों ने भी बहुत मेरी बात सुनो, मुल्ला मौलवी ने गलती कर दी, आप क्यों कर रहे हो? जो चीज हमारी है, कौन सी गलती की? अभी हदीसों में क्या क्या है, मैं कहां तक जाऊं? अच्छा हदीस में ना सही हदीस होती है, ज़ईफ हदीस होती है, सही में ही है, तो सही ये जो हदीस है सब फैब्रिकेटेड हदीस है। सही में मेरी बात सुनो, प्रॉफिट मोहम्मद की जो लास्ट शादी थी वहां से नबी को जहर तक दी गई है, कहां तक हो? वहां पे भी सेक्स भी होता है, फैब्रिकेटेड हदीस है ना, जो फैब्रिकेटेड हदीस है वो प्रूफ नहीं है। सर मैं बोल रहा हूं कि पूरी हदीस है फैब्रिकेटेड है, तो उनके लिए झगड़ना क्यों, उनके लिए सफाई की दिन? ये आपका रॉन्ग अजम्पशन है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहे पानी में कुछ गंदा पानी आता है जिससे बीमारी हो जाती है, फिर कोई आके बोलता है सब पानी गंदा ही होता है, ऐसा थोड़ी है, पानी साफ भी होता है गंदा भी होता है, साफ पानी लेते हैं और गंदे पानी को छोड़ देना है, फिर प्योरीफायर लगाओ, फिल्टर लगाओ। तो हदीस के चेकिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो चेक करके बताते हैं ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौज़ू है, तो सही हदीस को फॉलो करते हैं हम, और जो ज़ईफ है, वीक है या फैब्रिकेटेड उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इसलिए नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि उसको लायर्स ने नरेट किया, पकड़े गए ऐसे लोग, झूठे लोग, कज़ाब लोग। आपके आने से पहले मैंने पूरा उसके प्रूफ स्क्रीन पे बताया है। हाँ जी, अच्छा जैद साहब, अजीब हदीसों को आपने भी कोट किया है जब ये निसार के साथ जाए, एक्स मुस्लिम अपने समीर के साथ, सॉरी अपने साहिल के साथ आके बात की। कौन सी ज़ईफ हदीस कोट किया है बताओ? आपने ज़ईफ दो हदीसें वहां पे कोट की हैं, बताओ ना, मुझे भी बताओ, मुझे भी मालूम पड़े। सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपकी ईमेल पे पूरा भेज दूं। हाँ तो जरूर भेजिए, हाँ, क्योंकि हम लोगों का ये रूल है कि सिर्फ सही हदीस फॉलो करना है। और मैं आपको मेरी बात बता दूं कि कोई ज़ईफ हदीस हो ना, अगर रियली ज़ईफ है तो फिर हम लोग उसको रिट्रैक्ट भी करते हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई मेरे मैंने अच्छा, जय साहब मैं एक चीज बोलूंगा आपको जी, हमें कम से कम कहने का मतलब, मान लो मैं मान लो मैं कोई भी हूँ, कम से कम आप एक काम तो करो, जो ज़ईफ हदीस है उसको हदीस की किताब पर मैं रखा भी हूँ, और जब क्यों रखा है? सही वो सही मुस्लिम में भी, सही बुखारी में भी आता, तो वहां से कहां तक भागेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम लोग कहीं से भागते नहीं, हम लोग सामने खड़े हैं। और ज़ईफ हदीस के अंदर क्यों है वहां पर मालूम है? क्योंकि वो मुहादिसीन ने बताया कि ये हदीस है ना, इससे मिल रही है, ये रावी से मिल रही है। उन्होंने कोई पब्लिक के पढ़ने के लिए वो बुक नहीं बनाए थे, उन्होंने वो बुक कंपाइलेशन किया, वो कंपाइलेशन में अवाम के पढ़ने के लिए दूसरी बुक्स बनाई गई है जिसमें सही हदीसों की किताबें हैं, उसके अंदर वो पढ़े। लेकिन ये जो उन्होंने किया, उन्होंने एकेडमिक वर्क किया, उन्होंने जमा किया, विद सनद जमा किया। आज उनकी कोशिश की वजह से दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सकता है, कि कैसे हमारे पास पूरा साइंस ऑफ हदीस है, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि ये नरेटर वीक था, इसकी मेमोरी खराब थी, ये लायर था, सब चीज कैच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो लोगों के दूसरी जगहों पे स्क्रिप्चर्स की भी किताब ऐसे चेन ऑफ नरेशन नहीं होता है, यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के चेन ऑफ नरेशन है, वो चेन ऑफ नरेशन के एक एक नरेटर का चेन ऑफ नरेशन है, कि वो नरेटर कौन था, कहाँ रहता था, ये भी चेन ऑफ नरेशन से आता है। तो चेन ऑफ नरेशन का इतना बड़ा वो साइंस है, वो कभी और हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। आपका और क्या सवाल था ये टॉपिक पर? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कब करेंगे, आप कब करोगे, जब पूरा इस्लाम आपने कहेंगे मतलब कि हाँ इस कगार पे आ जाएगा, कि आज अपने यहाँ के टॉपिक से बात बारे में बोलो, आज जो ज़ैनब रज़ियल्लाहा का टॉपिक है ना, इस पे कुछ भी बोलना है तो बोलो, बोलिए। सर ज़ैनब को लेकर तो बहुत सारी हदीसें हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने को खाली मोबाइल पे, मैंने आपके आने से पहले मैंने वो हदीसों का एक्सपोजर दिया जी, मेरे पास किताबें भी हैं, 6 हैं, वहां पे सही भी कोड, ऐसा नहीं है कि ये आज छपी हैं, कल छपी हैं, ये 16 साल पहले भी ये चीजें हैं, मेरे पास 16 हाँ। साल पुरानी हदीसें पड़ी, हदीसों की किताबें पड़ी हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कम से कम अगर मान लो पिछले वालों ने गलती की, आज तो हटा लो उन चीजों को। कौन सी चीज को? देखो आप बात समझो ना, कोई चीज को कम से कम आज तो हटा लो सर, वो मार्क करके दिया गया ना, किसने बोला नहीं किया गया? आप अगर देखोगे तो ऐसे स्कॉलर सर, वहां मैं बोल रहा हूँ उनको सही बोला गया है, आप
क्यों सर कौन मेरी सी, बात आप सुनो, उनको बोलने की जगह मुझे लाओ ना, सामने लाओ ना, कौन सी हदीस को सही बोला गया जो आप बोल रहे अच्छा हो, मेरी सही बात सब क्यों सुनो, बोल रहे हो आप सही। अच्छा मोहम्मद साहब से मुतल्लिक एक हदीस आती है, हाँ लेकिन वो रावियों से भी है। हाँ वहां बोलिए, पे मोहम्मद साहब ने क्या बोला, बोला इस्लाम एक दिन लौट के मदीना में आ जाएगा, एज इट जैसे टॉपिक स्नेक से अपने। रिलेटेड है, हाँ टॉपिक हाँ से बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल है, सर, कैसे हाँ रिलेटेड है, बिल्कुल ज़ैनब सर, रज़ियल्लाहु अन्हा के मैं टॉपिक से सर रिलेटेड मेरी है जी। यही तो बात है सर। वहां पे क्या क्या बोला गया है कि हाँ इस्लाम वापस मदीना में ऐसे आ जाएगा जैसे सांप अपने बिल में आ जाता है। तो सर उसको रिजेक्ट भी तो किसी ने नहीं किया ना आज तक ओके, तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सर, रिजेक्शन करवाओ ना, अगर कोई चीज हमें हमारे पल्ले नहीं पड़ती या हमारी है नहीं, तो उनको कहने का रिजेक्ट तो करवाओ ना। हमारे यहाँ रिजेक्शन ये नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो रिजेक्ट, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिजेक्शन का क्राइटेरिया है, साइंस है पूरा वो, और कोई चीज गैर साबितशुदा है तो हमारे जो जैसे सोना परखना है ना, नहीं अच्छा लग रहा है ये प्योर गोल्ड नहीं है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है प्योर गोल्ड है, ऐसे नहीं चेक करते हैं गोल्ड को। तो साइंस हदीस के अंदर भी ऐसा थोड़ी चेक करते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये हदीस सही है ये नहीं अच्छी है, ऐसे नहीं होता है, उसका पूरा साइंस है, प्रूफ के बेसिस पे है। तो अगर प्रूफ है तो हम लोग नहीं मानते खुद ही, और अगर प्रूफ नहीं है, हाँ प्रूफ है तो हम मानते हैं सॉरी, और प्रूफ अगर नहीं है तो फिर नहीं मानते उस चीज को, हदीस को। हाँ जी, लेकिन सही सही कैसा है ना कि सर अगर आप एक रियल एक मिसाल देंगे ना, जैसे आपने कहा ना कि ईमान वापस आ सर, जाएगा मदीना ईमान में, ला के मेरी बात सुनो सुनो। अब सुनो पहले तो सुनो आप सुनो, पहले आप आपने जो दावत एक देते हदीस हो, कोट किए ना, एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले आप दावत देते हो फिर हमें ठीक है ईमान वाला बनाते हो, फिर मेरी बात सुनो, जब हम बेईमान होना शुरू हो जाते हैं आप चीजों से मुकरते भी, फिर हम कौन सी बेईमान चीज से मुकर क्यों रहे हैं? ना, मैं आप सिर्फ दावा करेंगे, कुछ सीधा को प्रूफ यही नहीं तो देंगे? चीज है ना। एक मिनट, आप प्रूफ ठीक नहीं है, देंगे? हम मानते भी नहीं है कि हाँ ये है, फिर हम ये भी नहीं बोलते कि हमारी किताबों में होनी भी नहीं चाहिए, फिर ठीक है कि नहीं, हमें मौका पड़ता हम ये भी बोल देते हैं भाई हो सकता है, तो फिर वो दाईफ हदीसों को हम आप तोड़ है नहीं ना सकते कैसा है और ना धर्मा भाई, सुनो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप है ना मेरे भाई हो, मैं आपको एक सीरियसली बात बोलता हूँ। आपका हो सकता है ना कई लोगों से डिस्कशन हुआ होगा, हुआ है ना कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, आप मेरे बोले बगैर कितनी चीजें मेरे बारे में से सुन रहे हो, मुझे बोल रहे हो ऐसा होता है, ओ माय गॉड मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो आप क्या करो ना, सर, जब किसी से वो बात करो ना विद सर न्यूट्रल मेरी बात माइंड, सुनो, किसी आप ना किसी किसी और चीज की की बातें मुझ पे क्यों ला रहे हो, सर, किसी ना आप मुझ किसी पे चीज मेरी की बात करो, सर आप क्या किसी ना करो? किसी चीज सर किसी ना किसी चीज की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। जब कोई उस चीज की जिम्मेवारी नहीं लेती ना, मान लो कोई हम सड़क पे भी पड़ा हुआ सामान है ना, उसको कोई कोट नहीं करता ये मेरा है या नहीं है ना, उसको कोई अपनी छेड़ता नहीं है, जब हम कोट भी हाँ करते हो सकता है मेरा है, हो सकता है मेरा नहीं है, तो फिर ओके, वहां पे अपने हम चोर कहलाते हैं। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? चोर ये बात से सामान से क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग सर बहुत मानते हैं सारी ऐसी कुरान चीजें को, हैं जो सुन फैब्रिकेटेड लो, है, कम से कम उनको रिजेक्ट करो, कहने का अरे मतलब कि हाँ हम साबित तो होना फैब्रिकेट चाहिए ना, करते जस्ट बिकॉज धर्मा हैं। भाई को समझ में नहीं आया तो वो रिजेक्टेड है, अरे प्रूफ होना चाहिए ना, हम लोग प्रूफ को फॉलो करते हैं, आपको मालूम है, तो सर आपको मालूम है। आप अपने मुंह से बोल अच्छा भी रहे हो कि हाँ सुनो, आप देखो यही बात हो जाती है, आप बोल भी रहे हो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली आप ही बोल रहे हो, सारे ये चीज बोल रहे, कम से कम एक यूनिटी बना के ये तो करो कि भाई ये कुछ चीजें हैं ऑफिशियली, हाँ हम सुनो बोलते हैं, सुनो, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है इनमें कुछ सच हो सकता है, ये कम से कम इतनी तो स्टेटमेंट कहने का मतलब यार धर्मा भाई, धर्मा भाई, हम। बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। आपको क्या लगता है जो रिजेक्ट कर रहे हैं और जो जहीब बोल रहे हैं, जैद भाई या दूसरे उलमा, वो कहाँ से बोल रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि जहीफ है इसके लिए वो जहीब बोल रहे हैं, उन्होंने उनको उन्होंने स्टडी किया, अरे नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझे लगता है कि गलत है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो, आप जिसने तो सही, आपको क्या अच्छा लग मेरी रहा है, बात मतलब सुनो, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, सुनो मैं आपको बताता हूँ वो क्या कर रहे हैं, पता है वो जब क्या कर मुझे रहे हैं, दीन पता है की वो क्या कर रहे हैं, पता है? धर्मा भाई, आपकी बात सुनने, मेरी बात 2 मिनट तो सुनिए, अब 2 मिनट तो सुनिए। कैसा है ना कि ये जैद भाई और दूसरे जो लोग आपको, जो आप बोल रहे हैं ना कि जयीफ है जयीफ है जयीफ है, आपके पास ये जो वर्ड भी आया है ये कहाँ से आया है? ये बहुत सारे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च बहुत किए है और दूध का दूध पानी का पानी किए है। ऑलरेडी जो जयीफ है ना वो जयीफ और स्कॉलर्स ने ही बोल दिए, इसके लिए आपके जहन पे आ रहा है जयीफ, आपको किसी से बात करे तो जयीफ, आपके ये वर्ड भी आपने जाना है उस वहां से ही जाना है, वरना ये ऐसे नहीं कि जैद भाई खुद से अपने बोल रहे कि उनको बस ऐसा लग रहा है कि ये जयीफ है तो जयीफ है, नहीं, जैद भाई खुद के बारे में खुद से कुछ भी नहीं बोल रहे कि ये जयीफ है कि ये सही है, उनके वो बोल रहे कि वो ये भी कह रहे कि उनके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, वो तो सिर्फ रिपीट कर रहे जो ऑलरेडी स्कॉलर ने ये काम कर चुके,
गॉट इट। तो आप जो बोल रहे हो ना कि आप तो भाई प्लीज बोलो, तो ये काम हो चुका, कोई नया काम है तो बताइए। और ऐसा कौन सा काम है ऐसा कौन सा काम है जो अभी के स्कॉलर्स करेंगे जो इतने साल से जो स्कॉलर्स ने नहीं किया? शकील भाई मेरी बात सुनो, मैं दम हूं ये चीजों, ठीक है? तो आप एक काम करें धर्मा भाई, मैं आपको एक एक इनवाइट करता हूं मोटिवेट, मेरा एक सेंटेंस पूरा हो जाना उसके बाद मैं सुनूंगा ही। मैं बोल रहा हूं जब हमें दावे मिले तब 26,000 पर हमें ऐसे दावे मिले जिन्होंने ये बात बोली है कि मुझे 3.5 लाख हदीसें याद है, उनको कोई ना कोई तो उनके मुंह के ऊपर बोलेगा कि भाई तू झूठ बोल रहा, इतनी हदीसें ही है नहीं, कोई ना कोई तो वहां पे बोलने वाला चाहिए ना। मैं आपको तो बता आप रहा हूँ तो अब आपने एक कॉन्क्रीट सवाल बोले ना, तो कॉन्क्रीट सवाल का जवाब देने अच्छा होता है। देखो क्या होता है ना, आपको पता है कि एक हदीस जब एक चेन ऑफ नरेशन से आती है ना उसे एक हदीस काउंट करते हैं, और दूसरी चेन से आती है तो उसको भले ही सेम हदीस आई है वो दूसरी चेन से आती है तो उसको दूसरी हदीस काउंट करते हैं। इस तरह से क्या होता है कई बार एक हदीस जो है हंड्रेड्स ऑफ चेन से भी आई है तो वो काउंट करने में अलग 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 काउंट होती है। आप समझ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना तो वो उतनी सारी चेन्स ऑफ नरेशन है, और एक हदीस जो चेन्स ऑफ नरेशन से आती है ना उससे क्या होता है हमारे पास साइंस ऑफ हदीस बनता है कि मान लो एक चीज बयान कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स है एक टीचर के, 10 में से 9 एक तरफ है एक एक तरफ है, अरे उन्होंने तो ये बयान किए 9 लोग ये बोल रहे हैं एक ये बोल रहे हैं, तो एक की लगता है मिस्टेक हो गई, एक बार मिस्टेक हुई, 2 बार मिस्टेक हुई, 3 बार मिस्टेक हुई, फिर मालूम पड़ा इसकी मेमोरी खराब है, इसका रिटेंशन खराब है, उसकी ग्रेडिंग कम करते हैं। ये पूरा साइंस है, इतना अमेजिंग साइंस है। तो यहाँ कैसा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जैसे आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से बोलते हैं ये हदीस, अब जैसे मदीना की हदीस जो सही हदीस है तो अब उसके अंदर कुछ उलमा ने इस बारे में क्या कहा है कि वो ईमान वापस आ जाएगा, ये ऑलरेडी हो गया जिस तरह से डेलीगेशन आते थे, कुछ लोग कहते हैं कयामत से पहले की निशानियां हैं। तो यहाँ पे कोई चीज आपको समझ में नहीं आया बोले कि नहीं मैं एक्सेप्ट करता, ऐसा नहीं है। तो और मैं आपको बताऊं स्कॉलर्स है जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे रिसेंट पास के स्कॉलर देखेंगे शेख अल्बानी ने अबू दाऊद जो हदीस की बुक है उसके 2 पार्ट्स करके दिए, सही अबू दाऊद ज़ईफ अबू दाऊद, पब्लिक के लिए आसानी के लिए उन्होंने पिछले स्कॉलर्स की रिसर्च को जमा करके उसको 2 पार्ट करके दिए, तिर्मिदी में सही तिर्मिदी ज़ईफ तिर्मिदी, सही इब्न माजा ज़ईफ इब्न माजा। तो ये क्या है उनकी कोशिश है कि उन्होंने दिया प्रूफ के साथ दिए। तो यहाँ पे हम किसी एक स्कॉलर को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, हम उनके प्रूफ को देखते हैं। तो चलो बात तो टॉपिक यहाँ है, आई थिंक आपने भी कुछ बातें कही। अच्छा यहाँ पे पटेल साहब एक बात और आ जाती है, मैं बोलना ही चाहता क्योंकि मैं कोट करना चाहता आपकी बातों से कुछ तो बातें ऐसी। क्यूके के बाद क्या बोले, क्यूके के बाद आपने क्या बोले, मुझे भी सुनाई नहीं दिया धर्मा भाई। तीन स्कॉलर का नाम बता रहा हूँ जो हदीसों में ना दाइफ में ना सही में कहीं पे भी नहीं है, वो उन बातों को भी कोट कर जाते हो तो उनको रिफ्यूट किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि आपने भी नहीं किया अभी तक। ओके, तीन स्कॉलर्स को मैंने रिफ्यूट, मैं साइंस ऑफ हदीस का एक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं स्कॉलर्स की नॉलेज को आम करता हूँ, मैंने कितनी चीजें नहीं कहा है, जस्ट बिकॉज मैंने नहीं कहा है दैट डजंट मीन वो नहीं है। तो कोई चीज अगर प्रूफ के साथ है हम लोग मानेंगे। फिर मेरी बात सुन, फिर कोई अंतर नहीं रहा, कोई अपने फर्क नहीं रहा आप में और उनमें, जो एक पुतला दिखा के लूटते हैं जा कहने का मतलब कहीं ना कहीं पे तो किसी चीज का अंत होता है, किसी चीज का स्टॉप होता है कि यहाँ पे खात्मा हो गया है, तो वो भी नहीं हुआ क्या इसके बाद। अभी मेरी बात सुनो अपने मेरी बात सुनो, मुसंद साहब की मुसंद इमाम मुसंद की अपनी कितनी हदीस है आज कितनी मिलती है किसी ने रोका उनको, इमाम क्या किसकी मुसंद सनद के साथ जो मुसनद जो होता है ना जिसके अंदर आमतौर पे सनदों के साथ में दिया है, या फिर जैसे मुसनद अहमद के अंदर कि भाई फला नरेटर है उनकी सब हदीसें एक साथ में है, अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीसें एक साथ में, इब्न अब्बास की हदीसें एक साथ में है, तो ये फॉर्मेट है। आप टर्म में मिस्टेक है। देखो क्या होता है ना, आप एक काम करो ये टॉपिक पे थोड़ा सॉलिड क्लियर नॉलेज के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट लाओ और अधूरी बात नहीं, और एजेंडा छोड़ो धर्मा भाई सुनो, कभी भी पहले मलिक साहब की 40 हदीसें हो जाती है अभी आज की डेट में, देखो कितनी है। कौन मलिक? मुवत्ता मलिक की पहले 40 हुआ करती थी, मालिक चालीस हदीसें थी ये, आप है ना कहीं से पढ़ के बोल रहे हो। आप एक काम करो, वो कोई भी चीज है कॉन्क्रीट ना तो भेजो उसको, कहाँ से लाए क्या है। मैं जब ये चीज में घुसा था मुझे जो किताब मिली उसमें जस्ट 40 थी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पूरा अपने भेज भी दूंगा, आप अपना
धर्मा भाई, धर्मा भाई, मुझे और हमें समझ में आ रहा है कि हाउ यू फील एक्चुअली। आपको है ना अरबईन नववी मिली होगी, जिसमें 40 हदीसें ऑफ इमाम नववी है, मुअत्ता इमाम मालिक में थोड़ी 40 है, क्या यार। नहीं नहीं देखो, आप है ना कुछ बेस वाला सवाल लाओ ना तो जवाब देने में अच्छा लगेगा, ऐसे हवा में उड़ता हुआ सवाल। अरबईन नववी बिल्कुल। हाँ, तो एक काम करो धर्मा भाई, धर्मा भाई अगर मेरी बात सुनो, अगर लेखक का कह रहे लिखन का अगर मैं नाम भूल गया, आपको तो याद है ना, आपको तो याद है। अगर मान लो मैं मेरी बात सुनो, मैं अपने पड़ोसी का नाम भूल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सही नहीं हूँ? अरे बात सुनो, आपका नाम भूलने की बात नहीं है, आपके पास है ना जो आप जो लेवल का नॉलेज रखते हो ना और जो लेवल के स्टेटमेंट दे रहे हो ना, वो दोनों में बहुत अंतर है। मतलब कैसा है ना, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हो ना, ये सब हदीसों को हटा दो, ये करो, और बात जब पूछ रहा हो ना तो मालूम पड़ेगा इनको एबीसीडी भी नहीं मालूम। तो कैसा है ना धर्मा भाई, अपने लेवल से ऊपर जाके बात करना ना रॉन्ग है। आप क्या करिए, स्कॉलर को कोट करिए, सेंसिबल क्वेश्चन बनाइए, और जो है ना ये एजेंडा बेस्ड जो डिस्कशन है ना, ये छोड़ो भाई, ये सब अभी हम लोग थोड़े दिनों में दुनिया से चल बसेंगे, ये सब लेके चले गए, टाइम वेस्ट किया आपने, अपना भी मेरा भी, मतलब टाइम किस एतबार से, हम लोग ये टाइम और प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए यूज कर सकते हैं कि जिंदगी के अर्थ को पहचाने, जिंदगी की रियलिटी को पहचाने, और हदीस के ऊपर जो सही बात हो वो आपके सामने क्लियर हो कुरान इस्लाम के बारे में। तो यहाँ उसकी जगह पे हम लोग ये आधे अधूरी बातें, हाफ इनकम्प्लीट नॉलेज, उसके बेसिस पे बात करें, इट्स अ रियल वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो बोथ। तो चलो वेरी नाइस, अगली बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू धर्मा भाई, आपके चक्कर में हम यहाँ तक आ गए हैं। दिल से दिल से मोहब्बत है, आइए। वेरी नाइस वेरी नाइस। 8 पीएम क्या था वो? 8 पीएम शायद कॉफी शॉप है, समथिंग लाइक दैट। ओके कॉफी शॉप है, ओके ओके ओके, चलो ये दारू तक आ गए हम आपके चक्कर में। ये क्या है, दारू है? हमसे कैसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, कॉफी वगैरह हो सकते तो अच्छी बात। आपने आपने ना तो आगे का छोड़ा ना पीछे का छोड़ा, तो अभी तो क्या करें, कहां पे जाएं? दलमा भाई मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप है ना बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं, और आप थोड़ा सा स्टडी कर रहे हो, खाली बस ये देखिए कि आप स्टडी जो कर रहे हो सही स्टडीज कर रहे हो, एंड इंशाल्लाह आपको सही सही राह दिखेगी। आप सिर्फ जो अभी नाम जो ले रहे हो ना, वो उनको सही तरीके से थोड़ा कर लोगे ना, मुझे लगता है कि आपने बहुत पोटेंशियल है, यू हैव अ गुड पोटेंशियल टू रीच टू द कंक्लूजन, दैट कंक्लूजन। थैंक यू धर्मा भाई। प्राउड इंडियन साहब, प्लीज गो अहेड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, गो अहेड। जी जायद भाई और शकील भाई, नमस्ते आदाब। जी कैसे हैं आप? आदाब, आपको भी ठीक है? आप लोग कैसे? बस बहुत बेहतरीन जी। जी जान भाई, मैं बोल रहा था कि मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम दोस्त, वो बोल रहा था कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं तो और अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो कैसे मतलब आपको लगता है कि हम सिर्फ हाँ अल्लाह के सामने ही झुक रहे हैं, कैसे लगता है? जी आप मुझे पूछ रहे हैं कैसे लगता है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना? हाँ। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे। देखो क्या होता है ना कि अब जैसे बाज लोग क्या करते हैं ना, दूसरों के सामने भी झुकते हैं। अब हमें क्या सिखाया गया, माँ बाप को रिस्पेक्ट करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, लेकिन पूजा माँ बाप की नहीं। तो हम माँ बाप के सामने भी झुकते नहीं है। कराटे वाले आपने देखा होगा, कराटे वाले कराटे में झुकते हैं, हमें वो भी झुकने मना किया गया। हम लोग झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, ये एक्सक्लूसिव है, ये खास है, सिर्फ ये सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। और क्या होता है मालूम है, जब सर झुकाते हैं ना तो ये गुरूर टूटता है एक इंसान का, एरोगेंस टूटता है, और ये तोड़ना जरूरी है। अगर ये एरोगेंस को नहीं तोड़ेंगे ना, एरोगेंस हमें तोड़ देगा, एक इंसान का गुरूर उसको तोड़ देगा। इसीलिए दिन में 5 बार सर झुकाना लाजिम है, कि तुम सर मालिक के सामने झुकाओ सजदे में। और मैं आपको बताता हूँ ना, जो फीलिंग होती है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता। जब सजदे में सर रखते हैं अल्लाह के सामने, वो फीलिंग को आपको कोई बोले ना ऐसी है, वो कोई आप जब तक खुद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये फीलिंग ऐसी फीलिंग होती है जी। तो मैं कैसे जानूंगा कि आप अल्लाह के सामने सर झुका रहे हैं? जी कैसा होता है कि हमारा ये मानना है कि हमारा मालिक जो है उसको हम देख नहीं सकते, वो हर जगह पे उसका कंट्रोल है, लेकिन वो कायनात का क्रिएटर है। दुनिया नहीं थी, वो था, और ये दुनिया खत्म होगी, वो खत्म नहीं होगा। तो वो जो है, ये दुनिया जो है के अंदर समाया हुआ नहीं है, वो दुनिया के ऊपर है, ऊपर वाला है। दुनिया लोग बोलते हैं ना, वो भले ही आसमानों के ऊपर है लेकिन हर चीज पर देखता है, हर चीज को सुनता है, हर चीज को जानता है। हाँ, तो हम क्रिएशन की वर्शिप नहीं करते, हम क्रिएटर की वर्शिप करते हैं। वो क्रिएटर अलग है क्रिएशन से, क्रिएटर अलग है क्रिएशन अलग है। हम रचनाकार की इबादत करते हैं, रचना की हुई चीजों की इबादत नहीं करते।
तो सजदा भी जो करते हैं तो उसमें क्या है मामला, हमारा सजदा जो है अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सामने है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला ऊपर है, हमारा सर नीचे जाता है, उसके सामने हम झुक जाते हैं। जी तो जैसे कि आप, जैसे कि हमको भी लगता है कि मैं भी ऊपर वाले के यहाँ पे झुक रहा हूँ, जैसे कभी भी, जैसे कि हमको भी लगता है कि मैं भी जब होती करता हूँ तो ऊपर वाले के कर रहा हूँ, ऐसा हमको भी फीलिंग होता है। तो लेकिन मैं तो जैसे कि देखता नहीं हूँ कि वहाँ ऊपर वाले को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो ऐसा आप कैसे जानो कि हाँ मेरा पूजा उसी को जा रहा है? इसमें क्या है ना कि ऊपर वाले ने सोचने की क्षमता आपको, मुझे, हम सबको दी है, हम सबको दी है कि हम सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये सोचो कि मालिक कौन है, वो कैसा है, वो उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर कमियां हैं या वो परफेक्ट है, क्या वो निर्भर है कि अनिर्भर है, ये सब रियलिटी सोचो आप। हाँ जी ये सब तो कोई नहीं बता सकता है उसके बारे में। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बोलता हूँ, सिर्फ आज एक इशारा है, आप इस बारे में सोचिएगा, मैं आपको कुछ चीजें सिर्फ सोचने के लिए देता हूँ कि देखिए हमको ऐसा लग रहा है जान भाई जी। हेलो, हाँ बताइए। हमको अकॉर्डिंग टू मी हमको ऐसा लग रहा है कि एक समर्पण जैसे कि होता है, समर्पण होना चाहिए आदमी के अंदर, तो उससे कि वो कनेक्ट हो जाता है कि नहीं, सैक्रिफाइस जिसको बोलते हैं जी, अपने अंदर सैक्रिफाइस हो जाए कि हाँ जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अल्लाह उसके ऊपर वाले के लिए कर रहा हूँ, गॉड के लिए कर रहा हूँ, और ये इसको मैं गॉड की इबादत समझता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात बोले, मैं आपसे बात से बहुत खुश हूँ कि देखिए क्या होता है ना, हमारे जो जिंदगी के अंदर एक इंसान के सामने चॉइस आते हैं, हाँ चॉइस आते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। अब एक आदमी जॉब कर रहा है, उसके सामने आया कि मैं क्या चीटिंग करूं, कोई गलत काम करूं, बिजनेस में क्या मैं धोखा दूं किसी को, और वो कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं मालिक के लिए नहीं करूंगा, गॉड दिख रहा है ना, भले ही पब्लिक कुछ भी सोचे, मैं अल्लाह के लिए नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये भी इबादत है, ये भी वर्शिप है। हाँ जैसे कि वही तो, जैसे कि इतने सारे मजहब हैं और सब कोई अलग अलग तरीके से करते हैं, और सबको लगता है कि मैं उस ऊपर वाले से ऊपर वाले के ही कर रहा हूँ, लेकिन तो इससे क्या होता है कि अपना सैक्रिफाइस होना चाहिए, अपना विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मेरा ही ऊपर वाले का पूजा जा रहा है, इबादत ऊपर वाले का हो रहा है, ऐसा क्या लगता है आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जितने भी मजहब है सब अलग अलग तरीके से करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं उसका ही इबादत कर रहा हूँ, ये गॉड का। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मजहब सिखाता है कि ऊपर वाले की मूर्ति बना सकते हैं, दूसरा मजहब बोलता है नहीं बना सकते, गलत है, तो क्या दोनों सही हो सकते हैं या दो में से एक सही होगा, आपको क्या लगता है? लेकिन लेकिन क्या है कि लेकिन जब मैं इबादत करता हूँ तो मेरा ध्यान ऊपर वाले पे होता है कि जहाँ ऊपर वाले का पूजा हो रहा है, मैं ऊपर वाले को जा रहा है और लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, भले वो मूर्ति जैसे कि है किसी का भी हो, तो कोई मापदंड नहीं है जब इबादत पूजा करने का, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा ऊपर वाले को जा रहा है, बाकी सामने आप कुछ भी रहे, जैसे कि मैं घर में पूजा कर रहा हूँ। जी जी मैं एक्चुअली है ना, आपका जो सवाल है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी मैं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने, मैं मूर्ति पूजा सही है गलत है मैं आप बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि या तो सही है या तो गलत है, दोनों सही नहीं होंगे, है कि नहीं? बाज लोग बोलते हैं ना ये भी सही है ये भी सही है, या तो मूर्ति पूजा करना सही है या तो गलत है ना? तो यहाँ पे मामला क्या है ना, हाँ अब हम लोगों को सोचना है कि सही है या गलत है, क्योंकि एक धर्म बोलता है सही है, दूसरा बोलता है गलत है, तो कौन सी चीज सही है? तो ऐसे मैंने एक सवाल बताया, ऐसे बहुत सवाल है, या तो एक जन्म आने वाला है मरने के बाद जिसमें रिजल्ट मिलेगा, या तो बहुत जन्म होंगे, दो में से एक सही होगा, दो में से एक गलत होगा। अब होना क्या चाहिए ना, मैं आपको भाई बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मुझे जो सही मालूम है ना मैं आपके साथ रखूं, सामने रखूं, मुझे ये सही लग रहा है, आपको क्या सही लग रहा है आप रखो, हम लोग दोनों सोचें और जो सही लगता है हम दोनों फॉलो करेंगे उसको, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है उसको ऊपर वाले को आप जैसे चाहे पूछ सकते हैं, मूर्ति बना के उसको आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यही है मेरा खुदा, जैसे कि आप फिर आप निराकार भी कर सकते हैं, मूर्ति बना के भी कर सकते हैं जी, जैसे भी तो कर सकते हैं।
जैसे कि मैं ऐसे भी बोल, हाँ बोलिए। उसके लिए कुछ कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने आप में भी कुछ मंत्र पढ़ने लगा, ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे सामने कुछ मूर्ति उर्ति भी नहीं है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मेरा ये जो मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले खुश हो रहा है, ऐसे ऊपर वाले को जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? जी, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये देखें, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है हम लोग ये देखें कि क्या सही है क्या गलत है। देखो आप सोचो कि इस चीज के बारे में सोचो कि जैसे मूर्ति पूजा, अब मूर्ति पूजा में आदमी सोचे कुछ चीजें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टि के मालिक की बात कर रहे हैं। हाँ, अब क्यों ना हम उसकी बनाई हुई चीजों को देखें और कहें कि ये उसने पेड़ बनाया, ये पहाड़ बनाया, ये धरती बनाया, आकाश बनाया, और कहें कि मैं उसकी वर्शिप करता हूँ। असल चीज क्या है ना, अपने आप को सरेंडर करना उसकी मर्जी के आगे। तो वो कौन है, उसके बारे में क्या है सही बात, वो जानना जरूरी है ना कि क्या सही है। तो इसके अंदर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना मेरे भाई, ये होता है कि सब लोग है ना माइंड बंद कर लेते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ तो यही सही है, वहां कोई बोलता है मैं वहां पैदा हुआ वही सही है। हालांकि क्या है, या तो ये सही है या तो वो सही है, जो सही है हम सब करेंगे। हाँ, तो ये एक चीज है जो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, एक एनकरेज करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इस बारे में जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना, ये बारे में और आगे बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए, और ये जो रियलिटीज है ना इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि आखिर में सही क्या है। जी जेड भाई 30 सेकेंड, एंड मैं प्राउड इंडियन से बोलूंगा कि डेफिनेटली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप आए और बहुत ही अच्छे से गुफ्तगू की हमारे साथ में, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, प्लीज आते रहिए, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया बोलने के लिए। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जो स्टडी फॉर द ट्रुथ है ना, ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सही, और इसके अंदर सिर्फ ओपन माइंड से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या मालूम लाइफ मेरी है, मैं कब्र में जाऊंगा, जब मरूंगा ना तो कोई साथ में नहीं आने वाला है, और जिसने बनाया मालिक ना उसके पास ही वापस जाने वाला हूँ, और तभी कोई अर्थ नहीं रहेगा ये दुनिया, जीवन, लोग, समाज, माशरा, जिसके लिए लोग है ना सब चीजें छोड़ देते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि अपनी असलियत के बारे में सोचकर उसके लिए सोचें कि भाई सही क्या है ना, मुझे वो चाहिए, सही क्या है वो चाहिए, बस ये असल चीज है। थैंक यू जैद भाई, थैंक यू प्राउड इंडियन, टेक केयर, आते रहना, खत लिखना। उबिदुल्ला साहब एंड सिराजुद्दीन जोहर, प्लीज गो अहेड, शूट योर क्वेश्चन, बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत से आप लोग? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैद भाई मेरा ये सवाल था, आपने फरमाया जैद रजी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ज़ैनब रजी अल्लाह तआला की शिकायत की कि वो छोड़ देना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से डरो छोड़ो मत। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के बाद, इरशाद फरमा देने के बाद, फिर उसके बाद ज़ैद रजी अल्लाह तआला ने छोड़ा क्यों, तलाक क्यों दिया? हाँ जी, देखिए क्यों होता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज है ना एज अ कमांड कहें तो अलग लेवल है, और कोई चीज है एज अ मशवरा कहें। तो जैसे आपको पता होगा, एक बहुत मशहूर मामला है सही बुखारी में, हदीस मौजूद है, जिसके अंदर हम देखते हैं बरीरा रदिल्लाहु अन्हा के शौहर जो थे, जो उनके जो शौहर थे उनको राइट मिला था अपने शौहर को छोड़ने, क्योंकि क्या हुआ था, उनके शौहर गुलाम थे और वो आजाद हो गई थी। जब वो आजाद हो गई थी तो उनको राइट मिला कि वो शौहर को छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा, डिसीजन लिया कि वो छोड़ रही है अपने हस्बैंड को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनके शौहर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी तरफ से सिफारिश करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीदा रदिल्लाहु अन्हा से सिफारिश की कि मत छोड़ो उसको, अपने शौहर को मत छोड़ो। तो लेकिन उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये हुक्म है कि ये आपका मशवरा है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा मशवरा है। तो उन्होंने कहा आपका मशवरा है ना, तो मैं छोड़ना चाहती हूँ, मतलब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, यानी वो रुक गई कि अगर कमांड है तो मैं उसको अलग लेवल पे रखूंगी, लेकिन अगर मशवरा है तो वो चाह रही थी कि वो मशवरा है तो उनको नहीं रहना था अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ कैसा है मामला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हम्बल इंसान थे, हम्बल इंसान थे, नहीं तो कोई दुनिया का जालिम बादशाह अगर होता ना तो बोले तुमने मेरी बात नहीं माने ना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, कोई अगर होता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत हम्बल इंसान थे, उन्होंने बरीरा को भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, और यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फोर्स नहीं किया, कमांड नहीं दिया, अब वर्ड्स देखिए, ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं छोड़ सकते, उनके लिए ये था कि तुम अल्लाह से डरो, हाँ, और
और अपनी बीवी को रखो, एक मशवरे के तौर पे था, लेकिन फोर्स नहीं है इस्लाम के अंदर। यहाँ पे जबरदस्ती इसके अंदर नहीं था मामला कि तुम दे ही नहीं सकते तलाक। तो फाइनली जैद अदलाओं ने तलाक दे दिया, और जब वो अलग हो गई हो गए तो तब जाकर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उनसे निकाह करें, और निकाह हुआ, मतलब ज़ौजियत में दी गई वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ वाइफ का दर्जा, मदर्स ऑफ द बिलीवर का दर्जा मिला, और ये हुआ फिर। जी जज़ाकअल्लाह खैर उबैदुल्लाह साहब, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और एक सवाल था मेरा ये इसी से रिलेटेड। बहुत अच्छा, इसी रिलेटेड सवाल है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी बोलिए। जी देखिए कि अब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा बेशक बहुत नेक थे, और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी बेशक बहुत ही काफी नेक थे। तो जब दोनों भी नेक थे तो इस्लाम में इजाजत कब है, जब हम कब औरत को कब छोड़ सकते, अगर वो जो है बहुत ही खराब है तो बस छोटी मोटी बदतमीजी करे तो उस पर हम नहीं छोड़ सकते, कि हम नाराज हो सकते हैं मगर इसमें हम छोड़ नहीं सकते, या अगर वो बकीदार है जी तो भी हमें हुकुम दिया कि पहले बिस्तर अलग करो फिर उनको मारो, तो उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनी अगर तो जब छोड़ने की इजाजत है। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दोनों, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बहुत नेक थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या मसला हुआ था जो दोनों में तलाक हो गई। बहुत अच्छा आपने सवाल बोला उबैदुल्लाह भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वाक्य से हमें एक बात ये मालूम पड़ती है कि दो नेक लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि दोनों नेक है लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनी, ऐसा हो सकता है। हाँ, नंबर दो, यानी ऐसा नहीं कि कोई बदकिरदार हो तो ही होगा, ऐसा ऐसा नहीं, दोनों नेक है लेकिन दोनों मैच नहीं हुए। होता है ना, दो लोग मैच नहीं होते एक दूसरे के साथ, कभी ऐसा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं ना इंडिया में, यहाँ पे कैसा बना रखे है ना लोगों ने, देखो मैं आपको दोनों साइड बताना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो है कि तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, इस्लाम के मुताबिक तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है। शैतान बहुत खुश होता है जब उसे खबर मिलती है कि किसी हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया, तो बहुत खुश होता है। और इस्लाम में कुरान की आयत है कि सुलहुन खैर, सुलह में खैर है, तो सुलह करने की कोशिश करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक नमाज पढ़ता है रात में, क़ियामुल लैल करता है, दिन में रोजा रखता है, उससे अच्छा काम है दो लोगों में सुलह कर दो। तो सुलह करने की कोशिश करना चाहिए, और प्रॉब्लम आए तो इन लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले दोनों को बुलाया गया कि दोनों आओ बीच में सुलह करने की कोशिश करो। ये सब बातें सिखाई गई है, लेकिन साथ में एक दूसरी साइड ये है कि तलाक परमिसेबल है, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है ना तो दोनों अलग हो सकते हैं, और दोनों अच्छे लोग हैं फिर भी दोनों का नहीं बन रहा है, कोशिश किए 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 फिर नहीं हो रहा है, तो दोनों अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि लड़की को भेजते हैं ना, बोले तुम्हारे अभी वहां से तुम्हारी मैयत ही निकलनी चाहिए वो घर में से, और बिल्कुल यानी कि रास्ता टोटल बंद कर देते हैं ना। तो कितने हस्बैंड वाइफ है ना, वो आर नॉट मैच, नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, मजबूर होके रहते हैं, और जिंदगी गम और तकलीफ में गुजरती है उनकी, इसलिए गुजरती है क्योंकि वो दोनों मैच होते ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैं क्या बताता हूँ ना, इसमें बाज लोग होते हैं ना जो अच्छे मैच होते हैं लेकिन झगड़ा हो गया, और झगड़े में तुम हस्बैंड को, हम लोग बोलते हैं भाई तुम कैसे अच्छी चीजें देखो, जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें वो देखो। लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ हस्बैंड वाइफ जो है ना, हुआ नॉट मेड फॉर ईच अदर, लेकिन मजबूर बेचारे रहना पड़ता है उनको, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा बन गई है, हमारे यहाँ लोगों ने तलाक को हराम बनाया है। हालांकि इस्लाम में तलाक हराम नहीं, तलाक हराम नहीं। तो जैसे जैद और ज़ैनब की मिसाल से हम लोगों को समझ में आ रहा है। जी तो क्या डिटेल है उसकी, डिटेल में नहीं बताया गया क्योंकि दोनों को कवर्ड अप रखा गया, ये बताया गया कि ज़ैद को परेशानी थी। उबैदुल्लाह भाई जज़ाकअल्लाह खैर, आप आए, बहुत अच्छे। एक गुजारिश थी, कर सकता हूँ क्या मैं? जी करिए। आखिरी गुजारिश थी आपसे, मैं आपका डिबेट देखा साहिल के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपने साहिल को मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो बेचारा तिलमिला कर रह गया, वो आपके सामने तो कुछ नहीं बोल सका मगर बाद में आपके पीठ पीछे स्ट्रीम बना के वो बकता रहा। तो वो मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट उसका कैरियर एंड हो गया। तो अभी और एक टॉपिक है जो वो लोग बहुत उठाते, जैसा कि सूरे तौबा के आयतों पे बहुत एतराज करते, तो आप अगर ओपन उसको चैलेंज कर देंगे अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और उस पर भी एक डिबेट रख लीजिए ताकि वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। जी तो वो आपको तो मालूम होगा कि सूरत जी 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 मुझे पता है, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे भी सोच रहे थे वो मौजू लिया जाए स्ट्रीम में यहाँ पे, और लिया जाए। और नेशनल टीवी पे भी बहुत बोलते हैं वो, और एक मॉडल थे समीर, वो सूरह तौबा के आयतों को बहुत कोट करते हैं वो। जी और मिस कोट करते हैं आधी बात बताते हैं। मिस कोट करते हैं, एक एक आयत लेके वो, जी कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते, एक एक आयत लेके मिस कोट करते हैं वो। जी जी जी
होना चाहिए, इस ताल्लुक से कुछ होना चाहिए। आपने बताया जी, तो अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चैलेंज कर दिए, अगर कर दीजिए अगर आप साहिल को, तो उसके बाद तो वो पूरा का पूरा खत्म होगा। अल्लाह हिदायत दे दे उसको, वो अपनी ताकत को सही रास्ते में इस्तेमाल करे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अल्लाह हिदायत जिसको दे तो हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस लायक है उसको वो चीज जरूर मिलेगी। अगर उसमें अच्छाई है वो आएगा सच्चाई पे, और नहीं है ना तो उसको दुनिया की बहुत सी चीजें हैं जो इंसान को वक्ती तौर पे अटका के रख देती है। जी जी सही, इंशाल्लाह हम लोग आपके मसले। जज़ाकअल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई साहब, आते रहना प्लीज। सिराजुद्दीन भाई, सिराजुद्दीन भाई, वालेकुम सलाम भाई, बहुत आपने सबर किया है। असल में मेरा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, और ये सुन के शायद आपको नाराजगी होगी। मुझे सिर्फ आपके ना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना थी, क्योंकि हम कॉलेजेस में रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा कैरेक्टर हम मुस्लिम शो होते हैं, तो वहाँ कुछ इसलिए, तो जो आपके ऑनलाइन क्लासेस के प्रोसेस है मैं सिर्फ वो जानना चाहता था। और मोस्ट वेलकम, खुशी की बात है। मैं संडे मॉर्निंग को, संडे सुबह 11 से एक पढ़ाता हूँ, आज भी हुई थी क्लास। ये देखिए टिकट चल रहा है ना टिकट के ऊपर वो वेबसाइट वो iman dot institute लिखा है ना, आप उस पे आ जाइए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स संडे सुबह चल रहा है, आप जरूर ज्वाइन करिए। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स, हाँ अगले संडे जरूर रहिएगा क्लास में इंशाल्लाह। जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम। Zed bhai, now something closing, because आप देख सकते हैं कि टाइम क्या हो गया है। डेफिनेटली काफी लोग यहाँ पे है, आनंद भाई को भी मैं देख रहा हूँ, शमशाद भाई, आरिफ भाई, अहमद भाई, सभी लोग यहाँ पे है, बट वी आर रियली सॉरी बहुत लेट हो चुका है। काम करते हैं शकील भाई जी, मैं जो है ना एक कुछ एक चीज जो है ना, मैं अपनी पावर पॉइंट शेयर करता हूँ, जो चीजें मैंने कवर नहीं की है वो मैं कवर कर लेता हूँ। हाँ आप कवर कर लो, चलो। व्हाट डू यू थिंक? गुड एनफ, इफ यू थिंक दैट इज नेसेसरी, एक कर लेते हैं बेहतर रहेगा। I'll just quickly run through my whole, जो अभी तक की आधी जितनी पावर पॉइंट है मैं उतना रन थ्रू कर लेता हूँ इंशाल्लाह, और जो चीजें कुछ मिस हो गई तो मैं वो शेयर कर लेता हूँ आप सबके साथ। हाँ जी, क्योंकि क्या है ना, मैं वेट कर रहा था जो जो सवाल आएंगे वो लूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ सवाल नहीं आए फाइनली, तो लेट्स गो अहेड। ये पहला सवाल था कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इंट्रोडक्शन, अडॉप्शन क्यों मना है इस्लाम में, क्यों मना है इस्लाम में। तो इसकी आयत हम लोगों ने कुरान की ये नहीं देखा, अल्लाह ताला ने फरमाया उदूहुम लि आबाहिम, उन्हें अपने वालिद के, फादर्स के नाम से पुकारो, हुआ अक्सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ का मामला है, मोर जस्ट, फेयर बात है, फेयर वर्ड्स नोट करो, वो बच्चे के फादर के नाम से पुकारो, ये इंसाफ है उसके साथ। उसके साथ तुम नाइंसाफी कर रहे हो, उसकी आइडेंटिटी, उसके रूट्स, उसके सारे रिश्तेदार सबसे उखाड़ दो, ये गलत हो रहा है। अक्सतु इंदल्लाह, इंसाफ की बात है, वो यतीम है तो क्या हुआ, उसकी आइडेंटिटी लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। फलम तालमो आबाहुम, अगर तुम उनके फादर्स का नाम नहीं जानते हो, फइख्वानुकुम फिद्दीन, तो दीन में तुम्हारे भाई है वो, वो मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ दोस्त, मवालीकुम का मतलब है जो तुम्हारे अंडर है वो भी माना है, और दोस्त है वो भी माना है। तो हम देखते हैं कि अगर नहीं मालूम है तो भी तुम्हें राइट नहीं कि तुम अपना नाम दे दो, वो तुम्हारे भाई है दीन में। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिह, तुम पे कोई गुनाह नहीं है, जो चीज तुमसे गलती हो गई वो तुम्हारे पे कोई गुनाह नहीं, जो पता नहीं था तुमने गलती की है। वलाकिन मा ताअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो तुम दिलों से चाहते हुए करो ये गलत है। वकानल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहम करने वाला है। ये हमने यतीम की किफालत के ताल्लुक से हदीस देखे कि यतीम की किफालत का कितना बड़ा अजर है। फिर हमने देखा यतीम का ख्याल रखना, इस्लाम ने कैसे सिखाया कि यतीम का कैसे ख्याल रखना है, और कितने सारे तरीके हैं कि कोई कोई सोसाइटी में जितने भी यतीम जनरेट होंगे उनका ख्याल रखने के लिए ये सिखाया गया है। यतीम के ख्याल रखने में ये ग्रीन में जो दिख रहा है ये अलाउड है, रेड में दिख रहा है वो नहीं अलाउड है। करो आप ख्याल रखो, उसको मुंह बोलना बेटा भी बोल सकते हो, लेकिन उसका फादर का नाम नहीं ले लेना। बेटा बोल के प्यार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको घर का मेंबर जैसा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या करना है, हिजाब, जब वो बालिग हो जाए तो फिर उसके हिजाब का ख्याल रखना है, बालिग होने के बाद उसके लिए वैसा अरेंजमेंट करना है, और पॉसिबल है वो भी करना, ठीक है। विजडम क्या है अडॉप्शन की, फिर हमने देखा क्या क्या विजडम है कि अडॉप्शन को मना किया गया, जो अडॉप्शन को मना किया गया तो वो क्यों मना किया गया। अडॉप्शन वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ तो किसी को अब बच्चे के जैसा प्यार करना मना नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से नाम करके उसकी आइडेंटिटी उखाड़ने मना किया गया, वो क्या रीजन थे वो हमने देखा। फिर मैंने मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में ये भी मना किया, जैसे जाहिलियत में एक जमाने में चलता था कि लोग अपनी बीवी को बोल देते थे कि ये तुम मेरी माँ की तरह हो, यानी युज़ाहिरूना अल्लदीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, कि जो अपनी बीवी को कहते हैं कि युज़ाहिरूना, जिहार करते हैं, जिहार का मतलब ये कहना
कि तुम मेरी बी मेरी माँ की पीठ की तरह हो, तो ये कहने का मतलब ये है कि तुम माँ की तरह हो, ये इस्लाम ने मना किया। अल्लाह ताला ने कहा माँ हुन्ना उम्महातिहिम, ये उनकी माए नहीं है, मतलब वो तुम्हारी बीवी है ना, वो तुम्हारी माँ नहीं है। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम, उनकी माए वही हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जो जन्म दिया ना वही उनकी माए हैं। तो यानी ये भी मना किया गया था, सूरह मुजादला पढ़ते हैं तो वहां पर माँ बनाने मना किया गया, बीवी को माँ बनाने मना किया गया, उसी तरह जो मुंह बोला बेटे को रियल बेटा मना किया गया, वो भी सूरह अहज़ाब में है। ओके, ये हमने आंसर देखा कि जो किसी ने सवाल पूछा था कि वो जैद की वाइफ थी फिर बाद में मदर बनी, तो ये सवाल का जवाब हमने देख लिया कि जैद की वाइफ थी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर वो मदर का दर्जा मिला, लेकिन वो मदर कौन सी होती है, वो रूहानी मदर होती है। ये याद रखिए कि वो रूहानी मदर से ये आयत जब आई तो इससे भी मना नहीं हुआ था कि अन्नबियु औला बिल मोमिनीना मिन अन्फुसिहिम, नबी मोमिनों के खुद की जानों से करीब है। वा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियां उनकी माएँ हैं, जो बीवियां माएं हैं तो इससे मुराद क्या है, वो रियल माँ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये तो बता ही दिया ना, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम, उनकी माएं तो वही है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। यहाँ पे क्या ये स्पिरिचुअल स्टेटस है कि माँ के जैसा स्टेटस मिला है, क्योंकि उनके लिए हिजाब है, अगर माँ रियल माँ होती तो हिजाब नहीं होता। तो यहाँ पे मना नहीं हुआ, जो बीवी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से शादी मना है वो यहाँ मना नहीं हुई। वो कहाँ मना हुई, वो आगे जाके मना हुई जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनसे उनके बाद शादी नहीं कर सकते, उसके विजडम को मैंने शायद पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्या जरूरत थी। बाज लोग बोलते हैं ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्या जरूरत थी, तो ये ऐसी चीज थी जो एकदम स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो गया कि गोद लिया हुआ बेटा रियल बेटा नहीं है, ये एस्टैब्लिश हुआ। बाज लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अरे बेटी उसकी उसकी बीवी से शादी करना वो चीज से ज्यादा जरूरी था ये एस्टैब्लिश करना कि वो रियल बेटा नहीं है, हम उसको उखाड़ने में बिलीव नहीं करते हैं। और आज भी लोग इसे बुरा समझते हैं, बुरा समझते हैं कि वो बेटा समझते हैं, वो बेटा नहीं है, वो मुंह बोला बेटा है। चलिए ये सबके बाद हमने ये देखा, ये आंसर देख चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल लोग पूछते हैं, ये सवाल आया नहीं, किसी ने भी पूछा नहीं, लोग क्या बोलते हैं इस्लाम में तो इस्लाम में अडॉप्शन मना है, अपना नाम देना मना है, तो उसकी बेटी से शादी कर जो मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करके क्यों प्रैक्टिकल मिसाल कायम की गई जब अडॉप्शन ही मना हो गया। तो उनके सवाल का जवाब यहाँ पे ये है कि इस्लाम में मना है, दुनिया में तो लोग बनाते हैं ना, अपना नाम देते हैं। आप देखोगे मिसाल के तौर पे सिर्फ अमेरिका की मिसाल देखो कि अमेरिका के अंदर 5 मिलियन यानी 50 लाख ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम जो अडॉप्टेड है, 50 लाख जो अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड यानी जिनको उनकी फैमिली नाम से हटा करके दूसरे नाम में दिया गया है नाम का, तो ये यानी दुनिया में तो चलता है ना। तो अगर ऐसा कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम में आता है तो उसको रूल मालूम पड़ जाता है, क्या मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे जो मुंह बोला बेटा रियल बेटा नहीं हुआ, या अडॉप्टेड बेटा गोद लिया हुआ बेटा वो रियल बेटा नहीं हुआ। और आप इस बात से भी देखिए कि किसी को बेटा बोलना अलाउड है इस्लाम में, जैसे मिसाल दीजिए, देखिए अबू दाऊद की हदीस है, हज के टाइम की बात है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, कजिन थे, वो बताते हैं कि हम लोग कुछ यंगस्टर्स थे, वो ये कुछ यंग बॉयज थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको कहा उबई उबईनिया के ए बेटो, उबईनिया ए बेटो, ला तरमुल जमरता हत्ता तत्लुअ शम्स, के जमरात पे कंकर ना मारो जब तक सूरज ना निकल जाए। तो उनको बेटे कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुंह बोला बेटा कहने की इजाजत है क्या? हाँ है। तो इस्लाम में मुंह बोला बेटा कहने की इजाजत है ना, आप अगर किसी को अरे बेटा ये करो, बाज लोग है ना तो कुछ ज्यादा ही होते हैं, हर चीज हर किसी को बेटा बोलते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई अगर अफेक्शन से मोहब्बत से किसी को बेटा बोले तो फिर क्या उसकी बहन से शादी मना हो गया, उसकी बेटी से शादी मना हो गई, तो दुनिया की कितनी सारी औरतें मना की लिस्ट में जाएगी। क्या होता है ना, जो मना है वो मना है, और जो नहीं मना है उनको मना की लिस्ट में डालने की इजाजत भी हमें नहीं है। अच्छा एक सवाल लोग बोलते हैं कन्वीनियंटली वही आ गई, कन्वीनियंटली वही आ गई, ऐसा एक सवाल बोलते हैं, तो कन्वीनियंट नहीं था ये, इनकन्वीनियंट था, मोहम्मद सलासन के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान था ये, और अल्लाह ताला ने कुरान में वो बात बताई, ये इनकन्वीनियंट रेवलेशन है। और अगर आप देखोगे वही के अल्फाज में मोहम्मद सलासन को करेक्ट किया गया है, आप सोचो कि कोई शख्स अगर गढ़ता, अगर खुद बना रहा होता तो क्या वो अपने आप को इस तरह से शर्मिंदा किया होता, अपने आप को इस तरह से क्या वो शर्मिंदा किए होते, अगर कोई गढ़ने वाला झूठा इंसान होता तो क्या वो अपने आप को इस तरह से शर्मिंदा करते? बिल्कुल नहीं।
और आपको कुरान में ऐसी कई आयतें मिलेगी जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेक्ट किया गया है। इससे पता चलता है कि ये वो भी बस पहुंचा रहे थे अल्लाह का पैगाम, बंदों तक पहुंचा रहे थे, कभी उनको भी डांटा गया उसमें कुरान में, हाँ, और ऑफ कोर्स ऑनर भी दिया गया, बहुत इज्जत दी गई, लेकिन कहीं करेक्ट भी किया गया। और कभी ऐसा भी था कि वही नहीं आई। अब देखो आयशा रदिल्लाहा का जो उन पे तोहमत और इल्जाम लगाई गई, तो 50 दिनों तक कोई वही नहीं आई। तो जो इन जो कन्वीनियंट रेवलेशन का इल्जाम लगाते ना, उनका जवाब यहाँ ये है कि आयशा रदिल्लाहा पर इल्जाम लगने के बाद 50 दिन तक कोई वही नहीं आई। अगर कन्वीनियंट रेवलेशन का मामला होता तो आ गई होती ना वही, आ गई होती, कन्वीनियंटली वही आ गई होती। लेकिन क्या पता चलता है, यहाँ पे मोहम्मद सल्लम के कंट्रोल की बात नहीं थी, अल्लाह की मर्जी की बात थी। उसी तरह इंशाल्लाह मोहम्मद सल्लम ने नहीं कहा था तो उनको कई दिनों तक वही नहीं आई, हाँ कई नहीं आई। ये क्या था, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह चाहे अपने नबी को भी सिखाए, नबी हमारे लिए एग्जाम्पल है, तो हमें सिखाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि तुम इंशाल्लाह नहीं बोलोगे तो तुम्हें ये करेक्शन के तौर पर, इबरत के तौर पर ये मिसाल दी गई। तो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुछ मौकों पर भूले भी, तो हमें मालूम पड़ा कि कैसे हम भूलें, तो हमें क्या करना है। तो सवाल क्या उठता है कि यहाँ पे वही कन्वीनियंटली नहीं आई, मतलब ये इनकन्वीनियंस की बात थी, हाँ ये कन्वीनियंस की बात नहीं, इनकन्वीनियंस की बात थी। और फिर हमने देखा कि स्टोरी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीइंग ज़ैनब रदिल्लाहा, तो ये स्टोरी में मैंने आपको बताया कि इसमें तीन प्रॉब्लम्स है, और ये डिटेल में अभी नहीं जाता हूँ, किसी को देखना है तो वो जाकर पीछे देख सकता है, वीडियो में स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। तो ये मैं स्किप करके आगे बढ़ा 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 यहाँ पे आ गया। अच्छा, बाज लोग क्या बताते हैं कि ये फला फला मुहद्दिसीन ने ये हदीस को जमा किया है, हाँ फला फला तफसीर की किताब में हदीस जमा है, हाँ, लेकिन ये सबके सब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं ये हदीस फला नरेशन से मिलती है, उल्टा इनकी कोशिश की वजह से वो एक्सपोज हो गया, झूठ झूठ एक्सपोज हुआ। वो इसलिए एक्सपोज हुआ कि उनकी कोशिश थी, उन्होंने जो रिकॉर्ड किया उस वजह से ये झूठ एक्सपोज हुआ। और फेक स्टोरी में जो प्रॉब्लम है, हाँ एक बात ये भी गौर करिए कि ज़ैनब रदिल्लाहा की जब शादी हुई ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो टाइम पर उनकी उम्र 35 या 38 ईयर्स की थी। तो आप सोचो अगर ऐसा ही था मामला जैसे लोग बोलते हैं, तो जवानी में कर लिए होते ना, 35-38 ईयर्स से क्यों वेट की, तक क्यों वेट की, सोचने की बात है कि नहीं। और अल्लाह ताला ने कहा कि आप मत छुपाओ, वतख्शा नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु, कि आपने के डर, एक मिनट, हाँ ये तुख्फी वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही, जो आपने अपने नफ्स में छुपाया जो अल्लाह जाहिर करने वाला था। तो क्या था, क्या था, जरा गौर करो। वो लोग क्या कहते हैं कि लव स्टोरी थी, हाँ, तो वल्लाहु मुब्दीही, क्या मुब्दीही, मुब्दीही का मतलब जो अल्लाह जाहिर करने वाला था, क्या जाहिर करने वाला था, वो हुक्म, क्या हुक्म, कि आप जव्वज ना कहा, क्या हमने आपकी शादी उनसे कराई, ये हुक्म ना था मुब्दीही, जो जाहिर करने वाला था वो ये बात जाहिर करने वाला था कि अल्लाह ने उनकी उनकी शादी आपसे कराई। तो ये बात हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज के अंदर क्या मतलब था वो हमने देखा। चलिए तो यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ, बहुत लेट भी हो गया है और मैंने कुछ चीजें कवर की, बाकी मैं इस पे iPlus TV की एक प्रोफेशनल वीडियो इंशाल्लाह बनाना चाहता हूँ, मैं वो बना करके उसका रहेगा इंशाल्लाह, वो YouTube चैनल पे, इसी YouTube चैनल पे आएगी भी इंशाल्लाह इसी मौजू पर, आई होप सो कि बहुत जल्द आ जाए इंशाल्लाह। तो एक सब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान, अगले हफ्ते हमारी जो स्ट्रीम होगी सैटरडे नाइट होगी इंशाल्लाह, अगले हफ्ते हमारी स्ट्रीम कब होगी, सैटरडे नाइट होगी, 9:30 होगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक हम टॉपिक क्या लेंगे इंशाल्लाह, हम टॉपिक लेंगे गुलामी का टॉपिक, क्या इस्लाम गुलामी प्रमोट करता है, हाँ क्या इस्लाम गुलामी प्रमोट करता है जी। आई थिंक आई एम डन शकील भाई, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, यू म्यूट, आप म्यूट हैं, जी जी, जज़ाकअल्लाह खैर ज़ैद भाई, बारकल्लाहु फीकुम, जरा क्लोजिंग कर ले एंड निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। ज़ैद भाई give a closing statement, closing statement ये है मेरे brothers and sisters, ये सब झूठ जो बयान किए जाते हैं ना, ये भी एक टेस्ट है। उल्टा कितने लोग जो हो सकता है कि नॉर्मल तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, वो झूठ सुनकर के इंटरेस्टेड हो जाते हैं, फिर सही बात जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको सही बात मालूम पड़ती है, वो चीज उनको टच करती है। तो मैं बिलीवर हूं इस बात का कि इल्जाम लगाने से कोई चीज जो हक है ना, वो कोई चीज को, कोई उसको दिन को, मतलब सूरज पे रोशनी को आगे वो काला नहीं कर सकता है, वो रोशनी रोशनी है। हाँ, जिसको आंखें बंद रखना है तो उसका तो मामला अलग है। तो मैं देखता हूँ कि जितना वो लोगों ने डेस्परेट अटेम्प्ट्स किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेम करने की,
उतना ज्यादा वो एक्सपोज हो जाते हैं, दुश्मन जो होते हैं ना उतने ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, उनका लेवल एक्सपोज होता है, उनका झूठ, उनका उनका फ्रॉड एक्सपोज होता है। हाँ, तो हक हक है, सच सच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के झूठ से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात मैंने कहा लास्ट में, इसी के साथ हम एंड करेंगे। लेट्स मीट अगेन इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।